नमस्कार सारे व्यूअर्स से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में तो यहाँ पर टी का ये फाइनल मुकाबला चेपॉक्स सुपर गिलीज वर्सेज लाइका कोवे किंग का ये मुकाबला है न्यूज़ दे दें कि आपको टॉस अभी हुआ नहीं है और बारिश के चलते जो है मुकाबले में अभी टॉस नहीं हुआ है ग्राउंड को सुखाने की कोशिश की जा रही है अभी टॉस जो है पूरी तरीके से हुआ नहीं है यहाँ पर तो आप सभी का स्वागत करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी पर लाइव हिंदी कमेंट्री जो है क्रिकेट लाइव हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है तो फटाफट वटावर ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर आज ये बत्तीसवां मुकाबला है समझ लीजिए फाइनल मुकाबला है टी एन पी एल का इस सीज़न का को किसके पास जो है वो ट्रॉफी जाएगी वो देखने वाली बात होगी एक साइड पे है नयन जगदीशन एक तरफ है शाहरुख खान शाहरुख खान की टीम जो है पिछला मुकाबला एक हाइएसट चेज करके यहाँ पर पहुँची है दोनों टीमें जो हैं वो अच्छा क्रिकेट खेला है इस टी एन पी एल में दोनों टीमें स्ट्रांग है बल्लेबाजी स्ट्रांग है गेंदबाजी स्ट्रांग है अब देखते हैं आज वो फाइनल में जो है कौन जीतता है यहाँ पर बता दें कि भाई बारिश हो रही है इस वजह बारिश हो रही थी और ग्राउंड गीला हो गया है इस वजह से टॉस अभी तक नहीं हुआ है ग्राउंड को सुखाया जा रहा है और मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब है यहाँ पर लेते हैं आप सबके मैसेजेस से मैसेज ले लेते हैं यहाँ पर महेश भाई कह रहे हैं हाय सर कौन सी टीम फेवरेट है भाई भाई फेवरेट का पता नहीं राणा भाई कह रहे हैं यहाँ पर सर किसको सपोर्ट कर रहे हो राणा भाई पहले देख लेते हैं टॉस होने वाला है क्योंकि टॉस के बाद बल्लेबाजी के लिए पिच अनुकूल है ये पिच अनुकूल है बल्लेबाजी करने के लिए मगर बारिश हो चुकी है बारिश के बाद देखते हैं किस तरीके से पिच बिहेव करता है कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है मुकाबला मौसम खराब है कोयम्बूर का अब यहां से देखना होगा कौन सी टीम जो है जीतेगी क्योंकि देखिए बारिश के चलते अगर ये मैच छोटा होता है तो कितने ओवर का ये मैच होगा क्योंकि ऑफिशियली देखा जाए तो छः पचास पे टॉस हो जाना चाहिए था अभी सात बज के दस मिनट हो चुके हैं और टॉस नहीं हुआ है तो बारिश है, हो रही थी अब यहाँ पर लाइव विजुअल जो दिखाए गए हैं उसमें ग्राउंड को सुखाया जा रहा है काफ़ी पानी भर गया है ग्राउंड के अंदर क्योंकि बारिश आज यहाँ पर सुबह से ही काफ़ी हो रही है और कम से कम सिक्सटी फाइव परसेंट चांसेज़ थे इस मुकाबले में बारिश होने के और यहाँ पर उनतीस डिग्री टेम्परेचर है आ, एडिस भाई कह रहे हैं आपकी कौन सी टीम होगी भाई लाइक का विन होगी बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने भाई फ़नी कॉमेडी शॉर्ट बाइक है भाई, भाई देखिए अब स्ट्रगल किया तो स्ट्रगल तो दोनों टीमों ने किया यार आप पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो नंबर नंबर दो नंबर पर थी आपकी चैपॉक्स सुपर गीलीज सात मुकाबले आठ मुकाबले खेले हैं टोटल छः जीते हैं दो हारे हैं वही काम लाइका ने भी किया है लाइका ने नौ मुकाबले खेले हैं और छः जीते हैं तो यहाँ पर दोनों टीमें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं बल्लेबाजी भी अच्छी है गेंदबाजी भी अच्छी है दोनों टीमों की अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा इस मुकाबले में क्योंकि देखिए बारिश के चलते अभी टॉस नहीं हुआ है सवा सात बजे ये मुकाबला शुरू होना था अभी तक टॉस नहीं हुआ है ग्राउंड को सुखाया जा रहा है लाइव विजुअल आ चुके हैं और उनमें दिखाया गया है कि ये गेम जो है अभी तक कुछ पता नहीं है कि कब तक ये शुरू होगा तो बारिश जो है वो खलल डाल चुकी है इस मुकाबले में आज वुमेन्स के मैच में भी देखा था कि बारिश ने जो है खलल डाला है अब यहाँ पर टी के इस फाइनल मुकाबले में बारिश जो है आ चुकी है इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एवीआर पे के बारे में एवीआर एवीआरपे ग्लोबल आईडी नेटवर्क है जहां पर मिनिमम बैट जो है सिर्फ दस रुपए की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइचेंट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए एवीआर पे के साथ खेलिए और जीतिए यहां पर इनाम फास्ट विड्रॉल फास्ट डिपॉजिट है पे का और ये ग्लोबल आई डी नेटवर्क है मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से आप पे पर जुड़ सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं अच्छी बात इसकी है कि मिनिमम दस रुपए की बैट है और सौ रुपये का डिपॉजिट है फास्ट विद्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है ट्वेंटी फोर सेवन लाइफ शर्ट सपोर्ट है व्यूअर्स का जो है हमारे जितने व्यूअर्स खेलते हैं ए वी आर पे पे हंड्रेड uh, परसेंट जो है सक्सेस uh, जो है रिवॉर्ड है मतलब सक्सेस मिला है इसमें डेली कॉन्टेस्ट चलते हैं पचास हज़ार रुपये तक का कैश प्राइस चलता है यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट में जो आप जीत सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में प्लस हर ट्रांजेक्शन पर आपको दो परसेंट का बोनस मिलेगा दो परसेंट का बोनस इस तरीके से मिलेगा कि आप विद्रॉल करिए डिपॉजिट करिए आपको दो परसेंट का बोनस मिलेगा ही मिलेगा तो यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ और लेते हैं आप सबके मैसेजेस मैसेजेस काफ़ी आ चुके हैं आप सबके भाई बारिश हुई है इस मुकाबले में और अब देखते हैं कि बारिश तो बंद हो गई है देखिए बारिश बंद हो चुकी है ग्राउंड को सुखाने का काम चलता है अब देखते हैं क्या ओवर कटेंगे या पूरे 20-20 ओवर का यह मुकाबला होगा यह भी देखने वाली बात होगी टी का यह आखिरी मुकाबला है इस सीज़न का और यह फाइनल मुकाबला है सारे ग्राउंड में लोग जो है आ चुके हैं बारिश नहीं हो रही है अच्छी बात यह है तो यहां पर दोनों सारे प्लेयर्स जो हैं बाहर खड़े हुए हैं अब देखते हैं यहाँ से कब तक ये मैच शुरू होगा और कब तक यहाँ पर टॉस हो सकता है लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को दोनों टीमें यहाँ पे आ चुकी हैं न्याज भगवान भाई जुड़ गए हमारे साथ कह रहे हैं हेलो भाई हेलो भाई कैसे हैं न्याज भगवान भाई आप बताइए यहाँ पर और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आ, अगेंस चलिए यहाँ पर जो है अब ये सीज़न का जो है ये तकरीबन तकरीबन आज आज मुकाबला है चेपॉक जो है अच्छा खेला है इस सीजन में दो ही मैच हारे हैं अपने बाकी ऑलमोस्ट सारे मैच जो है जीते हुए आई है आपकी टीम सर सचिन यादव भाई टॉस के बाद देखूंगा अगर टॉस के बाद जो है मेरे को तो वैसे पसंद लाइका ही है मुझे लाइका को सपोर्ट करूंगा मगर चेपॉक की टीम भी आप कम मत आगेगा आठ नंबर तक बल्लेबाजी है उनके शाहरुख शाहरुख नहीं रुकेगा आज न्याज भगवान भाई शाहरुख तो पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी आ, कम से कम अट्ठावन रन बनाए थे नाबाद चौबीस गेंदों का सामना किया था और आज भी जो है मुझे लगता है उनके बल्ले से एक परफॉर्मेंस दिख पाएगा यहाँ पर नई नई टीम को जो है बिल्कुल पस्त कर दिया था यहाँ पर और कदम रखा था फाइनल में चेपॉक जो है वो भी फाइनल में पहुँची है पहला क्वालिफायर में उन्होंने भी नल्लई को हराया था और क्वालीफायर में पहले क्वालीफायर में जो है पहुँच गई है फाइनल पे बारिश रुकी हुई है बारिश रुकी हुई है बस देखा जा रहा है कि ग्राउंड जो है कब तक सुखाया जाएगा और मैच देखना होगा कितनी देर में शुरू होगा लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को मेरी टीम भी लाइका रहेगी अगर लाइका यहाँ बल्लेबाजी करना चेज करने आती है तो निश्चित तौर पे मुझे चेज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वही ग्राउंड है जहाँ पर क्वालिफाइड टू खेला गया था जहाँ पर एक हाईएस्ट चेज किया था रिकॉर्ड चेज किया था नल्ले की टीम के खिलाफ जो है लायका कोवई कि ने तो वहाँ पर देखते हैं अब क्या कब तक ये मैच शुरू होता तब तक जो है विजुअल ले लेते हैं लाइव विजुअल में देखिए बताए देख रही बारिश बिल्कुल दि नहीं दिख रही है लोग खड़े हुए हैं किसी ने भी छाता नहीं खोला है अपना बारिश कुछ देर पहले हुई थी ग्राउंड गीला हो गया है ग्राउंडस मैन लगे हुए हैं ग्राउंडसमैन लगे हुए हैं है ग्राउंड को सुखाने में अब देखते हैं कितनी देर में ग्राउंडसमैन जो है ग्राउंड को सुखा देंगे लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को यहाँ पर जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में आज देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारेगी तो अभी तो जहाँ पे आज जो है मैं सबसे आज वी लक्ष्मण भी जो है वो आए हुए हैं टी एन पी एल का देखने के लिए जी वी एस लक्ष्मण आए हैं देखना होगा आ जी हाँ जी हाँ हा। वी लक्ष्मण भी जो है टी एन पी एल का फाइनल देखने आए हुए हैं देखते हैं आज वी लक्ष्मण सामने जो है किस तरीके से टीमें परफॉर्म करती हैं बिल्कुल भाई थैंक यू और फिज़ फैज़ अली भाई कह रहे हैं हाय सर हाय फैज़ अली भाई कैसे हैं 24 लाइक हो चुके हैं बारिश बिल्कुल भी नहीं है बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है ग्राउंडसमैन जो है वो ग्राउंड को सुखा रहे हैं सुपर सोवर जो है वो चल रहा है यहाँ पर और धीरे धीरे पाइप लगाकर जो है पानी को बाहर निकाला जा रहा है साउथ अफ्रीका में कौन जीतेगा भाई रमन कुमार जी मैं तो बोल चुका हूँ इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ इंग्लैंड जीते इंग्लैंड यार थ्री सीरीज़ नहीं हारेगा अपने घर के अंदर उनको भी अपना जवाब देना पड़ता है आ, भाई भाई अपना ट्रीन इलेवन टीम दे दो कैप्टन वाइस कैप्टन न्याज भाई इस पर कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या बनाएंगे अगर कप्तान बनाना है तो आपको बी साई सुदर्शन को बना लीजिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बी साई सुदर्शन और अच्छे फॉर्म में भी हैं पिछले मैच में भी अच्छे खासे रन बनाए थे उन्होंने लाइक दिस विंटर मैच भाई देखिए मयंक कुमार भाई जो कह रहे हैं वो तो लॉजिक नहीं है मगर ये पिछपे अगर लाइका चेज करती है ठीक रहता है अगर डिफेंड करती है तो कहीं ना कहीं दम रखती है छपॉक सुपर गिलीज भी चेज करने का दोनों टीमों की बल्लेबाजी स्ट्रांग है आठ नंबर तक बल्लेबाजी है यहाँ पर कवर्स जो है लग रहा है कि शायद हटाए जाएंगे यहाँ पर कवर्स अभी लगे हुए हैं सुपर सोवर चल चढ़ रहा है यहाँ पर और पानी को निकाला जा रहा है क्योंकि ग्राउंड में पानी भर गया था सिक्सटी चांसेस थे इस फाइनल मुकाबले में बारिश होने के लिए प्लेयर आपस में बात कर रहे हैं देखते हैं कब तक ये मुकाबला शुरू होता है कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट यहाँ पर करता रहूंगा तब तक आप सब लोग अपने अपने कमेंट्स करते रहिए लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को क्योंकि टी एन पी एल का यह फाइनल मुकाबला और फाइनल मुकाबले में भी एक ज़बरदस्त गेम देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पर देखते हैं ज़बरदस्त गेम देखने को मिलेगा कि नहीं कॉमेंट्री लेते हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं यहाँ पर आज पूरे दिन जो है बारिश चलती रही है और पानी भर गया होगा तो इसलिए ग्राउंड को आउटफील्ड को देखो सुखाया जा रहा है कवर्स लगाए हुए हैं अभी पिच के ऊपर क्या ये कवर्स कितनी देर में हटाए जाएंगे वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर टी एन पी एल दो हजार बाईस में दो टीमें हमारे सामने हैं छपॉक्स सुपर गीलीज लायका को वही किंग दोनों में से एक टीम के हाथ में ये ट्रॉफी लगेगी क्या ये ओवर कटेंगे ये सवाल आपके दिमाग में होगा मुझे लगता है अब अगर बारिश नहीं हो रही है ग्राउंड को जल्दी सुखा दिया जाए तो ओवर हमें कटते हुए नहीं दिखेंगे यहाँ पर आ, रिजर्व डे शायद टीएनपी में रिजर्व डे जो है वो नहीं रखा गया है यहां पर तो फैसला आज के रात ही होगा आज ही रात जो है फैसला होगा कि कौन सी टीम ट्रॉफी को जीतती है आ, यहाँ पर लेते हैं भाई मैच हो पाएगा बिल्कुल हो पाएगा जी बारिश बंद हो गई है अरमान भाई अमित नीरज जी कह रहे हैं भाई इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भाई इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं इंग्लैंड जो है वो जीते इस मुकाबले को उनतीस लाइक हो चुके हैं इक्कीस भाई और लाइक करिएगा आंकड़ा प्रभु उठ जाएगा यहाँ पर आ, पचास लाइक का तो लाइव विजअल भी जो है बंद कर दिए गए हैं टी एन पी की तरफ से अब आज क्योंकि हो सकता है शायद ग्राउंड को सुखा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए लाइव विजुअल जो है बंद हो गए हैं और आप देखते हैं यहाँ पर कितनी देर में मैच शुरू होता है मेरी टीम लाइका कोवई किंग होगी और मैं चाहूँगा कि लाइका इस मुकाबले को जीतेगी आप सब लोग भी जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को लाइका वर्सेज लाइका कोवई किंग वर्सेज यहाँ पर लाइक कोवे किंग वर्सेस चैपॉक सुपर कीलीज का ये मुकाबला है देखते हैं आज मुकाबला किस तरीके से चलता है आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा मैं मैहूद दिल्ली से आपके लिए कमेंट्री लेकर आया हूँ इस मुकाबले की तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए चैनल को यहाँ पर लेते हैं ज़रा ऑफिशियल न्यूज़ भी चलो चेक करते हैं कि कितनी देर में यह मुकाबला शुरू होगा मेरे हिसाब से शायद टॉस थोड़ा सा डिले है मगर हो सकता है कि शायद आधे घंटे तक ये मुकाबला शुरू हो जाए चलिए यहाँ पर लेते हैं ज़रा अभी बस गुड न्यूज़ रेन स्पॉट ग्राउंड में ना बताइए ग्राउंड जो है सुखाया जा रहा है जब तक सी एस जी एल लेकर नहीं हो रहा था तब तक इंग्लैंड के मैच की अपडेट दे दो भाई भाई इंग्लैंड की मैच की अपडेट चलो दे देते हैं आपको मैं यहाँ से स्कोर नहीं लगा पाऊंगा मगर अपने मुंह से जो है आपको बताता रहूंगा कि क्या स्कोर हो गया है इंग्लैंड वाले देखिए कॉपरेट कंटेंट है यार इंग्लैंड वाले मैच के भी तो चलिए इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका का स्कोर जो है वो अट्ठाइस रन हो चुका है एक विकेट नुकसान पर चार दशमलव एक गेंद हो चुकी है राइली रूशो बल्लेबाजी कर रहे हैं तेरह रन पर रीजा हैंड्रिक्स जो है वो पंद्रह रन बनाकर खेल रहे हैं क्विंटन डिकॉक आज शून्य के स्कोर पर आउट हो गए थे तीसरी गेंद पर डेविड बिली ने उनको आउट कर दिया था यहाँ पर अब पाँचवा ओवर कर रहे हैं डेविड विली स्ट्राइक पे हैं रीजा हैंड्रिक्स उनतीस रन एक विकेट नुकसान पर चार दशमलव दो गेंदों के बाद आपकी टीम ना नैसी होगी टॉस के बाद फर्स्ट बैट या सेकंड बैट इट इज़ भाई देखिए जो चेज़ मैं सबसे देखिए लाइका मेरे को पसंद है टॉस हो चाहे न हो मुझे लाइका पसंद है मैं लाइकों को ही सपोर्ट करूंगा और मैं ही जो है लाइकों को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर लेके आया हूँ और उम्मीद करूंगा लाइका जो है इस इस टूर्नामेंट को जीते चपा कई बार जीत की है लाइका के पास मौका है गोल्डन चांस है यहाँ पर जीतने का तो देखते हैं क्या आज लाइका जीत पाएगी तो यहाँ बता दें आपको कि बस अब कुछ ही देर में जो है यहाँ पर मुकासर होगा तो यहाँ पर कोशिश करना होगा यार और कंडीशन जो है वो बन चुकी है अडिप्टिंग कंडीशन हो गई भाई क्वालिटी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई यहाँ पर आप देखते हैं क्या होगा आपकी टीम इंग्लैंड वाला है भाई बिल्कुल भाई इंग्लैंड मेरी टीम है इसके अदर इसके भाई बल भाई बैठ अलग कैक पर लगाऊँ क्या लगा दीजिए भाई एट इस बाई अलग कैपे पर लगा दीजिए मगर मैच शुरू होने के बाद लगाइए क्योंकि अगर बारिश हो गई और ये छः छः ओवर का मैच होगा तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम स्ट्रांग है छः ओवर के अंदर में अब बल्लेबाजी अच्छी है लड़के के पास थोड़ी सी गेंदबाजी कम कमज़ोर है और यहाँ से अगर गेंदबाजी अच्छी होगी तो काफ़ी बेटर रहेगा लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यहाँ पर जुड़ जुड़े रहिए हम जुड़े रहिए हमारे साथ इस लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर थोड़ा गले में खराश ही है माफी चाहेंगे उस चीज़ के लिए तो यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं है कि कितनी देर में मैच शुरू होगा ग्राउंड बारिश बंद हो चुकी है अच्छी न्यूज़ ये है कि बारिश बंद हो चुकी है ग्राउंड को सुखाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है तो ग्राउंड जैसे सूखता है उसके बाद अंपायर जो है निरीक्षण करेंगे ग्राउंड का कर, निरीक्षण करेंगे देखेंगे कि ग्राउंड जो है वो खेलने लायक है कि नहीं तब तक आप सब लोग जो है ए पे के साथ जुड़ जाइएगा ए पे जो है ग्लोबल पे आईडी नेटवर्क है ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है ए वी पे ए पे स्पॉन्सर करता है टी में सलीम पाटन की टीम को लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइचर मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मिनिमम बैड सिर्फ दस रुपये की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है तो खेलिए और जीती है ए वी आर पे के साथ यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है लेक्चर में पिन कर दिया है यहाँ पर खेलना बहुत ही आसान है और फास्ट विड्रॉवल और फास्ट डिपॉजिट है उनतालीस लाइक हो चुके हैं फिर से आपको बता दूँ भाई इस मुकाबले में अभी आ, बारिश जो है बारिश की वजह से जो है टॉस डिले है बारिश बंद हो चुकी है ग्राउंड को सुखाने का काम चल रहा है यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर ग्राउंड को सुखाने का काम चल रहा है लाइव विजुअल जो है वो बंद हो गए हैं और ब्रॉडकास्ट की तरफ से भाई मेरा ओपन किंटन डिकॉक को लिया था ओ वन प्लेयर फैंटेसी में भाई भाई वो किन्टन डिकॉक को तो मैंने वैसे भी नहीं बोला था लेने के लिए भाई चलो ले लिया आपने ले लिया चलो कोई बात नहीं अच्छे खिलाड़ी मेरे किंटन डिकॉक के दिन ख़राब चल रहे हैं भाई अरमान भाई अगर ध्यान से आप देखेंगे किटन डिकॉक का फॉर्म जो है उस तरीके से चल नहीं रहा है यहाँ पर देखते हैं अभी चलिए यार टीन पे में नजर बढ़ाई गढ़ाई हुई है हमने यहाँ पर और आपके लिए न्यूज़ लेके आते रहेंगे टी की चैनल को, को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा बात करते हैं जरा इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका के मुकाबले की भी वहाँ पर ज़रा स्कोर भी चेक कर लेंगे कितना हो चुका है और साउथ अफ्रीका का स्कोर जो है वो 35 रन एक विकेट नुकसान पर चार दशमलव पाँच हो गई हैं वहाँ पर भी बारिश आ चुकी है और गेम रुक चुका है और uh, इंग्लैंड वाले मैच में भी बारिश आ चुकी है तो बारिश का आज साया जो है वो सभी मैचों में देखने को मिला है चाहे वो टी हो या फिर uh, जो है आपका इंग्लैंड वर्सेज यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो देखते हैं अभी क्या होगा टी तो एक बहुत बड़ा इवेंट है मगर टी एन में अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गई है और टॉस अभी हुआ नहीं है बस ग्राउंड को सुखाने का का, का यहाँ पर चल रहा है ऑल विल बी हार्ड इन द ग्रिप चलिए भाई ये चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर लाइक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं टी में भी और टी एक बढ़िया लीग है यहाँ पर और इस लीग के साथ आप सब सा लोग जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा आखिरी मुकाबला है आज टी का फाइनल मुकाबला है क्या लगता है कौन सी टीम आपको लगता है कि ट्रॉफ़ी उठा पाएगी जो जो, जो क्योंकि जो जो जीत क्योंकि जो जो जीतेगा वो ट्रॉफ़ी उठाएगा और जो हारेगा वो सीधा घर जाएगा यहाँ से देखते हैं कौन सी टीम अब खाली आज जाती है इस सब मुकाबले में आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर बारिश अभी भी बारिश देखिए बंद हो चुकी है मगर ऑफिशियली टाइम जो है अभी पता नहीं है यहाँ पर कि कितनी देर में ये मुकाबला शुरू होगा क्योंकि ऑफिशियली टाइमिंग जो है वो दी नहीं है तो आप देखते हैं कितनी देर में मुकाबला शुरू होगा ग्राउंड सुखाने का काम चल रहा है अभी तो ग्राउंड में शायद आधे घंटे में सूख जाएगा तो ये कम से कम जो है पौने आठ या आठ बजे तक मुकाबला शुरू हो सकता है चंदन हरमान भाई कह रहे हैं यहाँ पर मेरा मेरा बटलर है भाई बटलर बटलर का दिन भी अच्छे नहीं चल रहे भाई देखते हैं बटलर आज खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे और वुमेन के मैच मैंने कहा था टी आज वुमेन के मैच में कहा था स्मृति मंदाना का बल्ला बोलेगा और वहाँ पे वहाँ पे बोला भी और अच्छा मुकाबला देखने को मिला है यहाँ पर लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़ रही है, है हमारे साथ इस मुकाबले में आप सब लोगों जो है ये मुकाबला काफ़ी अच्छा चल रहा है टी का ये लाइव मुकाबला है और इस मुकाबले में अभी टॉस की वजह से टॉस जो है वो बारिश के चलते नहीं ग्राउंड गीले होने की वजह से जो है वो हुआ नहीं है अभी और अब देखते हैं कितनी देर में ये मुकाबला शुरू होता है कौन सी टीम पे लगाऊं भाई आ, गेमिंग भाई मेरे हिसाब से आप लाइका कोवे किंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा लाइका कोवे किंग जो है इस मुकाबले को जीत सकती है अब देखते हैं क्या लाइका कोवे किंग इस मुकाबले को जीत पाएगी अब वो देखने वाली बात होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा इंजॉय करिएगा इस सब मुकाबले में और मैं थोड़ी देर में यहाँ पे जो है जुड़े हुए हैं अनलकी बॉय करें भाई कौन जीतेगा मैंने तो कि लायके पे दस हज़ार लगा दिया प्लीज़ रिप्लाई अनलकी बॉय भाई देखिए आपने नाम ही अनलकी कर दिया है तो मैंने भी लाइका मुझे पसंद है लाइका मुझे लगता है कि लाइका इस मुकाबले को जीत सकती है लाइका इस मुकाबले जीत सकती है देखते हैं क्या लाइका यहाँ से जीत पाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा लाइक like करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला होगा यहाँ पर हमारी टीम जो है वो लाइका होगी लाइका मुझे पसंद है मुझे तो लाइका जो है इस टूर्नामेंट को जीत सकती है एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है देखते हैं अब लाइका यहाँ से किस तरीके से मुकाबले को जीती है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस ऐसी सपोर्ट करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक like करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को यहां पर लेते हैं मैसेजेस अपने अपने मैसेजेस आप करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक like करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर यहाँ पर इक्यावन लाइक हो चुके हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस आप देखते हैं आज मुकाबला जो है किस तरीके से यहाँ पर चलता है आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक like करते रहिए और पे के साथ जुड़ना मत बोलेगा पे ग्लोबल पे आई नेटवर्क है यहाँ पर मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपए की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइकअ ने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए ज्वाइन करिए ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम लेते हैं आप सबके मैसेज अपने अपने मैसेजेस करते रहिए और मेरी टीम यहाँ पर लाइका ही रहेगी क्या लाइका यहाँ पर कुछ कमाल कर सकती है देखने वाली बात तो ये यह रहेगी यहाँ पर क्योंकि फाइनल मुकाबला है और लाइका जिस तरीके से खेला है और देखकर मजा आया है आ, क्रिकेट गुरु जी कह रहे हैं भाई के एल के जीतेगी भाई भाई देखो कौन जीतता है अभी एल के जीतती है या फिर छपौक जीतती है मगर मुझे पसंद यही रहेगा कि अगर लाइका जीती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि लाइका ने बहुत अच्छा खेला है इस टूर्नामेंट के अंदर में तो एक यहाँ पर जो है आप बता दें देखिए मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई भी टीम अगर टॉस जीती है तो बारिश के चलते हो सकता है कि पहले जो है गेंदबाजी कर निर्णय ले दिस इज द फाइनल इज नॉट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई बांग्लादेश भाई बांग्लादेशी भाई हमें सही कह रहे हैं कि भाई ये मैच फाइनल है मज़ा आएगा लाइटर लगातार उसको सपोर्ट हम भी करेंगे अच्छा लाइकर को सपोर्ट करेंगे सन्नी कुमार जी लाइक ज़रूर करिएगा सन्नी भाई और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को लाइव विजुअल जो है अभी आ नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपको लाइव कुछ भी दिखा नहीं पा रहा हूँ बता नहीं पा रहा हूँ मगर ये मुकाबला जो है और श्योर है कि आज ही ये पूरा होगा बस बारिश बंद हो गई है अच्छी बात यह कि बारिश बंद हो चुकी है और ग्राउंड को सुखाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है भाई जी अपनी टीम कौन सी होगी सुजीत यादव जी भाई मैं तो सपोर्ट करूंगा आज लायका को वही किंग को उम्मीद करूंगा कि लायका इस मुकाबले को जीत जाए क्योंकि लायका टीम अच्छी है यार स्ट्रॉन्ग टीम है शाहरुख खान बैटिंग देखिए दोनों के पास लंबी है छपॉक के पास भी बैटिंग लंबी है और यहाँ पर लायका के पास भी बैटिंग लंबी है मगर मेरे को लायका इसलिए पसंद है क्योंकि भाई ये अभी रिसेंटली सारे मैचेस जो है जीत के आए हैं कॉन्फिडेंस हाई है हर सारे बल्लेबाज जो है वो फॉर्म में है आदर्श त्रिपाठी जी कह रहे हैं भाई कब तक टॉस हो सकता है भाई ऑफिशियली न्यूज़ अभी तक तो कोई भी नहीं है आदर्श त्रिपाठी भाई और आपको पता जब तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आती है तो मैं कोई भी बात मैं बात नहीं कहूँगा कि दस मिनट लगेंगे पंद्रह मिनट लगेंगे अब ग्राउंड सुखाने में कितना समय लगता है यहाँ पर और टीमों को वो देखने वाली बात होगी देखिए ग्राउंड सुखाने में ग्राउंड्समैन जानते हैं क्या होगा एल के वन द मैच पंकज भाई कह रहे हैं पंकज ए बी डी बाइक कह रहे हैं उनसठ लाइक हो चुके हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुकाबला बस थोड़ी ही देर में शुरू होगा चैपॉक सुपर गिलीज का ये मुकाबला है देखते हैं आज कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी बता दें आपको कि यहाँ पर जो है साउथ अर के मुकाबले में बारिश हुई थी मगर बारिश रुक गई है यार बारिश ना हर जगह ही चल रही है बारिश हर जगह हो रही है तो यहां पर बता दिया है कि भैया कि अगर आठ उनचास तक आठ उनचास तक अगर मुकाबला पहले पहले शुरू हो जाएगा तो बीस ओवर का मुकाबला होगा और उसके बाद ओवर कटने शुरू हो जाएंगे तो ओवर कटने शुरू हो जाएंगे यहां पर आठ उनचास तक का वेट कर लीजिए अगर आठ उनचास से मैच आगे जाता है तो हमें ओवर कटते हुए नजर आएंगे आ, लक्की भाई करे रहे भाई मस्ट कमेंट थैंक यू लक्की भाई आज थोड़ा थक भी गया हूँ क्योंकि लगातार दूसरी स्ट्रीम कर रहा हूँ ब्रो टॉस कब होगा ब्रो मेरे हिसाब से टॉस जो है अभी थोड़े लेट लगे क्योंकि यार ग्राउंड को सुखा रहे हैं और बीच में बारिश अगर फिर से आ गई तो आप भूल जाइए इस मुकाबले को फिर यहाँ पर आ, ले रहे हैं सी एस विन मैच भाई देखते हैं सी के फैंस भी आ चुके हैं मिसिज मिसिस, मिसिस जूई मिसिज जूई भाई कह रहे हैं यहाँ पर आजत त्रिपाठी करके कब तक टॉस हो सकता है आज भाई कोई टाइमिंग नहीं दी है कोई टाइमिंग नहीं दी है टी एन वालों ने कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं दी है बस ये बताया कि भैया बारिश हो रही है झमा झम जम झमाझम झमझम तो यहां पर इसलिए मैच जो है रुका हुआ है और अब बारिश बंद हो चुकी है अब ग्राउंड सुखा रहे हैं झमा झम जम झमाझम झम देखते हैं ग्राउंड अब कितनी देर में जो है वो सूख जाता है तब तक आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा फाइनल मुकाबला है यार और इस फाइनल मुकाबले में अगर बारिश ने खलल डाल दिया दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर टी में दो टीमें पहुंची हुई हैं अगर मैं बात करूँ चैपॉक सुपर गिलीज और लाइका कोवे किंग के आपके साथ लाइका मैच देखेगा मजा आएगा भाई बिल्कुल थैंक यू अम्बिश भाई और आकाश भाई, भाई भाई आपका नाम क्या है सर सर मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है मैं दिल्ली से यहाँ पर फाइनल मुकाबला जो है सवा सात बजे शुरू होना था मगर अब सात बज के इकतीस मिनट हो चुके हैं बारिश हुई थी और ग्राउंड जो है वो गीला है और आउटफील्ड को जो है सुखाया जा रहा है सूखने के बाद जो है अंपायर निरीक्षण करेंगे ग्राउंड का कि ग्राउंड जो है खेलने लायक है कि नहीं उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मैच कितने ओवर का होगा और कितने बजे ये शुरू होगा तो आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को हेलो भाई गुड गुड इवनिंग भाई विशा भाई कैसे हो बढ़िया पड़ती भाई आप बताइए आप कैसे हैं आज तो दिन में आप आए नहीं इंडिया वुमेंस में क्या इंडिया वुमेंस ने क्या मस्त मैच खेला ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इंडिया वुमेंस की आ, दिवाकर दिवाकर त्रिशा बी बी बता नहीं भाई क्या नाम ले रहे हैं कैडी भाई यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है आपका सुपर आलियापुर कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है हमारा और कौन विन करेगा आज भाई भाई बता दो दिया गेमिंग भाई लाइका को सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं लाइका इस मुकाबले को जीते क्या लाइका जीत पाएगी वो अलग बात है अब देखते हैं क्या लाइका इस मुकाबले में आगे जा पाएगा महेश भाई कह रहे हैं हु विल विन लाइका 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 ब्रो ग्रो हुई लाइका 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 भाई बस चला गया था कहीं भाई बिल्कुल सही बात है भाई सुशांक भाई भी आज चले गए हैं कहीं और आप भी कहीं गायब है क्या बात है आज चलिए यहाँ पर भाई आप कहाँ से हो वैभव चौहान भाई मैं दिल्ली से हूँ मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है आपके लिए कमेंट्री लेके आए हैं टीएनपीएल एन पी तो, टी एल की टी की कॉमेंट्री हम पूरे टूर्नामेंट की हमने कमेंट्री करी है और कैसे लगा आप सबको टीएनपीएल में जुड़कर हमारे साथ बताइएगा ज़रा आप सब लोग कमेंट करके न्यूज़ीलैंड और स्कॉटलैंड कौन विन होगा न्यूजीलैंड पकड़ लीजिए यार न्यूजीलैंड पकड़ लीजिए क्योंकि जैकपॉट तो मुझे लग रहा है इसमें इस ही आएगा फाइनल इसमें क्या कहते हैं आपका टी एन पी एल में ही विधानसभा भाई पूरा सॉल लीग आना भाई बिल्कुल बनाइए और उस पर टीम दीजिए भाई आदर्श भाई टीम कोई मैं देता ही नहीं भाई टीम में नहीं थे शशांक भाई देते शशांक भाई है नहीं तो टीम हो नहीं सकती फैंटेसी टीम में आपको अगर जुड़ना है तो भाई देखिए साई किशोर जो है वो साई किशोर संदीप वॉरियर को टीम में ज़रूर रखिएगा ये दो गेंदबाज हैं चेपॉक सुपर गीलीज़ के गंगा श्रीधर राजू भी हैं और अगर मैं चेपॉक की बात करूँ तो यहाँ पर कौशिक गांधी भी हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर की बात करें ऑलराउंडर की अगर बात करें मखरी यहाँ पर हाँ जी ऑलराउंडर की बात करें तो देखिए अभिषेक तंवर हैं और शाहरुख खान है ऑलराउंडर की गेंदबाजी भी करते हैं बल्लेबाजी भी करते हैं वैभव चौहान जी कह रहे हैं यहाँ पर ब्रो नाइस कमेंट्री थैंक यू ब्रो थैंक यू यहाँ पर देखिए ऑलराउंडर की बात करूँ तो भाई मेरे जब से कप्तान बना लीजिए आज बीस है सुदर्शन को स्टार्ट मैच है वो हो सकता है भाई भाई बारिश भाई बारिश बंद हो चुकी है विधान शर्मा जी अब टॉस टॉस रहा है गया अब टॉस देखो कब होता है बारिश बंद होगी ग्राउंड सूख जाए तो मैच भी शुरू हो जाएगा बाकी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं कोई अभी आई है कि कितनी देर बजे या कितने बजे ये मैच शुरू होगा क्योंकि अब देखते हैं देखिए आठ उनचास तक अगर मैच शुरू नहीं हुआ तो ओवर कटने शुरू हो जाएंगे आठ उनचास के बाद आ, भाई कौन सा नेट यूज करते हो जो फाइबर एयरटेल शर्मा भाई मेरे पास जो है दिल्ली में हूँ तो वो तो ए का नेट है भाई दिल्ली का जियो होगा फाइबर नहीं ना एयरटेल का यूज़ करता हूँ उसके यहाँ पर ए का चलता है तो ए सी टी लगवा का सस्ता पड़ता है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है आपने देखी है स्ट्रीम आपको मैं अपने वाईफाई से ही कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा आदर्श भाई कह रहे सोनू यादव अच्छा पिक हो सकता है भाई सोनू यादव अच्छा पिक हो सकता है भाई आदर्श भाई बी साई सुदर्शन भी अच्छा पिक है शाहरुख खान भी है शाहरुख खान गेंदबाजी भी करते हैं प्लस बल्लेबाजी भी करते हैं यहाँ पर तो भाई स्कॉटलैंड ने तीन सौ का स्कोर बनाया न्यूजीलैंड ने चे अच्छे अच्छे छेज पाएगी प्रदीप सुमन भाई देखिए अगर तीन सौ का स्कोर बनाया है तो फाइट तो होगी इस मैच में ऐसा आसान नहीं होगा तीन सौ करना न्यूजीलैंड के लिए मगर मुझे लगता है कि चेज हो जाएगा यहाँ से अभी भी देखिए फिर से बता दूँ न्यूज़ में आपको कि आठ बज के उनचास मिनट तो आठ बज के उनचास पे उससे ज़्यादा अगर गेम रुकता है तो ओवर कटने शुरू होंगे अगर उससे पहले मुकाबला शुरू हो जाएगा तो पूरे 20-20 ओवर का हमें गेम देखने को मिलेगा आप सब लोग ए वी आर पे के साथ जुड़ जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव लाचड़ मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम मिनिमम बैट सिर्फ दस रुपये की है ए वी आर पे पर और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है तो यहाँ पर खेल के आप जी सकते हैं ढेरों इनाम प्रिडिट करिए जाइए ए वी आर पे के साथ ए वी आर पे एक ट्राई एंड ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है हमारे काफ़ी व्यूअर जो है ए वी आर पे, पे खेलते हैं जब हमने टी एन पी एल शुरू किया तो काफ़ी लोग जुड़े हैं ए वी आर पे के साथ संतुष्ट हैं इन्जॉय कर रहे हैं ए वी आर पे के साथ खेल कर तो आप भी खेलिए जीती है, पे पे। है। लाइव मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके एवीआरपे के साथ यहाँ पर ज्वाइन करना बहुत ही आसान है आप फोन नंबर डालिए पासवर्ड डालिए आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी एवीआरपे मिनिमम बैड सिर्फ दस रुपए है और मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ सौ रुपए का है तो यहाँ से एक बात और फास्ट विद्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है ट्वेंटी फोर सेवन लाइफ चार्ट सपोर्ट है टी ट्वेंटी क्या पटिशन है भाई भाई इंग्लैंड जीतेगी उसमें कौशिक गांधी को ले सकते हैं भाई कौशिक गांधी आदर्श त्रिपाठी ले लीजिएगा कौशिक गांधी को अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ओपनिंग करते हैं नारायण जगदीशन के साथ प्रो ड्रील टीम पर लगाते हो क्या आप वैभव भाई मैंने तो वैभव चौहान भाई मैं तो ड्रील पटिशन नहीं लगाता हूँ मैंने अभी जो वुमेन का मैच किया उस पर मैंने कुबेर क्या कहते हैं यहाँ पर फैंटासी ऐप कुबेर फैंटासी ऐप जो है ज्वाइन किया है अच्छा लगा है एक प्लेयर चुन के भाई प्रेडिक्ट करिए मैंने आज स्मृति मंदाना को प्रेडिक्ट किया था कि वो आज अच्छे रन बनाएंगे काफ़ी पॉइंट्स दिए और जीत गए और मैं मैच में प्रिडीशन करने के लिए ए पे को यूज़ करता हूँ आप भी ए पे को यूज़ कर सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं कौशिक गांधी एक अच्छा पिक है मगर दिक्कत यह कि कौशिक गांधी सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं गेंदबाजी नहीं करते टॉस कब हो रहा है अच्छा पैसा पैसा भाई जुड़ गए हैं गाली लिख रहे हैं पता नहीं यार अपने लगता है कि फादर से भी ऐसी बात करते होंगे पैसा पैसा भाई चले ब्लॉक नहीं करूँगा आप देखते हैं क्या करते हैं टॉस नहीं होगा भाई पैसा भाई आपकी शक्ल देख लिए शायद जो है टीमों ने अब टॉस करने के लिए मना कर दिया है पैसा पैसा भाई पर नाम पैसा, पैसा पैसा रखा है एक ढीले की अकल नहीं है पैसा पैसा वाले भाई को दिवाकर भाई कुबेर का फ्री में प्रमोशन करते हुए नहीं वेदांश्र भाई को फ्री में नहीं अच्छा लगा मुझे यार फैंटेसी ऐप में देखिए मैं एक लॉयल रिव्यू देता हूँ वेदान भाई देखिए मुझे अच्छा क्या लगा यार हम ग्यारह प्लेयर लगा लगा के परेशान हैं कप्तान किसे बनाएं यहाँ पर जो है आप कप्तान किसे बनाएं और इसको बनाए उसको बनाएं ग्यारह प्लेयर चुनने भाई एक प्लेयर चुनिए कंसंट्रेट करिए कि एक प्लेयर चुनिए और जीत जाइए मैंने आज सब स्मृति मंदाना को चुना था भाई झूठ के बोलूँगा और स्मृति मंदाना को मैंने चुना था और कहीं ना कहीं वो जीत गई थी और जीत गई जी आ, कहीं ना कहीं जीत गई थी और मैं जीत गया उस चक्कर में क्योंकि बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स जो है आ, कमा के दे दिए तो मैं फ्री में प्रमोशन की बात नहीं जो चीज़ अच्छी है उसको मैं मैं जहाँ भी कहेंगे वहाँ बोल दूंगा आपको टॉस कब होगा राज लोधी जी टॉस का कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है क्योंकि ग्राउंड गीला है और काफ़ी पानी भरा हुआ है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है कोई भी में और वहाँ पर ग्राउंड गीला है अब ग्राउंड को सुखाया जा रहा है क्योंकि बारिश रुक गई है तो बारिश रुकने की वजह से अभी टॉस नहीं हुआ है क्योंकि जो आउटफील्ड है जैसे ग्राउंड में जहाँ फिल्टर फील्डिंग करते हैं वहाँ पानी भर गया है और टी में आप जानते हैं कि आप ग्राउंड जो है सुखाया जाएगा उसके बाद अंपायर जो है वो ग्राउंड में जाएंगे चेक करेंगे और कहीं कही ना कहीं फिर बताएंगे कि मुकाबला जो है कब शुरू होगा तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से क्योंकि मुझे पता है कि वो चाहते हैं कि मैं आ, नीचे गिर जाऊँ भाई मैं नीचे नहीं गिरना चाहता क्योंकि भाई मेरे को मेरे को देखिए मैं बोल सकता हूँ मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि भाई देखिए हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर चलिए पैसा बोलो बोल रहा है गाली ब्रो कुछ बताओ इनको नहीं भाई भाई छोड़ दीजिए यार छोड़ दीजिए मैं देखिए मैं बहस करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पर मेरा मूड जो है कमेंट्री का कर रहा है और कहीं ना कहीं इतने सुबह से हम काम कर रहे हैं इनको लग रहा है ये गाली देके बड़ा कूल लग रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है इनको इनको पता है कौन बंदे होते हैं ये ये वही बंदे होते हैं कि जो दूसरे को नीचे गिरा के आगे बढ़े हमारी आदत नहीं है भाई हम बढ़ेंगे तो सबके साथ आगे बढ़ेंगे सब लोगों को साथ लेके बढ़ेंगे मुझे मतलब नहीं मैं अपना काम पर फोकस करता हूँ और मैं अपने काम पर ही ध्यान देता हूँ तो ऐसा क्या हमारे में कर लो भाई <laughs> टॉस क्या क्या है कमरे में कर लो भाई टॉस कमरे में तो कर लेंगे मगर तो मैच भी तो शुरू करना पड़ेगा यार अब कमरे में टॉस थोड़ा कमरे में थोड़ा खेल पाएंगे यहाँ पर भाई इंडिया वुमेन जीत गए भाई हरिंद सिंह भाई कहाँ आता देख लीजिए स्मृति मंदाना कहा था, था शुरू में एक ही रन मनाएंगी भाई पाकिस्तान वुमेन को सात जन्म लगे जाएंगे इंडिया को वुमन से टीम को हराने के लिए प्रदीप भाई अगर आपको याद होगा एक वर्ल्ड कप मुकाबले में जब इंडिया में टी वर्ल्ड कप था तो पाकिस्तान ने इंडिया को एक ही बार हराया था और उसके बाद इंडिया जो है वो देखिए पाकिस्तान वुमेन्स में और इंडिया में फर्क पता है किस चीज़ का है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की है इंडिया वुमेंस के जो खिलाड़ी हैं खिलाड़ी जो है इंडिया वुमेन्स के जो वो अलग अलग लीगें भी खेल रहे हैं बीसीसीआई ने अभी आईपीएल स्टार्ट कर दिया है तो जितने आप लीगें खेलते हैं ये नुकसान नहीं करती ये कहीं ना कहीं अच्छा करती हैं क्योंकि इसी से प्लेयर जो है एक्सपीरियंस मिलता है गेम अवेयरनेस आती है पाकिस्तान को मैं देख रहा था कि जब बड़े शॉट लगाने हैं वो तब भी डिफेंस कर रहे थे गेंदों को तो वो थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा देखिए एशिया की टीम है हम चाहते हैं एशिया की टीमें जो है वो इतनी स्ट्रांग टीम हो कि भाई लोगों को मजा आए जब वो भिड़े ना तो एक मजा आना चाहिए थ्रिलिंग होना चाहिए आखिरी ओवर तक गेम जाना चाहिए मगर वो गेम हमें देखने को मिला नहीं है आ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप सुंदर थैंक यू अमित कुमार भाई टेक भाई कह रहे हैं लव यू ब्रो लव यू भाई रहे हैं ये बैट अच्छी की भाई कुत्ते भोकते रहते हैं भाई बिल्कुल भाई देखिए वेपा भाई देखिए मुझे पता है मेरी स्ट्रीम पे कौन कैसा है मैं जितने व्यूअर्स से बात करता हूँ और यार ऐसा नहीं है मैं टी एन पी एल की कम से कम हमारा बत्तीसवां मैच है मेरे को जब बारिश होती है काफ़ी लोग आते हैं उनको पता है यार कि मैं टी एन पी एल में टॉप पे हूँ मैं टॉप पे क्यों हूँ आप सब लोगों की वजह से आप सब लोगों ने प्यार दिया क्रिकेट लाइव हिंदी को शशांक भाई ने कॉमेंट्री करी मैंने कॉमेंट्री करी हमने बिल्कुल दिल से कॉमेंट्री करी और पूरा तो कहते ना लॉयल और फेयर रिव्यू दिया है टी एन पी एल का एक बीच में ऐसे मैचेज आने लगे थे तो हम क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कहीं ना कहीं टी एन पी एल को यार ये कैसा मैच है अगर इस लीग को आगे बढ़ाना है तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो क्वालिटी फिर देखने को मिली बड़ी बड़ी टीमों में दो सौ दो सौ रन चेज भी हुए यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला हुआ पिछला जो क्वालिफायर हुआ था अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो देखने मज़ा आएगा और कॉमेंट्री करने वाले को भी बहुत मजा आएगा यहाँ पर सी एस जी विन फोर्थ टाइम टाइटल भाई माई फेवरेट टीम है भाई बिल्कुल बप्पा दत्ता जी भाई आपकी फेवरेट टीम है इंडिया आई इंडिया अब आ, जीवित है कि सेमीफाइनल में कौन बनना पड़ेगा भाई देखिए आर्यन सिंह भाई जीवित तो है इंडिया बारबाडोस को हराना है और सेमीफाइनल में कदम रखना है चीज ध्यान रखिएगा जाट का छोरा भाई कह रहे नाइस ब्रो थैंक यू टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का बदला लेडीज ने ले लिया भाई बिल्कुल ले लिया भाई कब स्टार्ट होगा प्लीज भाई भाई देखिए ऑफिशियली अभी तक तो कोई भी न्यूज नहीं आई है और मैं आपको बता दू देखिए कोई भी न्यूज नहीं आई है देखते हैं भाई और कहीं ना कहीं अभी न्यूज नहीं आई है तो भाई मैं आपको कोई झूठ नहीं बोलूंगा एक भी बात झूठ नहीं बोलूंगा मैं सीधा बताऊंगा अभी कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं आई है कोई नहीं बता पाया कि मैच कितने बजे से शुरू होगा फिफ्थ टाइम चैनल पर आया हूं तुम्हारे और अब मजा आ गया ब्रो मजा भाई मजा आ गया थैंक यू भाई फिफ्थ बार फोर्थ बार टाइम आए हैं भाई थैंक यू और अमित भाई कह रहे हैं कब तक होगा टॉस भाई टॉस की कोई भी न्यूज नहीं है लाइव विजुअल भी नहीं दिखा रहे हैं इस वजह से लो, काफी लोग काफ़ी लोगों को पता होगा कि टीवी पे लाइव भी नहीं आ रहा है ये तो इसीलिए जो है लोग यूट्यूब पे आए हैं मैं बता दूं कि ऑफिशियली न्यूज़ अभी तक कोई शेयर नहीं करी है टी की तरफ से कि ये टॉस कब होगा ग्राउंड गीला है आप अंदाज़ा लगा लीजिए ग्राउंड बारिश रुके हुए कम से कम अभी तक आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे में ग्राउंड सुखा रहे हैं तो समझ लीजिए पानी कितना भरा हुआ है पूरा टी एन पी दिवाकर भाई ने साथ किया और मौसी मौसी ने वो भी बहुत सपोर्ट किया है भाई तो लाइक करवा करवा के भाई बिल्कुल मौसी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया भाई मुकेश भाई कह रहे हैं कितने ओवर का मैच होगा आठ उनचास तक अगर मैच शुरू नहीं हुआ आ, तो ओवर कटने शुरू होंगे अगर अभी दस पंद्रह मिनट में या आठ बजे तक भी मैच शुरू हो गया तो पूरे बीस ओवर का ये मैच हमें देखने को मिलेगा बारिश रुक गई है क्या सुमित जी बारिश रुक चुकी है ग्राउंड में जहाँ फील्डर फील्डिंग करते हैं पिच के आसपास पानी भरा हुआ है वहाँ पर सुखाने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं भाई सुखा रहे हैं ग्राउंड को ग्राउंड स्टाफ लगे हुए हैं यहाँ पर मुकाबले को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने के लिए भाई फाइनल मुकाबला है जैसे आप उतावले हैं वैसे हम भी उतावले हैं वैसे ग्राउंड भी उतावले हैं कि फाइनल मुकाबला हो ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर बता दें कि सीरीज जनरेशन आउट ऑफ माई स्क्वाड अच्छा ठीक है यहाँ पर लेते हैं जरा भाई का पूरा पर्टिन्यू ले लिया भाई आ, यहाँ पर मेरे सबसे आठ आठ बज भाई देखिए जयफा आप जैसे भाई आपको लग रहा है साढ़े आठ बजे शुरू होगा मगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्योंकि अगर बीच में बारिश आ गई ना तो ये मैच धुल जाएगा कहीं ना कहीं भाई आप उसे सपोर्ट करोगे भाई अरन सिंह भाई मेरे सपोर्ट तो लाइका को वही किंग को होगा लाइका को सपोर्ट करूंगा उम्मीद लाइका इस मुकाबले को जीते कार्तिक यादव जी कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम भाई कैसे हैं बारिश रुक गई क्या शुभ भाई बारिश तो पहले से रुकी हुई है बारिश तो पहले ही पहले से ही रुकी हुई है ग्राउंड को सुखाने का काम हो रहा है और ग्राउंड सुखाने की वजह से ही टॉस अभी तक नहीं हुआ है कहाँ पे देख रहे है? देखने को मिलेगा भाई शबु भाई आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स पे भाई आ, बारिश हो रहा है वाखड़े में खेल रहे हैं खेल रहे हैं क्या विधानसभा में वंखड़े नहीं है कोयम्बटूर में हो रहा है ये मुकाबला जहाँ पे पिछला मुकाबला खेला गया था भाई आज साउथ अफ्रीका विन हो गई तो या इंग्लैंड टी ट्वेंटी भाई मैं तो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ इंग्लैंड जो है इस मुकाबले जीते भाई मैच कैंसिल हो गया तो फिर भाई रिजर्व डे की तो मुझे कोई न्यूज़ नहीं है कि टी में कोई रिजर्व डे है अगर कैंसिल हो गया तो दोनों टीमें बांट लेंगे भाई टाइटल को भाई आप सुशांत भाई को दिवाकर भाई हो प्रदीप भाई मैं दिवाकर बोल रहा हूँ और शशांक भाई आज थोड़ा सा बिजी हैं है दो दिन से वो बिजी हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वजह से वो बिजी हैं कुछ फन का कॉमेडी भाई कहना भाई टीएनपीएल फिक्स होते हैं भाई देखिए है, देखने का नजरिया है आपका आपको लगता है कि गेम फिक्स्ड है और आपके हिसाब से नहीं चल रहा है और आप जीतने जाएंगे तो आप कहेंगे गेम फिक्स नहीं है तो आपकी टीम ने अच्छा खेला तो ये नज़रिया है लोगों का कहना है अगर आप गेम को फिक्स कर सकते हैं सारे गेम को फिक्स कर सकते हैं तो आप ये दो रन भी चेज करवा सकते हैं तो आप तो गेम को करवाने जरूरत है कि आपको पता है तो लोग खेलने छोड़ देंगे अगर फिक्स है तो न्यूजीलैंड और ओडीआई में कौन जीत सकता है भाई इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग वीडियोज भाई देखिए स्कॉटलैंड के पास गेंदबाजी है मगर न्यूजीलैंड भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है आ, इन्फो नेपाल भाई कह रहे हैं आज कौन सी टीम जीतेगी भाई इन्फो नेपाल भाई मेरी तरफ से मैं सपोर्ट करूंगा लाइका कोवई किंग को लव यू भाई थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन थैंक यू शुभ भाई बता दिया मैंने आपको जैसे ही ऑफिशियल टाइमिंग भाई कि मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा आपको टारगेट कितना होगा जोश नाली भाई टारगेट का छोड़िए अभी अभी देखिए कि कितने ओवर का ये मैच होगा पहले आ, भाई इंडिया में आ, इंडिया में एक वेजिटेबल आ, ही बाल्टी वो इंग्लैंड से ही आता है क्या कौन सी बाल्टी बाल्टी क्या बाल्टी बटली बा, वो इंग्लैंड से आती है क्या कौन सी आती है भाई एक इंडियन एक इंडिया में एक वेजिटेबल है बाटली अच्छा पता नहीं भाई पता नहीं कहाँ से आती है धन भाई इतना नॉलेज नहीं है मुझे यार नवला नदौला भाई कह रहे हैं मैं स्टार्ट टाइम भाई मैं स्टार्ट टाइम भाई ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई है ये न्यूज़ आई है कि आठ उनचास तक अगर मुकाबला नहीं शुरू हुआ तो भैया ओवर कटने शुरू हो जाएंगे भाई त्यागी जी कब आएंगे आर्यन सिंह भाई त्यागी भाई आपको कल मिलेंगे कल के मुकाबले में और हो सकता है कल के मुकाबले में कॉमेंट्री करें या प्री शो में जुड़े हमारे साथ प्रवीण भाई कह रहे भाई मैच चालू होता है भाई मैच चालू होना चाहिए मेरे हिसाब से आप देखते हैं कि तो जैसे चालू होगा सीए जी करके मैं से कौन से विन होगा मुझे लगाना है बताओ भाई चार्ट का छोटा भाई देखिए ये मेरा मानना है मेरा ओपिनियन है लाइका जीत जाएगी इस मुकाबले को बाकी देखिए प्रशन किसी की सौ परसेंट सही नहीं होती है तो खेलिएगा अपने रिस्क पर और कहीं ना कहीं फिर बाद में दोष मत दीजिएगा मेरे को पसंद लाइका है मैं चाहूँगा लाइका जीते अगर मुझे लगाना होगा तो मैं लाइका पर लगाऊंगा भाई मैच कौन से चैनल पर आ रहा है भाई प्रदीप भाई स्टार स्पोर्ट्स पे आ रहा है वो देख लीजिएगा यार एक ओवर में ही लेकिन मैच हो जाए फिर एक ओवर नहीं सुबह भाई पाँच पाँच ओवर का मैच मिनिमम हो सकता है धनंजय का टॉस हो गया सर टॉस नहीं धनंजय भाई टॉस नहीं हुआ है और ग्राउंड गीला है इस वजह से टॉस नहीं हुआ है अभी तक पारस गोयल कह रहे भाई कौन जीते जिसता है मैं लाइका कोवे किंग को सपोर्ट करूंगा दिवाकर भाई सब नेगेटिव कमेंट्स मतलब आप तरक्की कर रहे हो लगे रहो एक दिन आपको आईपीएल में देखेंगे भाई अर्जुन सोन टका भाई बिल्कुल नेगेटिव कमेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे देखिए लोग लो, कुछ लोग प्यार दिखाएंगे तो कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे आपको तो भाई जिंदगी ऐसी चलती है और ऐसा होता ही रहेगा यहाँ पर आ यहाँ पर जो है भाई आप बताओ कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में कौन जीतेगा भाई मेरी तरफ से मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूँगा चाहूँगा इंग्लैंड जीते इस न्यूज़ में तो यहाँ पर जो है पारस भाई कह रहे मैच स्टार्ट भाई मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ ब्रेकिंग टी एन ब्रेकिंग न्यूज़ अगर साढ़े बजे तक तो मैच चालू नहीं हुआ तो सभी प्लेयर्स को रेनकोट पहना कर रेनकोट उतर के पहना तो देगा भाई कम से कम यार पिस्तु ग्राउंड तो सूखा होना चाहिए साठ आठ चालीस तक मैच नहीं शुरू होगा तो ओवर कटेंगे आठ उनचास तक एट फोर्टी नाइन प्रो अरेन सिंह भाई जाट का छोरा भाई कह थैंक्स भाई बताने के लिए थैंक यू भाई थैंक यू वेलकम भाई शुभ भाई कह रहे हैं हाँ भाई कुछ भी हो लेकिन मैच कैंसिल ना हो भाई बिल्कुल भाई दोनों टीमों ने अच्छा खेला है कम से कम पाँच पाँच छः छः ओवर का मैच भी हो जाए तो कम मजा आ जाए जलाओ मत जलाओ मत बराबरी करो भैया भैया बिल्कुल भाई सोन टके भाई मेरे को दिख टेंशन नहीं है यार मेरे को मेरे को यार सीखने को मिल जाता है जहाँ से भी मैं सीख लेता हूँ भाई लेते हैं ज़रा अब मैसेज यार यहाँ पर मैसेज ले रहे हैं क्योंकि मैच जो है अभी चालू नहीं हुआ है और टॉस का कोई टाइम अभी डिसाइड नहीं किया है अम्पायर्स ने लाइक अ वन इन केस सेकेंड बैट भाई अनवदाला भाई गेंदबाजी थोड़ी सी वीक है लाइका की मगर मैं अगर टॉस जीतते हैं तो वो चेज करने जाएंगे आई बारिश हो रहा है मिस्टर विराट भाई बारिश बंद हो चुकी है ग्राउंड को सुखाया जा रहा है बारिश बंद हो चुकी है करेगा तरक्की बोर्ड बहुत हाईट मिलेंगे भाई बिल्कुल भाई अर्जुन भाई सही बात कही है आपने भाई चलो बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की क्या बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट भाई इंडिया फिर पीट देगी वेस्ट इंडीज़ को पकड़ के भाई कहाँ से हो आप भाई मैं दिल्ली से हो मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा टॉस का क्या टॉस हुआ है नहीं इरफान अहमद भाई टॉस नहीं हुआ है पारस भाई कराने लाला भी होगा भाई बिल्कुल भाई थैंक यू इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेंग इलेवन इंडिया सेम इनाम के साथ जाएगा अरिंद सिंह भाई थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ चेंज करे बाकी तो सेम इनाम के साथ जाना चाहिए इंडिया को आज शाहरुख देवदास की तरह खेलेगा भाई विधान <laughs> शर्मा भाई अलग से लगे हुए विधान भाई भी काफ़ी पुराने हैं पुराने हैं चैनल में विधान शर्मा भाई बिग बैस से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं मतलब मस्त आदमी है विधान भाई काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं आर सिंह हो गए काफ़ी बहुत पुराने जो लोग हैं ना हमारे साथ चैनल स्टार्ट किया था तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोमन भाई जुड़े हुए हैं तो वो जो लोग जुड़े हुए हैं ना वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देते हैं मुराल देते हैं काम करने में और मज़ा आता है देखकर हर्ष भाई कह भाई मेरा नाम ले लो प्लीज हर्ष नाम है मेरा नाम ले लिया भाई लाइक लाइका मैर द मैच टीम है अच्छा अच्छा मैर द मैच टीम होगी सब लोग जय हिंद बोल के चैट में भाई बिल्कुल जय हिंद बोल दीजिए सब लोग कमेंट में एक बार जय हिंद लिख दीजिए सर आ, घिशिया आयन भाई कह रहे हैं टॉस कौन वन करेगा भाई टॉस मेरे हिसाब से तो लायका को जीतनी चाहिए भाई अब देखते हैं टॉस जीत पाएंगे कि नहीं आ, सदाम भाई कह रहे हैं लायका विन होगा भाई ठीक है सुहेल अख्तर भाई कह रहे हैं भाई कौन विन होगा बताओ यार अब मेरे सबसे भाई मुझे मुझे लायका लग रही है कि लाइका इस मुकाबले को जीत जाएगी दिवाकर भाई आज सी जीतेगी यार अरविंद भाई मैं तो मैं तो सपोर्ट करूंगा लाइका को सीवेज मैन भाई कर दिवाकर भाई बोले सेवज मैन भाई कैसे हैं आज कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है देखिए स्ट्रांग दोनों टीमें बराबरी की हैं आज कोई भी स्ट्रांग नहीं है दोनों टीमें बराबर की हैं दोनों के पास लंबी बल्लेबाजी है दोनों के पास गेंदबाजी भी है लीलापुर है भाई कहने टॉस कब होगा भाई टॉस का कोई ऑफिशियली न्यूज़ और ऑफिशियल टाइम नहीं आया है तो मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा कि किस तरह तो से शुरू होगा मगर ये पता है कि आठ उनचास तक अगर मुकाबला नहीं शुरू हुआ तो ओवर कटने शुरू हो जाएंगे मिस्टर राठ भाई रहे लव यू भाई बताने के लिए थैंक यू भाई यहाँ पर वेलकम भाई बहुत शुक्रिया हम आप हमें गाइड करने के लिए काइंडली बताएं एल के विन करेगा भाई मैंने एल के को सपोर्ट कर रहा हूँ इरफान अहम भाई उम्मीद करूँगा एल के जीते हैं कि भाई आपकी बात बहुत अच्छी है भाई थैंक यू अमित कुमार भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस मेरा नाम ले लो, लो भाई एक बार लाइक कर दिया हूँ चामुंडा सरकार चामुंडा सरकार भाई का नाम है अशोक भाई कह रहे हैं लव फ्रॉम मुंबई थैंक यू ब्रो लव फ्रॉम दिल्ली और राहित भाई कह रहे हैं सी जीतेगा बिल्कुल टॉस कौन होविन होगा टॉस भाई मेरे हिसाब से लाइका ही जीतेगी टॉस भी लाइका कितना भाव देगा भाई लाइका का भाव पहले पता लग जाए कितना है भाई अभी लाइका का भाव देख लेते हैं कितना है पहले उस हिसाब से पता लगा कितना भाव दे सकते हैं यहाँ पर तो छपोक जो है वो वो कही कहीं ना कहीं फेवरेट है मैं चाहूँगा लाइका जो है इस मुकाबले को जीते अभी देखते हैं क्या लाइका इस मुकाबले जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी माई लव यू फ्रॉम पाकिस्तान थैंक यू फॉर भाई लव फ्रॉम इंडिया सोलई भाई कह रहे हैं लाइव लाइक का कितना भाव देगी भाई दे देगी भाव चेस्ट लीजिए सी एच जी फर्स्ट बैट पर आया तो साढ़े छह रन नेट ने से खेलेगा हमेशा की तरह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हर्ष भाई कह रहे हैं भाई आज संडे है एक बार ये बता दो सबको सबको कोई टेंशन मत लो भाई आपने सबसे पहले घबराना नहीं है हर्ष भाई लाइक करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को जुड़े रहना हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर परजीत जी कह रहे हैं लाइका विन करेगा भाई आज जिम्बाबे को धो दिया बिजनेस ने भाई मैं पता है ना आरण सिंह भाई वो वन वो एक ही दिन का शो था और 200 बना दिया उसके बाद आगे ना अपनी ओपनी पे जिम्बाबे वाले एक सौ पैंतीस पे भाई डिफेंड करने का इजी होगा क्या आज चेज करना भाई शेवज भाई अब बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं चेंज करना आसान होगा अगर बारिश बीच में और आती है तो डीएल मेथड भी यूज होगा तो इसलिए चेंज करना ही बेटर रहेगा रोहित भाई कह रहे हैं मिश्रा भाई रोहित भाई हेलो भाई कैसे हैं आजेश भाई कह रहे हैं कि सी सोनू भाई यादव भाई सोनू यादव बढ़िया खेलता भाई चिपकू टाइ जीतेगा फील्डिंग अच्छा चिपॉक जीतेगा कह रहे हैं भाई बिस्ट यूके भाई कह रहे हैं नीमा बिस्ट भाई पूरा नंबर मिलेगा नीमा बिस्ट यूके के मी नीमा रोहित भाई कह रहे हैं मुझे पहचाना भाई रोहित भाई पहचान लिया आपको सदाम भाई कह रहे हैं लाइक करो दो भाई कर दिया सबने ने गैसे आ रहे हैं है, माई कह रहे हैं टॉस कौन विन होगा भाई चिपॉक को सपोर्ट कर रहे हैं भाई लाइक जीत गई तो इकहत्तर हज़ार के मिलेंगे मुझे मना मैंने कॉम्बाइंड करके लगाया है कमाल जीत गई है भाई उम्मीद करेंगे अच्छा डबल बैट खेली है आपने मतलब वो आपने क्या कहते हैं उसको यार मल्टी बैट खेली आपने भाई आप कहाँ से हो शुक्रिया शु, सुहेल अख्तर भाई मैं दिल्ली से हूँ मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है बिश भाई कह रहे कितना टाइम है शुरू होने में भाई भाई अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई आपको मैं कोई भी न्यूज नहीं आई है टी की तरफ से कुंदन भाई कह रहे हैं भाई कब होगा टॉस कुंदन भाई कोई भी न्यूज नहीं दी है अभी तक टी ने जैसे ही न्यूज़ देंगे मैं तुरंत आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं भाई रोहित भाई कह रहे हैं यहाँ पर हाय सर हाई रोहित भाई और टॉस कौन विन होगा भाई टॉस पूछ रहे हैं आप सभी लोग पूछ रहे हैं मुझसे टॉस कौन जीतेगा तो मेरी तरफ से मैं चाहूंगा छिपॉक जो है वो टॉस बकरी है लाइकअ गोवे किंग जो है वो टॉस जीते यहाँ पर भाई संडे को रेनी डे हो गया भाई बिल्कुल अरिंद्र सिंह भाई दिल्ली में बारिश नहीं हुई पूरी दुनिया में बारिश हो गई है भाई एक बार ये बता दो कि छिपॉक आले ले पता नहीं भाई ये ये तो हर्ष भाई मैं नहीं कर पाऊंगा चेशन भाई भाई कह रहे हैं सीएचजी को वन करना है भाई ठीक है सदाम भाई कह रहे हैं बांग्लादेश जीती सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को पारस भाई कह रहे हैं सीएचजी जी में में चैंपियन भाई ये देखिए अब हर बार चेपॉक जीतेगी तो मजा कैसे आएगा लाइका को जीतने दीजिए इस बार ट्रॉफी लाइका को जीतने जी दीजिए आप सब लोग जो है ए वी आर पे के साथ जुड़ जाइएगा ए वी आर पे ग्लोबल पे आई डी नेटवर्क है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइचन मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपये की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है ए वी आर पे खेलिए और जीतिए फास्ट विदड्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है और यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट चलते हैं जहाँ पर आप पचास हज़ार रुपये तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं और विदड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में प्लस आपके डिपॉजिट और फर्स्ट विडड्रॉल पे आपको फर्स्ट क्या आप जितनी बार भी विड्रॉल करेंगे जितनी बार भी डिपॉजिट करेंगे आपको दो परसेंट का बोनस मिलेगा प्राइ एंड ट्रस्टेड है अच्छी बात यह है कि सिर्फ मिनिमम दस रुपये बैठे और सौ रुपये का जो है मिनिमम डिपॉजिट है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइचन मैंने पिन कर दिया है दुनिया के किसी भी कोने से आप ए वी आर पे, पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा मेरे, मेरे, मेरे को लग रहा है कि लो, और लोगों को उसके भी होगा भाई डेढ़ से नीचे हुआ देखते भाई भाई कब भाई तब तक गाने गाते हो सब एक गाना हो जाए भाई गा लीजिए भाई चामुंडा भाई कह रहे हैं ब्रदर मैंने आपका चलो सब्सक्राइब कर लिया है मेरा नाम ले लो चलो विनोद गोस्वामी चलो भाई आप अब तो ना आपने नाम भेजा है विनोद गोस्वामी भाई आर्यन भाई कह रहे हैं भाई जी आज एल के जीती तो एक एल के का एक टाइटल हो जाएगा भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और यहाँ पर लेते हैं जरा मैसेज सी एजी विन करेगा भाई ठीक है भाई ए को को स्पॉन्सर करती है भाई बिल्कुल ए पे भाई स्पॉन्सर करती है ना टी एन में सलीम स्पाटिन की टीम को झुल भाई कह रहे हैं इज दे आर गोइंग टू अ गेम और नॉट पर चांसेस तो हैं बारिश रुक गई है ग्राउंड को सुखाया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड को मैच को चालू करने के लिए आ, विकास सिंह जी कह रहे हैं जय हिंद सर जी जय हिंद भाई कह रहे हैं शाहरुख खान कैप्टन बनाया बन गया है लगता है आर्यन का भी सुधर गया है <laughs> पुलाश भाई कह रहे हैं टुडे एल के विन करेगा पपी खत्म ब्रेक भाई भाई मैच कितने ओवर का होगा भाई आठ उनचास से पहले पहले अगर मैच शुरू हुआ तो पूरे बीस ओवर का होगा उसके बाद ओवर कटना शुरू हो जाएंगे सर तो आप हर मैच की कमेंट्री कर रहे हैं बिल्कुल भाई पारस भाई मैं टी पिल के हर मैच की कमेंट्री कर रहा हूँ रोहित भाई कह रहे हैं बड़ा मीठा बोल के लाइक और व्यूज़ बढ़ा रहे हो ब्रदर लव यू रोहित भाई प्यार से बोलना पड़ता देखिए काम है और कमेंट्री काम है तो प्यार से ही बोलेंगे अब मैं गालियाँ दूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा उल्टा मेरे चैनल को जो है रिपोर्ट भी कर देंगे जैफत भाई कह रहे हैं अब आज बड़ा मैच है बड़े प्लेयर खेल लेंगे और याद रखना भाई लोगों को बिल्कुल भाई बड़े प्लेयर चलेंगे भी किंग सोहेल तोनी कह रहे भाई बारिश हो गई भाई बारिश तो बंद हो चुकी है ग्राउंड को सुखाया जा रहा है यहाँ पर अजी सोनी जी कह रहे भाई कितने ओवर का होगा ओवर तो अभी बीस ओवर का ही है आठ उनचास के बाद ओवर कटने शुरू हो जाएंगे सलीन स्पाटन टू लास्ट ओके भाई मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू रोहित भाई यहाँ पर और मैसेज हैमर हैमर भाई कह रहे भाई सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा पेस में या स्पिन में भाई विकेट अब बारिश हो गई है तो सो तेज गेंदबाजों को विकेट मिल जाएगा क्योंकि बारिश के बाद स्पिन करना गेंद को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और uh, मयूं कुमार जी कह रहे हैं सी एच इन दिस मैच ओके ए वी आर पे पे सलीम को सपोर्ट कर रहे हैं जब मुर्गन ने इतना पैसा खाया है कि पंटर का वन मिनट फंड रेन स्टॉप हो गया भाई रेन बारिश तो बंद है भाई बारिश कब से बंद है ग्राउंड को सुखा रहे हैं ग्राउंड में पानी भरा पड़ा है सुबह से बारिश हो रही है कोयम्बे के अंदर uh, बंटी गोस्वा भाई कह रहे हैं सर मेरा भी नाम लो बंटी गोस्वा भाई आपका नाम ले लिया है किसी भाई का नाम छूट जाए बताइएगा वन मिनट फन भाई कह रहे हैं ठीक है शाहरुख खान आज फिर मारेगा भाई मोहम्मद राजा भाई कह रहे हैं भाई बी साइंस साइंसदर्शन मारेंगे आज रन बी साइंस दर्शन मारेंगे टॉस हुआ क्या भाई टॉस अभी नहीं हुआ है यार अमित अमित कुमार भाई टॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ कोई ऑफिशियली न्यूज़ भी नहीं दे रहे यार इतने टी वाले ऐसी गरीबी में चल रहे हैं कि ऑफिशियली न्यूज़ भी नहीं दे रहे कोई भाई आपको ऐसा पूछ रहे हैं जैसा वही मैच खेल रहा है <laughs> भाई मेरा 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 नेम ले ले, ले भाई रोहित मिरवाल भाई आपका नाम ले लिया नॉट गोइंग टू बी मैच चुनेत भाई मैच तो होगा मैच तो होगा चाहे पाँच ओवर का होगा ग्राउंड सूख जाए एक बार फिर तो देखिए पूरे ओवर देख खेलते नजर आएंगे यहाँ पर इस मैच में गोइंग टू गोइू भाई अपने चुनेद भाई देखिए चांसेस तो कम है अपेंडेंट होने के मगर अगर साढ़े दस तक भी सवा दस या साढ़े दस तक मैच शुरू नहीं हुआ तो एबेंडेंट कर देंगे इस मैच को आ, मिस्टर ए के भाई कह रहे हैं मेरा भी नाम लीजिए मिस्टर ए के अंकित जी आपका नाम ले लिया है अरे डी डी वालों को बुलाओ जो ल, जो लो उनके पास छतरी है <laughs> भाई मैं आपका फ़ैन हूँ थैंक यू सुहाम पाटिल भाई मेरे भी फैन है थैंक यू अंकित भाई कह रहे हैं सी टॉस जीतेगा ठीक है आ, बरियार भाई राजकुमार जी कह रहे हैं हेलो सर हेलो बरियार भाई ब्रदर आपका चैनल मिलियन में जाएगा आजीश कुमार भाई मिलियन देखिए मैं क्या सोचता हूँ ना मिलियन थाउजेंड ये तो सिर्फ एक नंबर्स है नंबर्स में नहीं जाना मुझे मुझे भाई देखिए मुझे नंबर्स में नहीं जाना है मुझे चाहिए लोगों लोगों को सपोर्ट कि कम से कम जब मैं स्ट्रीम ऑन करता हूँ तो हमारे पुराने व्यूअर्स आते हैं खड़े हो जाते हैं आपके साथ एक चाहे सौ लोग खड़े हो मगर सौ में से अगर दस लोग भी आपका सपोर्ट करने वाले हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे आप कैलाश भाई कह रहे हैं पर हेलो सर आप कैसे हो आज इंडिया वुमेन की कमेंट्री में बहुत मज़ा आया भाई बिल्कुल कैशा सिद्धरी भाई मज़ा तो आया कमेंट्री करने में और एक तरफा मैच जीत गए हैं हाँ भाई आ, जैसे दिवाकर भाई खेलेंगे जा रहे हैं वैसे ही वैसे पूछ रहे हैं भाई मुझे कैंसर है बट आई एम अ क्रिकेट लवर इससे थोड़ा सा जीने की उम्मीद हो जाती है जिंदगी शुभ भाई आप पे एक इंस्पीशन हो जाते हैं बीमारी है ये तो देखो जीने की जिंदगी के लिए आदमी हर किसी करता है मगर अपने अंदर से जो है कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ बढ़िया होगा भाई बारिश की वजह से आज बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा क्या बताओ भाई ओवर कटेंगे तो हैमर जी भाई तो हो सकता है शायद आ, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है आ, या सिर भाई कहे यार यार ग्राउंड सुखा रहे हैं या पूरा तमिलनाडु इतनी देर में तो बारिश रुक जाती है भाई ग्राउंड पूरा भरा पड़ा था पाइप लगा रखे थे भाई देखा था लाइव विजुअल में पाइप लगा रखे थे और पाइप लगा लगा के पानी निकाल रहे थे भाई कमल भाई कमल खान भाई कह रहे हैं भाई हम आई एम फर्स्ट अच्छा आप आप बैटिंग पहले करेंगे कमल खान भाई बैटिंग कर लीजिएगा चंद्र वर्मा कह रहे हैं शुभु ओके और भाई कह रहे लगता है बारिश रुक नहीं रुक नहीं, होगी टॉस के लिए इनके पास सिक्का नहीं है शाहरुख बोल रहा है हिंदी इंग्लिश कर लो <laughs> शिखर से चंद्र शर्मा चंद अरम, अरमान भाई कह रहे हैं भाई सीरीज में इस सीरीज के बाद द द दंड्रेड मैच कवर करो ठीक है अरमन भाई हंड्रेड कवर कर देंगे हंड्रेड के तो काफ़ी मैच है वुमेन्स के भी हैं मेंस के भी हैं तो जोर लगाना पड़ेगा भाई पूरा कोई अब स्पॉन्सर कर दीजिए भाई मुझे टीम मुझे 100 हंड्रेड में भाई परवन कुमार जी कह रहे हैं हाय सर हाय और कैलाश भाई कह रहे हैं सर त्यागी जी को नमस्ते त्यागी जी आज है नहीं आज फाइनल कॉमेंट्री जो है दिवाकर जी कर रहे हैं कैलाश भाई मगर बाकी नमस्कार आपको यहाँ पर प्रियांशु भाई कह रहे हैं भाई आपकी दूसरी कमेंट कमेंटेटर कहाँ गए हैं प्रियांशु भाई वो थोड़ा सा कुछ फैमिली प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा सा द, दूर गए हुए हैं घर से तो इसलिए कमेंट्री वो कर नहीं पाएंगे टॉस कौन विन होगा भाई टॉस में सबसे छिपक जीत सकती है तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑफिशियल न्यूज भाई ऑफिशियल न्यूज कोई नहीं है ये टॉस को लेकर अभिनव कुमार शाहरुख खान या आर साई किशोर हु विल बी ए प्लेयर वॉच टू आउट भाई uh, साई की शोर से बढ़िया मैं कहूँगा बी साई सुदर्शन भी एक वॉचफुल प्लेयर है उनको देख सकते हैं आप हाय ब्रदर आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू अजय कुमार जी भाई आपका आप कहाँ से हो कुंदन भाई मैं सपो मैं हूँ दिल्ली से मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है मैच चेंज ओहो मयंक कुमार जी कह रहे हैं टॉस ये जीवन करने है वाला है ठीक है आ, गैशन आयन भाई बोल रहे हैं आकाश पवन भाई कह रहे हैं कल होना चाहिए मैच भाई भाई बारिश हो रही है अब आज बारिश हो गई कि कल बारिश नहीं हो सकती मैच कैंसिल ऑफ बैड लक आ, ओके आ, जब तक जिएंगे तब तक आ, हर सांस का मजा लेंगे बिल्कुल भाई शुभ भाई आपने घबराना नहीं है सबसे पहले आपको घबराना नहीं है बस इंजॉय करना है क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यूएई में करो आज का मैच भाई राहुल भाई भी कहा शिफ्ट करेंगे एक मैच के लिए आशन भाई कह रहे हैं भाई मैच होगा या नहीं भाई अभी तो मैच होने के चांसेस हैं आठ उनचास के बाद जो है ओवर कटने शुरू होंगे पांच पांच ओवर का भी मैच हमें देखने को मिल सकता है तो मैच होने के चांसेस ज्यादा हैं मैच भी हो बे ब्रो बिल्कुल अब्दुल करीम भाई मैच हो बे भाई शाम को दो बैग हो जाएगा क्या अनु बता दे भाई मैं तो इंटरेस्ट नहीं लेता इस चीज में भाई भाई आपको किसको सपोर्ट कर रहे हो प्रियांशु भाई मैं लाइको को सपोर्ट करूंगा गणेशन भाई कह रहे हैं यहाँ पर टॉस सी एस जी वन होगा भाई ठीक है पंडित दीपू तिवारी जी कह रहे हैं टॉस कब होगा टॉस की ऑफिशियल न्यूज अभी तक आई नहीं है मयंक कुमार जी कह रहे हैं मैच क्या मैच कॉल्ड ऑफ नहीं भाई मैच कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है अभी तक और देखते हैं अभी कब तक शुरू होता है शाहरुख खान बिफोर मैच गुपचुप गुपचु गुप दो दिन मिल रहे हैं चलिए है भाई विधानसभा जी गाने सुना रहे हैं दिवानशु गुप्ता जी कह रहे हैं भाई टॉस कब होगा भाई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कोई टॉस की टॉस की ऑफिशियल न्यूज जो है टी ने दी ही नहीं है और रविदास भाई कह रहे हैं एक चाहिए भाई बिल्कुल ओके भाई ये क्या है मैच में शाहरुख खान और कौशिक आ, बॉलिंग कर सकते हैं शाहरुख खान तो गेंदबाजी करते हैं और जे कौशिक भी शायद जे कौशिक भी गेंदबाजी कर ही लेते हैं यार यहाँ पर आर्यन भाई कह रहे हैं टॉस होवन कौन करेगा भाई मैं तो लाइका को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई रेन स्टॉप है भाई रेन बारिश कब की शुरू बारिश कब की बंद हो चुकी है भाई ग्राउंड को सुखा रहे हैं सात बज के दस मिनट पर पंद्रह मिनट बारिश रुक गई थी उसके बाद ग्राउंड को सुखाया जा रहा है एक घंटे से ग्राउंड ग्राउंड को सुखा ही रहे हैं अरे यार बारिश शुरू हो जाएगी तो खत्म है मैच इनके टी एन पी एल के पास कुछ है कि नहीं कुछ नहीं है प्रदीप भाई ग्राउंड पास ग्राउंड को सुखा रहे हैं वो आ, चमुंद्रा क्या चमुंडा सरकार भाई कह ब्रदर आपकी आई क्यू लेवल कितना है थाउजेंड परसेंट भाई कभी नाका ना आ, नापा नहीं चमुंद्रा पर सरकार भाई चमुंडा सरकार भाई ना, नापा नहीं जितने नाप लेंगे उन्हें बता देंगे आकाश भाई कह रहे हैं फुल मैच होना चाहिए भाई फुल मैच ना चाहिए तो भाई दस दस पंद्रह पंद्रह ओवर का मैच खिलाते कभी इंटरेस्ट तो रहे भाई आप आओ बटर चिकन खाते हैं भाई नहीं यार आजी चन आजी चिकन खाया छू भाई और आ, आज नहीं साहिब खान भाई कह रहे हैं क्या ओवरकम होंगे भाई आठ उनचास तक मुकाबला शुरू नहीं हुआ तो ओवरकम हो जाएंगे यहाँ पर रविदास भाई कह रहे हैं भाई आज फर्स्ट बैटिंग जीतेगी क्या भाई मैं तो चेज़ के साथ जाऊँगा जो मगर मेरे को लाइका ही पसंद है यार लाइका जब चाहे टॉस जीत कर बैटिंग करे चाहे फील्डिंग करे यहाँ पर यहाँ पर टॉस कब होगा भाई टॉस की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी है अनलिमिटेड कंटेंट भाई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है टॉस के लिए भाई मैच भाई कैसा मैच एक्सपेक्टेड है वैसे ही मैच एक्सपेक्टेड है प्रदीप भाई जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं स्टार स्पोर्ट पर पानी निकालते हुए दिखा देंगे क्या भाई बिल्कुल नहीं दिखाते शुभ भाई बिल्कुल नहीं दिखाते मिस्टर टेडी भाई कह रहे हैं भाई कब तक स्टार्ट होगा यार टेडी भाई मैं कह दूं एक घंटे में स्टार्ट होगा तो ये झूठ होगा क्योंकि ऑफिशियली न्यूज़ जो है वो आई नहीं है अभी भी पानी पानी ही पानी रे पानी निकाल रहे हैं भैया ये, ये क्या निकाल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है इतनी देर में तो इंटरनेशनल में तो ग्राउंड सुखा के क्या अभी तक तो पाँच ओवर भी डल जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर जब अब भाई जब लाइन हो जाए तो बता दीजिएगा कि मैच कितने ओवर का होगा भाई मैं पहले बता दूंगा कि मैच कितने ओवर होगा क्योंकि अंपायर जो कि जब ग्राउंड को चेक करते हैं तो बताते हैं कि कितने ओवर का ये मैच होगा कौन सबसे ज़्यादा रन बनाएगा भाई मेरे को तो पी एस रॉय भाई बीस आई सुदर्शन ज़्यादा रन बना सकते हैं जगद कौशिक गांधी कौशिक गांधी भी अच्छे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं इस बार टी एन पे वाले ने कुछ अपडेट भी नहीं दिए थे दे रहे हैं क्या पैसा खत्म हो गया क्या <laughs> पता नहीं भाई टीएनपे वाले अपडेट नहीं देते हैं अमन भाई कह रहे हैं हाँ हेयर ड्रायर से सुखा रहे हैं क्या <laughs> पता नहीं भाई हेयर ड्रायर से सुखारे के लिए सस्ता आई भाई मिस्टर टेडी भाई कह रहे हैं टैडी भाई क्या कर रहे यार क्या कर सकते इनके तो एक बार एक बार बताया एक बार की बात है अभी रिसेंटली मैच चल रहा था टीएनपीएल में तो कीड़े आ गए तो कीड़े के लिए वो स्प्रे नहीं कर रहे थे नीम के पत्ते जलाए उन्होंने और पूरे ग्राउंड में भाग के जो है वो धुआं कर रहे थे जिससे कीड़े भाग जाएं अब लगा लीजिए लेवल किस तरीके से था इनको बॉल कैच कैच खेलो और ज़्यादा कैच पकड़ने वाला जीत जाएगा भाई यही रखता है गोपाल यादव जी कह रहे हैं ट्रैवलिंग ब्लॉक भाई कह रहे हैं टॉस कौन जीत रहा है जीते यहाँ भाई टॉस देखिए भाई टॉस में कोई एनालिसिस तो होता नहीं तुक्का लगा लीजिए मैं तो लाइका बोल रहा हूँ लाइका जीत जाएगी रविंद्र भाई रविंद्र भंडार जी भाई कह रहे हैं मैच जल्दी स्टार्ट कर दो तो भाई भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ रविंद्र भाई मैं तो खुद चाहता हूँ क्योंकि जितना ये मैच लेट शुरू होगा उतना हमारा टाइमिंग बढ़ेगा मैच का तो मैं खुद चाहता हूँ कि कम से कम यार छः छः ओवर या दस दस ओवर का मैच हो जाए तो बढ़िया रहेगा यहाँ पर मयंक कुमार कह इंग्लैंड इंग्लैंड दिस विंटर क्या विनर मैच ओके फ्री फायर वीडियो कह रहे हैं मैच कल होगा भाई फ्री फायर भाई कोई एक्स्ट्रा दिन तो इन्होंने दिया नहीं है और यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन तो कोई दिया नहीं अगर एक्स्ट्रा दिन दिया होगा तो कल तो मुश्किल ही होगा फिर इनका मैच करना भाई इंग्लैंड का इंग्लैंड का मैच ही कमेंट्री कर दो इतनी देर या सिर्फ भाई इंग्लैंड के मैच में कॉपीराइट है मैं रिस्क लेने जाता था वैसे इतना अभी कॉपीराइट खाया था बीच में वैसी रीच कम हो गई है अपने चैनल की तरफ कॉपी राइट खाना ही नहीं है मुझे अब कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं आज का मैच भाई पूरा है चलिए ठीक है और ऐसा भाई कह रहे हैं सी कैप्टन कौन है भाई सी का भाई कौशिक गांधी जो है वो कैप्टन है सी के और लाइका के जो है वो शाहरुख खान ही है भाइया हिंदी कमेंट्री किस चैनल पे आएगा भाई मोहम्मद इजमान भाई राजा भाई इसकी हिंदी कमेंट्री नहीं आ रही टी की हिंदी कमेंट्री सुननी है तो क्रिकेट लाइव हिंदी पर सुन सकते हैं आप गोपाल यादव जी कह रहे हैं भाई आ, कितने देर में है भाई कोई टाइमिंग नहीं है भैया टी जो है इनका कोई सर पैर नहीं है भाई इंग्लैंड में मस्ट की कॉमेंट्री भाई नैन दीजिए यार भाई बी बैन हुआ है क्या बिल्कुल विधानसभा में बी बैन हो चुका है और गायब कर दिया यूट्यूब गूगल गूगल प्ले स्टोर से मेरे बड़े डाउनलोड रखा हुआ था तो मैं तो खेलने की नौबत ही नहीं आई उससे पहले बंद कर दिया भाई आपको क्या मिलता है स्ट्रीम करने से राठौर भाई अगर कोई इंसान कोई काम करें तो पैसे ही मिलते हैं और ऑब्वियसली बात है मगर इस काम में एक ही पैसे के साथ इज़्ज़त भी मिलती है प्यार मिलता है लोगों का और नाम भी मिलता है तो दो चीज़ें तीन चीज़ें हैं ये है यूट्यूब पर जो अगर कोई काम कर रहा है तो पैसे ही कमा रहा होगा भाई और क्या कर रहा होगा रविंद्र भाई कह रहे हैं आप दिल्ली से हो भाई बिल्कुल रविंद्र भाई मैं दिल्ली से हूँ फ्री फायर भाई कह इंग्लैंड विनिंग करेगा भाई बिल्कुल इंडिया जी जीतेगा इंग्लैंड जीतेगा मोहम्मद शबी भाई कह रहे भाई टॉस कौन जीत पे भाई मैं तो लाइका को सपोर्ट कर रहा हूँ शाहरुख खान जिंदाबाद हो, हो, हो। शिव भाई कह रहे हैं भाई को टी एन पी एल में सुनना तो वही चलो चलो जाओ ओके और राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं विराट को क्यों विराट क्यों फेल हो रहे हैं राहुल गुप्ता जी भाई विराट इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि किस्मत जो है किस्मत जो है वो साथ नहीं दे रही जब किस्मत किसी के साथ नहीं होती है ना तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर ले वो नुकसान उसको होता ही होता है भाई लोग तकलीफ़ में हो या शाहरुख भाई तकलीफ़ में है इनको तकलीफ़ में दूर कर देता हूँ आप सब दूर मत करिएगा मैंने तकलीफ दूर कर दी है अमन भाई कह रहे हैं यहाँ पर अमन भाई क्या कह रहे हैं अमन भाई कह रहे हैं कि होम ग्राउंड किस टीम का है कोई है यार ये न्यूट्रल वेन्यू है कॉम्बे का यहाँ कोई होम का फर्क नहीं पड़ेगा विजय मैंने क्यों बैन कर दिया भाई प्रदीप भाई पता नहीं क्यों बैन कर दिया इसकी न्यूज़ तो मुझे भी नहीं पता आप मेरा फ्रेंड हो सर रविंद्र भाई भंडारी भाई थैंक यू हाँ फ्रेंड तो मैं सब कहीं हूँ क्या यार इनको इनको कहो खेलने बोलो घर पे जाके टी एन पे वालों को मोस्ट ऑनेस्ट यूट्यूबर भाई बिल्कुल भाई सुबह भाई हर कोई काम जो करता है वो पैसे के लिए करता है अब बिना पैसे के काम कोई करता है आप बता दीजिए फ्री में तो भाई जो है वही कर सकता है जिसका पेट पहले से ही भरा हो वो फ्री में काम कर सकता है भाई नाइस न्यूज सर ओके और टॉस कौन विन होगा बता दिया भाई मैंने आपको भैया काला क्यों हो गया काला क्यों हो गया है अलग क्यों हो गया भाई हमारा तो भाई स्क्रीन बिल्कुल ऑन है एक बार दोबारा शुरू करके दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिएगा भाई नाइस इन्फॉर्मेशन थैंक यू ओके थैंक यू भाई पूरा इन्फॉर्मेशन कर देना है कितने ओवर का मैच है पूरा दूंगा खान भाई अब जरा इन, इनको इन्फॉर्मेशन देने तो दीजिए टी न, न वाले खुद इफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं हम क्या इन्फॉर्मेशन दें आपको बीजेम को बैन कर दिया गया है क्योंकि हाँ हम हैक लगाकर खेलते हैं जाना नहीं शर्मा भाई कुछ कुछ था कुछ वायरस वायरस का लफड़ा होगा क्योंकि आपको पता होगा दस पंद्रह एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर ने पचास अप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर ने बैन किए हैं मार कर सुखा रहे हैं क्या भाई पता नहीं भाई प्या सुबह फूक मार रहे हैं कि नहीं मशीन तो दिखाई थी उन्होंने और अखिलेश राज यादव कह रहे हैं भाई एन की टीम को फाइनल में नहीं पहुँचना था पहुँचना सबसे अच्छी टीम थी भाई हमने कहा था भाई नहीं जीतेगी वो टीम हमने हरवाया था उसको शुभ क्या शुभा बनर्जी भाई कह रहे हैं मैच होगा या नहीं भाई मैच तो होगा अब ग्राउंड में देखिए बारिश तो हो नहीं रही मैच होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर छोटू क्रिएशन भाई कह रहे हैं आई लव यू बाई लो भाई आप बोल के कौन जीतेगा रविंद्र भाई मेरी तरफ से लायका इस मुकाबले को जीत सकती है आ, सुमित कुमार जी कह रहे हैं कौन जीत बता दी भाई देखिए टॉस अभी हुआ नहीं है टॉस की कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है बारिश है इस मुकाबले में जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आएगी मैं आपके साथ कोई भी न्यूज़ शेयर नहीं कर पाऊँगा इस टाइम सन स्पार्टन और बीजे बाई डेवलपर्स की हालत एक जैसी है भाई <laughs> शर्मा भाई कह रहे हैं यहाँ पर भाई इनको बोलो कि मैच खेलो लेकिन चोरी से और बाद में मैच खत्म होने पर अपडेट दे रहे हैं कौन सी टीम विन होगी टॉस कौन विन होगा भाई बता दिया ज्ञान भाई लाइका को सपोर्ट कर रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ लाइका जो है टॉस जीते तो आप सब लोग जो है ए वी आर पे के साथ जुड़ जाइएगा जिन भाई के पास प्रोटिक्शन वेबसाइट नहीं है ए वी आर पे के साथ जुड़ जाइएगा ए वी आर पे पर मिनिमम बैट सिर्फ दस रुपये की है और मिनिमम रिपोर्ट जो है सिर्फ सौ रुपये का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइसेंट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए ज्वाइन करिए ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट चलते हैं जहां पर पचास रुपए तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं प्लस आपको हर ट्रांजेक्शन पे दो परसेंट का बोनस मिलेगा तो इतने सारे बेनिफिट जो है आपको ए पे के साथ मिल रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए पे के साथ खेलिए और जीतिए तो यहाँ पर ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है एवीआरपे ए वी आर पे जो है टी एन पी एल में एक टीम को स्पॉन्सर करता है सलिन पाटन की टीम को स्पॉन्सर भी करता है बहुत बड़ी वेबसाइट है ए वी आर पे ग्लोबल आई डी नेटवर्क ये बहुत बड़ी वेबसाइट है दुनिया के किसी भी कोने से आप ए वी आर पे पर ज्वाइन कर सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं ढेरों इनाम तो खेलिए और जीतिए ए वी आर पे पे ओवर कटेंगे पक्के भाई शुभ भाई देखो लग रहा है ओवर कटेंगे ही कटेंगे क्योंकि देखो आपको बता दें आठ उनचास के बाद अगर मैच शुरू होता है तो ओवर कटने शुरू हो जाएंगे जगदीश्वर भाई कह रहे हैं मैच स्टार्ट नाइन पी भाई आप ही बता रहे हैं यार जगदीश्वर भाई मुझे तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ मिली नहीं है दीपक का सुपर जीत है इनशाला भाई ठीक है भाई ओके ओवर कटिंग भाई आदेश भाई कह रहे हैं भाई फाइनल मैच ऐसा ग्राउंड पर कहाँ करना ही नहीं चाहिए कोयम्बटूर का ग्राउंड है भाई पिछला मुकाबला इसी पे ही हुआ था आदर्श भाई और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था और कहीं ना कहीं फिर आप आज देख लीजिए आज मौसम को मौसम पे किसी का जोर नहीं है यार मौसम तो ऐसे होता है कैसे सुखा रहे हैं यार एक घंटा हो गया है घंटा सुखा है परदीप भाई भावुक हो गए मैच नहीं होगा क्या भाई मैं मैच होगा होगा यार मैच होगा यहाँ पर आदर्श भाई एक मैसेज भेजिए यार थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा फिर एक मैसेज भेजिए लगातार आप सारे मैसेज भेजते रहेंगे तो आपको रोकना पड़ जाएगा अनफल भाई कह रहे हैं कब स्टार्ट होगा अनफल भाई कोई न्यूज नहीं है अनफल यार भाई कोई न्यूज नहीं है कोई भी न्यूज नहीं दे रहे हैं यहाँ पर टी की कोई भी आशीष कपूर का मैंने पैंतीस गनवा दिए क्या है मैंने तो पैंतीस गनवा दिया भाई ओके टुडे चिपॉक टॉस एंड मैच ओके कौन भाई कह रहे हैं शहीन शाहीन भाई कह रहे हैं यहाँ पर इशरा सारी भाई कह रहे हैं टॉस कब होगा भाई टॉस कोई न्यूज़ नहीं है दादा दादा कोई भी न्यूज़ नहीं है टी वाले कोई भी न्यूज़ नहीं देंगे एक घंटा हो गया है भाई अरे सर जी घंटा हो गया है यहाँ पर ऐसा क्रेशन भाई एक न्यूज़ दे के राजी नहीं है टी एन पी के इनके ऑफिशियल टिटल हैंडल भी खोल डाले मैंने तो मैं ऑफिशियल साइट भी खोल के बैठा हूँ सब कुछ खोल के बैठा हूँ मजा इन्होंने एक एक अपडेट दे, दे, दे। आ, आ, यहां पर आ, जो है ऑफिशियल न्यूज़ कोई भी नहीं है और कहीं ना कहीं जो लोग फर्स्ट्रेट हो रहे हैं उनको बता दो कि भाई देखे झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर झूठ बोलूंगा आज बोल दूंगा कल क्या कहूँगा तो प्लीज़ आप समझिए कि अगर अगर मैं ऑफिशियली जाके आपको यह कह दूंगा कि भाई एक घंटे में होगा दो घंटे में होगा इससे कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई टी ने कोई भी अपडेट नहीं दी है और कहीं ना कहीं जब अपडेट नहीं दिया है तो भाई मैं अपडेट मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा क्या सुखा रहे हैं कब से भाई ये भाई ये सुखा ही रहे हैं भाई क्योंकि तो पानी बहुत भरा था और ग्राउंड में जो है जो है खड्डे से बन गए जैसे हम देखते हैं ना ग्राउंड के अंदर वो पानी के गुच्छे से बन जाते हैं बीच बीच में तो वो गुच्छे से बन गए थे वहाँ से पानी को पानी को निकाल रहे थे आप देखो कैसे सुखा रहे हैं क्योंकि जब सुपर सोवर जो है चल रहा था और कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी जो है वो गीला हो गया था पानी जो है पा, पानी से जो है वो गीला हो गया था पूरा ग्राउंड तो पानी निकालने में टाइम लग रहा है क्रिक बैच में सात बज के दस मिनट लास्ट अपडेट आया भाई बारिश वही बात है भाई, भाई बारिश बंद हुई थी उसके बाद जो है ग्राउंड को सुखा ही रहे हैं ये क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है आंधा हो भाई क्या देख रहे हैं भाई क्या देख रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए ऐसे चीज़ें आती रहती हैं भाई ऐसी चीज़ें आती रहती हैं अब देखते हैं कब तक ये मुकाबला शुरू होता है जरा लाइव विजअल भी पकड़ते हैं कहीं कहीं लाइव विजुअल दिखा दे गलती से यार ये और गलती से दिखा दे तो भाई वहीं बता देंगे देख के कि क्या हो रहा है लाइव विजुअल दिखाया था उन्होंने यार और देखा तो जब मैंने तो तब तो ग्राउंड सुखा रहे बड़ी तेज़ी से अब पता नहीं क्यों नहीं सुखा पा रहे हैं पर तेज़ी से तो टी एक बार फिर से क्या लाइव जो शुरू होगा देखना होगा यहाँ पर क्या हो रहा है टीएनपीएल वालों को मर गए क्या चलिए टीएनपीएल की लाइव विजुअल आने शुरू हो गए शायद लाइव विजुअल जो है फिर से शुरू कर रहे हैं या पुराना मैच दिखा रहे हैं हाईलाइट ही दिखाए जा रहे हैं टी का यार क्या करूँ बताओ भाई अवश्य करनी पड़ेगी भाई बिल्कुल टीवी में लाइव देख रहे हैं भाई आ देखो सुबह भाई लाइव में देख रहा हूं। गिलीज और घूम रहे हैं अंपायर जो है वो ग्राउंड में घूम रहे हैं चेक कर रहे हैं अब हमें पता लग जाएगा कि मैच कब तक शुरू होगा ग्राउंड को पूरी तरीके से सुखा दिया गया आप लोग काम पे लग रहे हो मैं चला नाश्ता इंतजाम करने भाई भाई नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा ग्राउंड क्लियर है भाई अभी भी सुपर सुवर चल रहा है कुछ जगहों में ग्राउंड को अभी भी सुखाया जा रहा है मगर अंपायर जो है वो बाहर आ चुके हैं ग्राउंड में और उसको चेक कर रहे हैं भाई आज जग्गी भाई मारेगा भाई चलिए देखते हैं जब तक ग्राउंड सुखा रहे हैं उससे पहले एक बार और बारिश चलिए अंपायर निकल आ गए हैं अंपायर जो है निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर और टी एन पी एल कौन से ब्रॉडकास्ट कर रहा है भाई टीएनपी एल स्टार स्पोर्ट्स कर रहा है भाई और यहाँ पर अब अंपायर चेक कर रहे हैं आप देख रहे हैं वो बताएंगे कि कितने बजे तक ये मुकाबला शुरू हो सकता है सर कब तक तो शुरू होगा सूरज भाई हम वेट कर लीजिए अंपायर जो है वो निकले हुए हैं ग्राउंड में पूरा पूरा ग्राउंड पे जो है सुखा लेंगे उषा उसा, उठा के जो है यहाँ से सु, सुखा यहाँ पर जो है सुखा देंगे और अंपायर जो है आप बता रहे हैं अंपायर जो है बता रहे हैं यहाँ पर अब देखना होगा क्या बता रहे हैं यहाँ पर सुनना होगा यहाँ पर और आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इन्जॉय करिए इस मुकाबले को बस अंपायर जो है अब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कब कब तक ये मैच शुरू हो सकता है यहाँ पर हम साउंड ऑन नहीं, तो तो नहीं कर सकते साउंड ऑन करके सुन लेता चलिए बता देंगे अभी थोड़ी देर में जो है खुद ही बता देंगे यहाँ पर अंपायर बात कर रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्राउंड की कंडीशन जो है वो किस तरीके से यहाँ हो पर होगी यहाँ पर अरे कोई नहीं गलती से गाली क्रिकेट खेले तो फाइनल में कम से कम अंपायर की तरह तो शाहरुख क्या है शाहरुख खान सम से और वाली का देखें यहाँ पर क्या होता है विधान शर्मा भाई देखने वाली बात होगी यहाँ पर अभी अंपायर ने जो है बात करी है अब देखते हैं क्या ऑफिशियल न्यूज़ दिया है कितने बजे तक कि ये मैच शुरू होता है अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पर एक बूंद भी जो है बारिश नहीं गिर हुई है ग्राउंड को सुखाने में अभी भी काम चल रहा है आप सब लोग कह रहे हैं मुँह से सुखा रहे हैं कि नहीं साढ़े आठ बजे गेम शुरू होगा अंपायर ने बोला भाई चलिए आपने बता दिया है अंपायर ने बोल दिया साढ़े आठ बजे शुरू होगा तो अच्छी बात है भाई ऑफिशियल न्यूज़ दे दी है यहाँ पर मेरे टी में मेरे टी में तो ग्राउंड गीला दोहर दोनों टीमें अंपायर पकड़ा खा रहे हैं भाई <laughs> भाई कुछ न्यूज़ आई क्या आ गई है न्यूज भाई अब दो मिनट दीजिएगा अभी न्यूज़ पर बता दूंगा आपको अंपायर ने कह दिया है शायद हो सकता है मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा भाई तो साढ़े बजे कह रहे हैं मगर मैं नहीं कह सकता भाई साढ़े बजे क्योंकि जब तक मैं देखूँ की लाइव विज्वल फिर से बंद कर दिए क्या है यार खुद ही खोलते हैं खुद ही बंद कर देते हैं लाइव विजअल क्या करते हैं यार ये यहाँ पर लेते हैं भाई साढ़े आठ बजे सुबह शुभ बनर्जी भाई कह रहे हैं साढ़े बजे होगा भाई शुभ भाई एक ऑफिशियल न्यूज़ कहाँ से ली आपने मुझे बताइएगा ज़रा एक बार यहाँ पर सर क्या हुआ सूरज भाई वेट कर लीजिए ना पाँच दस मिनट दीजिएगा ना अभी पता लग जाएगा कितने मिनट अभी ऑफिशियल न्यूज़ जो है लिखित रूप में आ जाए अब अंपायर ने क्या कहा है मैंने सुन नहीं पाया हूँ उसको अब बस देख लेते हैं जी हाँ चलिए यहाँ पर बता दिया है कि रेन पास्ट जो अब भाई मैसेव क्राउड आया हुआ है और इंस्पेक्शन जो है अगले पंद्रह मिनट में फिर से एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा तो पंद्रह मिनट के बाद फिर से एक बार और इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसके बाद बताएगा बताएंगे कि हाँ पार कि मैच कब तक शुरू होगा अगले पंद्रह मिनट बाद एक और इंस्पेक्शन है उसके बाद डिसाइड होगा कि मैच कितने शुरू होगा साढ़े आठ बजे इंस्पेक्शन होगा दोबारा भाई बिल्कुल सही कहने प्रदीप भाई साढ़े आठ बजे एक बार फिर से इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद बताया जाएगा कि कब तक ये मुकाबला शुरू होगा तो अभी भी ग्राउंड को सुखाने का कार्य चल रहा है मगर अच्छी बात यह है कि बारिश जो है इस मुकाबले में अब नहीं आ रही है और अब लगता है कि शायद नौ बजे या फिर आठ पैंतालीस या आठ पचास तक मुकाबला जो है वो शुरू होते हुए नज़र आ जाए हमें तो उम्मीद करेंगे कि ओवर जो है वो ना कटे और ना। तो बीस बीस ओवर का ये पूरा मुकाबला हमें देखने को मिले अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर अगले पंद्रह मिनट में जो है एक और इंस्पेक्शन होगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितने ओवर का यह मैच होगा और कितने बजे ये शुरू होगा आ, कितने ओवर का मैच होगा भाई भाई आठ उनचास हुए नहीं है और उससे पहले अगर मुकाबला शुरू होता है तो पूरे बीस ओवर का होगा आठ उनचास के बाद अगर शुरू हुआ तो ओवर कटेंगे राज सोलंकी जी पंकज भाई कह रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बताओ भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन भाई मैं बता दूंगा तो लोग वही टीम बना लेंगे पंकज भाई और फिर ना आप जीतेंगे ना लोग जीतेंगे तो भैया इससे पहले अपनी दिमाग सोचिए ना क्योंकि आपकी किस्मत आप ही बदल पाएंगे मैं नहीं बदल पाऊंगा अभी तो एल एल सी और आर सी भी हाईलाइट चल रहा है भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आठ उनचास तक गेम स्टार्ट होता है तो कम्पलीट बीस बीस ओवर का गेम होगा बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर प्रदीप भाई ने तो वेट कर लीजिएगा भैया वेट करते रहिए लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को यार बोलते बोलते था एक इनिंग का टाइम भी निकल गया डेढ़ घंटा होने वाला है साथ बजे स्ट्रीम को शुरू किया था इतनी देर में तो पूरी डेढ़ एक इनिंग खत्म हो जाती है भाई देखते हैं अभी मुकाबला किससे चलता है तब तक आप सब लोग जो है ए पे के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा AVR पे जो है ग्लोबल पे आईडी नेटवर्क है मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपए की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर, कर लीजिए एवीआरपे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट चलते हैं जहाँ पर पचास तक का इनाम जीत सकते हैं प्लस हर ट्रांजेशन में आपको दो का बोनस मिलेगा ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है भरोसेमंद वेबसाइट है एवीआरपे और बहुत बड़ी वेबसाइट है दुनिया के किसी भी कोने से आप एवीआरपे पे जुड़ सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं ढेरों इनाम तो एवीआरपे जो है टी में भी करता है सलीन की टीम को तो भैया वेबसाइट बहुत बड़ी है तो यहां पर अच्छी बात है कि मिनिमम बेट दस रुपए की है और मिनिमम डिपॉज सौ रुपए का तो खेलिए और जीतिए ए वी आर पे पे इंजॉय करिए ए वी आर पे के साथ तो अगले कुछ ही मिनट बाद अगला इंस्पेक्शन होने वाला है अगले इंस्पेक्शन के बाद जो है बताया जाएगा कि कौन सी कौन सी टीम जो है यहाँ पर आ, आ, कौन सा, कौन सा मुकाबला जो है यहां पर चलेगा लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर आउटफील्ड जो है वो गीला है इस वजह से अभी तक टॉस नहीं हुआ है मुकाबला बजे बजे शुरू होना था पर अभी तक मुकाबला शुरू नहीं हुआ है अभी कप्तान बना दो ओह जबरदस्त शाहरुख खान को कप्तान बना रहे हैं यहां पर काफी हद तक ये मुकाबला अब शुरू होने वाला है एक पांच मिनट का ब्रेक ले रहे हैं भाई लोगों। पाँच मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और पांच मिनट के बाद ब्रेक के बाद जुड़ेंगे लाइव एक्शन में पारस जी इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका मेरी मेरी टीम इंग्लैंड है भाई आप हमें हमें बता सकते हो कि हमने आपको चैनल को कब ज्वाइन किया है आर सिंह भाई देखिए अब डेट नहीं आती मेरे पास डेट लिखी नहीं आती है मगर आप सब लोग जो है मेरे साथ भी, भी जो पुराने लोग हैं वो बिग बैश बिग बैश बिग बैश लीग में जुड़े हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन में जुड़ गए हैं अब ब्रेक के बाद यहाँ पर और ऑफिशियली न्यूज़ यही है कि आठ पैंतालीस पे एक बार फिर से जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा उसके बाद अंपायर डिसाइड करेंगे कि टॉस कितने बजे यहाँ पर होगा आठ पैंतालीस पे ये इंस्पेक्शन है हो सकता है कि शायद अब कुछ ओवर जो हैं हमें यहाँ पर कटते हुए नज़र आए हैं अठारह ओवर या फिर सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला हमें देखने को मिले बारिश रुक चुकी है ग्राउंड को सुखा सुखा दिया गया है यहाँ पर आठ पैंतालीस पे अब दोनों अंपायर जो है ग्राउंड में एक बार जो है चेक करेंगे कि भाई कंडीशन जो है वो खेलने लायक है कि नहीं यहाँ पर अब देखते हैं कब तक ये मुकाबला शुरू होगा भाई न्यू अपडेट आ गई है आठ पैंतालीस पर पे शुरू होगा मैच भाई मेरे पास तो आठ पैंतालीस पे ही दिखा रहा है बाकी आप अगर कह रहे हैं तो कहाँ से चेक किया है मुझे बता दीजिएगा मैं वहाँ से चेक करूँगा क्योंकि ऑफिशियली न्यूज़ दे रहे हैं कि आठ पैंतालीस पे एक बार इंस्पेक्शन दोबारा करेंगे अब लाइव विजुअल दिखाएंगे तभी पता लगेगा कि भाई कब तक ये मुकाबला शुरू हो सकता है आ, जिन भाई उन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को आज काफ़ी जो है बारिश का दिन रहा है हर जगह जो है बारिश देखने को मिली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी बारिश देखने को मिली यहाँ पर और टी के इस फाइनल मुकाबले में भी जो है हमें बारिश देखने को मिली है एक लाइक हो चुके हैं एक भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पर हो जाएगा यहाँ पर डेढ़ सौ लाइक्स का तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ है तो देखते हैं अभी इंस्पेक्शन करेंगे अंपायर और तब बताएंगे कि भाई लाइव मुकाबला कब शुरू होगा आठ उनचास के बाद अगर मुकाबला शुरू होता तो कुछ ओवर्स जो है हमें कटते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर और लग रहा है कि शायद अब कुछ ओवर्स जो है यहाँ पर कटेंगे ये सर मजाक कर रहे हैं ये अंपायर भी अंपायर बोल बोल कर तेल क्या हो अरे यार भाई पता नहीं कहाँ तुमने कहाँ से ऑफिशियल न्यूज़ देखा मुझे बताइएगा ज़रा क्योंकि यार आप या यहाँ तो हाईलाइट दिखा रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स पर तो अभी लखनऊ सुपर जाइंट्स और आर का जहाँ पर अभी बीस रन एक विकेट नुकसान पर लखनऊ का स्कोर है भाई यहाँ पर बाकी यही है भाई अभी आठ पैंतालीस पे देखिएगा एक सौ पचपन लाइक्स हो गए भाई थैंक यू थैंक यू।, यू सभी भाइयों का भाई लाइक कर दिया आप सब लोगों ने थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस आज दिन बड़ा थकावा है यार देखिए जब मैच नहीं होता ना बारिश होती है तो हमें भी अच्छा लगता है यार और जैसे चंद्र चंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं मैच कब स्टार्ट होगा भाई आठ पैंतालीस पे बोला ना अभी आठ पैंतालीस पे जो है एक बार अंपायर जो है ग्राउंड को चेक करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे भाई मैच कब स्टार्ट करना है तो वेट कर लीजिए भाई ऑफिशियल न्यूज़ तो यही है अभी तक तो और और उसके अलावा जो है कोई न्यूज़ नहीं है क्योंकि मैच जो है बारिश के चलते नहीं रुका है मैच रुका है ग्राउंड जो है वो गीला है इस वजह से जो है मैच रुका हुआ है यहाँ पर देखते हैं ये मुकाबला जो है किस तरीके से चलता है यहाँ से कुछ ही मिनट बाद है और काफ़ी हद तक आठ पैंतालीस पर यह इंस्पेक्शन होगा यहाँ पर अंपायर एक बार पाँच मिनट देखिए ग्राउंड को चेक करेंगे उसके बाद हो सकता है शायद दो दो ओवर भी कट जाए तो ठीक है अट्ठारह अठारह ओवर या सोलह सोलह ओवर का भी मैच देखने को मिल जाएगा ये भी अच्छी बात रहेगी हमारे लिए तो देखते हैं अभी कब तक ये मैच शुरू होगा और वही आई वाला मैच की कॉमेंट्री कर दो भाई <laughs> भाई इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका कौन जीतेगा अंकित मिश्रा जी भाई मैं तो इंग्लैंड को ही सपोर्ट कर रहा हूँ सर बारिश रुक गई है ना सर आ, सूरज जी बारिश तो आ, सवा सात बजे से रुकी हुई है सर ग्राउंड इतना गीला हो चुका था कि बस खेलने लायक नहीं था उस ग्राउंड को खेलने लायक बना रहे हैं अब ग्राउंडसमैन तो लेते हैं मैसेजेस अब यहाँ पर आज कैप्टन कैसे बनाऊँ सर ड्रीम टीम में रमेश जी वो तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप खुद सोच के बनाना चाहिए क्योंकि मैं एडवाइस करूँगा तो वो एडवाइस चार लोग और सुनेंगे वो भी वही कैप्टन बना लेंगे आप भी बना लेंगे और फिर उसके बाद जीतना ना आप जीतेंगे ना वो लोग जीतेंगे और आम, हरवंश महिलावत भाई कह रहे हैं इंग्लैंड धोनी सर कितने ओवर का होगा सर सूरज भाई देखिए आठ उनचास के बाद ओवर कटने शुरू होंगे अगर आठ पैंतालीस पे इंस्पेक्शन हो रहा है तो हो सकता है शायद नौ नौ बजे या नौ दस पे मैच शुरू होता है तो आपको दो दो या दो दो ओवर कटते हुए नजर आ सकते हैं अठारह अठारह ओवर का मैच हो सकता है भाई आ, यहाँ पर यहाँ पर जो है बता दिया आप सब लोगों को जो जो न्यूज़ मेरे को मिली है बाकी देखते हैं अब कब तक शुरू होता है मुकाबला क्योंकि यार देखिए टी इतनी बड़ी लीग नहीं है यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ आने में जो है वो टाइम लगता है आठ सैंतीस हो रही है आठ मिनट बाद यहाँ पर और कहीं ना कहीं आठ मिनट बाद ये इंस्पेक्शन होगा इंस्पेक्शन के बाद देखना होगा कि कब तक ये चालू होता है भाई टॉस करवा दो मैच अगले साल ही होगा हो चलेगा <laughs> नया नयावत भाई ये सही था टॉस अभी करवा लो अगले साल मैच कर लेंगे यहाँ पर अरे अरे यार इतना टाइम क्यों लग रहा है क्या प्लान है टी एन वालों का भाई मैं तो बोलता हूँ कि अम्पायर बनाओ भाई यार अब बाय दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है जब कहीं एक जगह सुबह से ही बारिश हो रही हो तो ग्राउंड कहीं ना कहीं वो खेलने वाली कंडीशन में नहीं था अंपायर ने कोशिश करा भाई ग्राउंड को सुखाने का बोला कि सुखाइए पाइप पाइप्स लगाए उन्होंने सुपर सोवर चलाए भाई सब चीज़ सब चीज़ यहाँ पे कर दिया था मगर तब करते करते देखिए तब भी डेढ़ घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है मतलब डेढ़ घंटा हो चुका है कम से कम अभी तक ग्राउंड जो है अब वो खेलने लायक बन चुका है अब देखते हैं अंपायर देख कर क्या बात बोलते हैं सी एस के का प्लेयर का टीम जीतेगा भाई ओके खान भाई कह रहे हैं भा भाई बोलिए खान भाई सर कुछ अपडेट आया यही अपडेट आया है हमारे भाई की आठ पैंतालीस पर पे एक बार अंपायर फिर निकलेंगे और ग्राउंड को चेक करेंगे अगर खेलने लायक ग्राउंड हुआ तो ये मुकाबला हो जाएगा नहीं तो फिर कहेंगे भाई सुखाओ ग्राउंड को सुखाते रहो ग्राउंड को भैया सर मैच होगा कि नहीं सर सर देखिए मैच तो होगा सूरज भाई साढ़े दस तक अगर अब देखिए बारिश तो आ नहीं रही है ग्राउंड ही गीला है ग्राउंड जब सूख जाएगा दोनों अंपायर दोनों प्लेयर से बात हो जाएगा यहाँ पर तो डिसाइड कर लेंगे सुबह से बारिश हो रही है तो पहले ही समझ लेना चाहिए था भाई इनको भाई बिल्कुल सर सही बात है बारिश रुकी है तो सुखाएंगे पानी सुखा रहे हैं <laughs> क्या दुनिया का सारा कितना लाइन लगेगा राज लोधी जी भाई पानी ऐसा है ना ग्राउंड में इकट्ठा हो गया था और पाइप से उस पानी को निकाला गया और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में ग्राउंड में खुद चाहते हैं यार देखिए हर कोई लीग के जो प्लेयर्स होते हैं या फिर जो उसके स्पॉन्सर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मुकाबला हो यार ऐसा फ़ाइनल कोई ऐसा नहीं होना चाहिए तो कोशिश कर रहे हैं भैया जल्दी जल्दी जो है वो आप आप सुखा दिया जाए ग्राउंड को अब अंपायर भी तो चेक करेंगे ना ग्राउंड को भाई ये खेलने लायक है कि नहीं आठ पैंतालीस पे अंपायर सैर पर निकलेंगे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं सुबह भाई आठ पैंतालीस पे अंपायर जो है ग्राउंड की सैर पर निकलेंगे और फिर देखेंगे कि भाई खेलने लायक है कि नहीं क्योंकि देखिए यार गीले ग्राउंड में जो टीम पहले फील्डिंग करेगी उसके लिए इंजरी कंसर्न हो सकती है आपको पता है यार ग्राउंड में प्लेयर दौड़ेंगे भागेंगे पानी चक्कर में स्लिप हो जाएंगे किसी को चोट लग गई तो ये मैच जो है होना होगा और दूसरी टीम के ग्यारह में से चार खिलाड़ी तो इंजर्ड हो जाएंगे तो वो लफड़ा रहता है इस वजह से जो है अंपायर पूरी तरीके से संतुष्टि करते हैं यहाँ पर और संतुष्टि करने के बाद फिर जो है डिसाइड करते हैं कि भाई ये मुकाबला कितने बजे और कब शुरू करना है इसको तो लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में जैसे ही कुछ ऑफिशियल न्यूज़ और आती है तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ यहाँ पर और तब तक आप सब लोग जो है ए पे के साथ जुड़ जाइए ए पे एक ग्लोबल आईडी नेटवर्क है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव चैनल ने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए पे के साथ तो यहाँ पर हाईलाइट चल रही है लखनऊ सुपर जॉइंट्स और यहाँ पर जो है आर का अभी अभी जो है दीपक हुड्डा आउट हो गए हैं यहाँ पर मार्का स्टोनिस बल्लेबाजी करने आए हैं आते ही छक्का लगा दिया भाई एक रन तीन विकेट नुकसान पर लखनऊ का स्कोर है यहाँ से लखनऊ चेज कर रही है यहाँ पर रन रेट जो है वो तेरह दशमलव आठ चार की हो चुकी है लखनऊ की बल्लेबाजी जो है वो स्ट्रॉन्ग थी मगर यहाँ पर ख़राब बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया है मेरा नाम ले लो भाई अभी योगेश काले भाई आपका नाम ले लिया है और मिस्टर मैडी भाई बता दिया टैडी भाई बता दिया कि आठ पैंतालीस पे अंपायर जो है राउंड पे निकलेंगे भाई स्पॉन्सर्ड वालों को ही खिला दो भाई पता नहीं भाई सबर करो भाई सबर करो अभी क्रिकेट लाइव हिंदी पे कमेंट्री सुनने जितना मैच शुरू होने के इंतजार है नहीं है तो उतना कमेंट्री सुनने में और आपका कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आया भाई थैंक यू प्रदीप भाई देखिए हम तो हर काम को बताइए हम शुरू से ही कमेंट्री के साथ मैसेज जोड़ते हैं सभी लोगों के हमें हमें दे रहता है थंबनेल टाइम चेंज कर दो भाई निहान राहुल भाई मैच तो सवा सवा साल बजे शुरू होना था अब बारिश हो गई तो थंबनेल का टाइम मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ भाई बीच में अब भाई अच्छा मैच होने का चाहिए जैसा भी पिछले मैच हुआ है खान भाई देखिए हम भी उम्मीद करते हैं कि देखिए एक अच्छे मैच की कॉमेंट्री करने में मज़ा आता है आखिरी ओवर में अगर जैसे साठ रन चाहिए हो आखिरी ओवर में पंद्रह रन चाहिए हो गेंदबाज कर रहा हो गेंदबाजी अभी तक हमें पता नहीं लगा पता नहीं लगे कि कौन सी टीम यहाँ पर मुकाल जीत रही है ऐसे मैच में कॉमेंट्री करने में हम देखिए हम एफर्ट भी पूरा लगाते हैं और प्लस और देखने लोगों को देखने में मज़ा आता है मुझे लगता है आरसीबी जीतेगी भाई नहीं हर हाँ, सी जीतेगी भाई बिल्कुल आरसीबी सी बी मैच की कमेंट्री मैंने करी हुई है और यहाँ पे मैंने आरसीबी दी थी जीतने के लिए अभी आउट कर दिया अशर्द पटेल गेंदबाजी करने आए थे आउट कर दिया पूरे ग्राउंड में नाच गए हैं भाई पूरे ग्राउंड में ही नाच दिए पिल्डर ने और गुरु मैच होगा कि नहीं गुरु जी मैच तो होगा असद असद अली भाई मैच तो होगा अब कितने ओवर का होगा वो देखने वाली बात होगी मिनिमम जो है पाँच पाँच ओवर का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है सर मैच क्या क्या रहे चालू, चालू आ, मैच किया रे चालू दीज फर्स्ट केटन पटेल भाई देखिए अभी आठ पैंतालीस होने वाले हैं एक बार अंपायर को ग्राउंड में जाने दीजिए उनको देखने दीजिए ग्राउंड को भाई कि ग्राउंड सूख गया है कि नहीं मैच खेलने लायक ग्राउंड बना है कि नहीं अगर ग्राउंड नहीं बना है तो ये मैच और लंबा खींचेगा और सब, सबर करना पड़ेगा क्योंकि सबर करो रुको ज़रा सबर करो अभी रुक जाओ मैच शुरू हो जाएगा आप घबराइए नहीं आपने सबसे पहले घबराना नहीं है तब तक आप सब लोग खाना वाना खा लीजिएगा तब तक क्या पता उसके बाद जो है मैच शुरू हो जाए अर्पित भाई कह रहे हैं मैच हो गया नहीं मैच तो होगा भाई देखिए फाइनल मैच है या पाँच पाँच ओवर का मैच हो मैच पाँच पाँच ओवर का हो पाँच पाँच ओवर का भी मैच देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पर देखते हैं अभी कब तक शुरू होता है यार देखिए हम भी फर्स्ट्रेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं यार कितना टाइम हो चुका है बारिश बंद हुए कम से कम डेढ़ घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और अभी तक ग्राउंड को सुखाया जा रहा है अभी भी कोई शोर न्यूज़ नहीं है कितने बजे मैच शुरू होगा इससे ज़्यादा फर्स्टिंग और क्या होगा क्योंकि हमें भी बताया यार हमारे अभी हमें और ज़्यादा तीन घंटे एफर्ट लगाने हैं तो हम तो एक घंटा और एफर्ट लगा चुके हैं यहाँ पर और अभी भी मैच शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर देखिए उम्मीद करते हैं यहाँ से कब तक ये मैच शुरू होता है आठ पैंतालीस पे अंपायर ग्राउंड के अंदर जाके ग्राउंड की जांच करेंगे भाई ग्राउंड खेलने लायक है कि नहीं यहाँ पर यही एक ऑफिशियल न्यूज अभी तक आई है टीएनपीएल की तरफ से इनको बोलो तब तक ये दिखा दे भाई नहीं दिखाएंगे भाई नहीं दिखाएंगे शुभ भाई ये दिखाएंगे पूनम जी कह रहे हैं पूनम क्या है पूनम लवंशी राम 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 पूनम लवंशी जी थैंक यू राठौड़ एक्सपर्ट भाई कह रहे हैं भाई बारिश पड़ी है क्या तो बॉल फंसेगी और क्या स्पिन होगी हेल्प होगी भाई राठौड़ भाई देखिए आप आप ग्राउंड की पिच पर समझ रहे हैं आप ग्राउंड के अंदर बाहर भी समझिए जब आप शॉट्स खेलते हैं जब आप शॉट खेलेंगे राठौड़ भाई गेंद बाहर जाएगा ग्राउंड के बाहर जाएगा और ग्राउंड का बाहर का एरिया सुखाया नहीं गया वो गेंद गीली करेगा और यहां पर स्पिन देखने को शायद अगर पूरी तरीके से पिच पिच सूख जाएगी तो स्पिन होगी अगर पिच में थोड़ी सी नमी होगी तो गेंद स्किट करेगा स्पिन स्पिन ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं तेज गेंदबाजों को मदद ज्यादा मिल सकती है इस पिच पर अभी दोनों में पता चल जाएगा भाई बिल्कुल सही बात है मोहम्मद भाई करें तो बीस ओवर का भाई फिक्स होगा भाई बीस ओवर का नहीं होगा आठ उनचास के बाद जो है वो टाइम ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे तो आठ उनचास के बाद अगर मैच शुरू हो रहा है तो शायद हो सकता है कि शायद दो दो या दो दो तीन तीन ओवर जो है वो कट जाए यहाँ पर दोनों टीमों के मैथ अड्डा भाई कह रहे हैं सैयद है, तो सोलह ओवर का मैच होगा सोलह ओवर का मैच भी हो जाए मैथ अड्डा भाई ये भी बढ़िया है फायर फार एंड फ्रेंट असी भाई उनके नीचे लिख रहे हैं कि उन्नीस ओवर का होगा भाई शायद इनमें भगवा भगवा को क्या लगता है भाई किसका हाथ है समझ में नहीं आया भाई आ, यहाँ पर एक सौ सत्तर सौ पचहत्तर सौ सत्तर बोल रहे हैं भाई भाई देखिए बारिश गिरी है हो सकता है आज रन बनेंगे यहाँ पर क्योंकि गेंद गीली गीली गेंद से गेंदबाजी करना मुश्किल होता है यहाँ पर तो यहाँ पर आर जीत चुकी है अब टी की यहाँ पर ऑफिशियली लाइव विजुअल जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं यहाँ पर तो लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते चैनल को भाई मुझे लगता है कि सोलह ओवर का मैच होगा सोलह ओवर का भी ठीक है भाई सोलह ओवर भी ठीक है यू आर अ वेरी नाइस मैन थैंक यू शमिन भाई शायद दस ओवर का मैच होगा भाई दस तो छोड़िए आठ आठ ओवर भी कर लें बढ़िया है यार आठ पैंतालीस हो गए सर सूरज भाई अभी लाइव विजुअल मेरे पास आए नहीं है तो अंपायर अब जैसे निकल जाएंगे यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए अब देखते हैं इंस्पेक्शन करने के बाद क्योंकि पाँच मिनट तो उनको दीजिएगा अंपायर पाँच मिनट कम से कम ग्राउंड में घूम के चेक तो करेंगे पंडित दीपू जी कह रहे हैं टॉस कब होगा भाई देखिए अभी ऑफिशियल न्यूज़ आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगी उसके बाद मैं दे दूँगा जितेंद्र भाई कह रहे हैं आज इंग्लैंड वाले 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 मैच में पचास के पचास के जीता हूँ सेशन में आ, कसम से मजा आ गया भाई बिल्कुल आ जाएगा जितेंद्र शर्मा भाई मुबारक है पचास हज़ार जीते हैं यहाँ पर आ, आज फिर शाहरुख खान मान द मैच होगा शाहरुख खान ने भाई कोई और भी सुतता है एल के के भाई कह रहे हैं मैच का एंड टॉस वायरल वीडियो भाई मैच मेरे को लगता है लाइका जीत सकती है और जैसा आपने लिखा है टॉस भी लाइका जीत सकती है ये मेरा भी प्रडिक्शन यही है जितेंद्र भाई भाई आज पचास जीते हैं तो पचास मैसेज करेंगे मुझे लग रहा है शायद आज हमें लगातार वो वही में कर रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान सर लाइव पोजिशन लाइव पोजिशन भाई अभी कोई लाइव पोजिशन दिखाई नहीं है उन्होंने अभी तक ये बोला था कि भाई आठ पैंतालीस पे अंपायर ग्राउंड में जो है चेक करेंगे हो सकता है ग्राउंड को अब चेक कर रहे हो अंपायर थोड़ी देर में जो है आपको ऑफिशियल न्यूज़ दे देंगे क्या यार जितेंद्र शर्मा झूठ मत बोलो झूठ बोलेगा बोलेगा बोलोगे बोलेगा झूठ बोलेगा भाई बिल्कुल भाई ऐसे ही होता है सर एक एक बॉल का मैच हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम कम से कम पाँच ओवर होने चाहिए एक मैच को पूरा कराने के लिए लाइनत देना भाई फ्री फायर फंडी भाई लाइनअप तो जब ही दूंगा जब पहले टॉस हो जाएगा फिर प्लेयर बताएंगे प्ले कौन कौन से कौन, -कौन खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं भाई अगला इंस, इंस्पेक्शन कब होगा दीपक भाई ये आठ पैंतालीस पे इंस्पेक्शन होने हैं अब देखते हैं कितने देर में ये इंस्पेक्शन खत्म होगा और अम पार कोई अपडेट देते हैं डेट सर एट फोर्टीट भाई देखिए अभी तो देखिए आप सोच रहे हैं अंपायर ग्राउंड में घुसेंगे और अपडेट देंगे तो ऐसा नहीं होता है अंपायर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं और पिच को पास जाते हैं कम से कम पाँच सात मिनट लगते हैं उसमें उसके बाद कोई ऑफिशियली न्यूज़ देते हैं यहाँ पर क्या बैट्समैन को हेल्प मिलेगी बिल्कुल भाई राठौड़ एक्सपर्ट भाई बैट्समैन को हेल्प मिलेगी जब गेंद गीली होती है तो शॉट लगाना आसान हो जाता है आशीष शर्मा कह रहे हैं गेम अटेंडेंट हो जाएगा भाई अभी तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है अटेंडेंट होने की यहाँ पर अदरत अली भाई कह रहे हैं मत मध्य रिप्लाई भाई किसको रिप्लाई दे भाई मैच कॉल्ड हो जाएगा भाई देखिए भाई अपेंडेंट होने का चांसेस अभी लग नहीं रहे क्योंकि अगर बारिश हो रही होती तो मैं तुरंत कह देता कि मैच अपेंडेंट हो जाएगा अध्यक्ष की बात टीम प्लेंग इलेवन क्या है भाई और मनोज भाई अभी टॉस ही नहीं हुआ तो टीम की प्लेइंग इलेवन कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं टॉस ही नहीं हुआ है तो प्लेइंग इलेवन अभी आई नहीं है अगर पाँच ओवर में मैच होता है तो गंगा श्रीधर राजू का कैप्टन बना लो भाई सही बात कह रहे हैं गेम अटेंडेंट आफ्टर मैच वो स्टार्ट ओके कौन टीम विन होगा एस के वेस्ट आ, ट, आ, टाइटन भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइका जीत सकती है आ, कुमार मेहता विभाष कुमार मेहता जी कह रहे हैं कितना कितना ओवर का मैच होगा भाई देखिए आठ उनचास पे जो है वो ओवर कटने थे तो ओवर कटने आप शुरू हो जाएंगे कुछ ही मिनट के बाद से हो सकता है सोलह ओवर का हो जाए को या पंद्रह का हो जाए या अठारह का हो जाए वो डिपेंड करता है अंपायर के ऊपर अंपायर टाइम देखेंगे ऑफिशियल टाइम को मैच करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कितने ओवर हो सकते हैं आई होप बेटर टूडे नॉट डूइंग वेल नाइनटी परसेंट बॉलर बेट मोहनज भाई मेरे सबसे देखता है बैट्समैन के लिए आज आज अच्छा रहेगा क्योंकि पीछे एक टूर की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी लेटेस्ट मैच ऑफ एडेंडेंट भाई लेटेस्ट मैच अपेंडेंट ठीक है भाई सुषमा भाई मिनिमम टाइम पाँच मिनट पहले सेंड कर रहा था भाई लाइनअप मिनिमम टीम पाँच मिनट पहले सेंड करना uh, करना uh, करना भाई भाई भी. भाई पाँच मिनट पहले क्या मेरी टेसी लाइन आप आ जाएगी मैं टॉप को दिखा दूंगा अंपायर भी आज गुस्से में रहेंगे भाई बहुत 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 चल रहा है ऊपर से खड़ा रहेगा भाई बिल्कुल भाई सही बात है अंपायर गुस्से में ही लग रहे हैं यहाँ पर अब देखते हैं अंपायर किस तरीके से यहाँ पर गेम को चलाएंगे ऑफिशियली न्यूज़ यार बहुत लेट आती है टी की ऑफिशियल नेट न्यूज़ जो है वो काफ़ी लेट आती है इस वजह से दिक्कत हो जाती है यार यहाँ पर देखते हैं अभी अब अमेंडेंट होता है या क्या होता है आशीष भाई तो अमेंडेंट के पीछे पड़े हुए हम नहीं जाते भाई अमेंडेंट हो और अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है अंपायर जो है वो राउंड ऑफ जो है राउंड ले रहे हैं भाई राउंड का तो कहीं ना कहीं हम वही बताएंगे कब तक ये मैच शुरू होगा क्योंकि ऑफिशियली न्यूज़ अभी तक कोई भी नहीं आई है यहाँ पर जो है अगली न्यूज़ आठ अट्ठाईस पर यही न्यूज़ थी कि आठ बज के मिनट पर जो है होना है यहाँ पर और अब फिंगर क्रॉस्ड है बोलो जुबा केसरी भाई हम तो नहीं बोलते यार थैंक यू भाई लव यू माई लव माई रिप्लाई थैंक यू फायर फायर फैंटेसी भाई, भाई।, भाई। मैच अपेंडेंट नहीं हुआ क्योंकि फाइनल है भाई बिल्कुल असद अली भाई सही बात समझे हैं टॉस का क्या है भाई वायरल व्यास भाई अभी कुछ टॉस का कोई अपडेट नहीं है कोई भी नहीं है रेन कम आ गए एंड मैच अपने अगर बारिश दोबारा आ जाएगी तो मैच मेंट हो सकता है भाई अभी तो बारिश आई नहीं है ऑफिशियली जब भी देखा है क्राउंड में क्राउड भी काफ़ी भरा हुआ है यार ऐसे एकदम से ही आपके जो है वो एकदम से ही मैच को अपनेट नहीं कर सकते ट्रॉफी विल बी शेयर फॉर री मैच ओके ट्रॉफी शेयर ही कर देंगे भाई री मैच के लिए कल का दिन उन्होंने रिजर्व रखा है कि नहीं इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है मैच स्टार्ट फिफ्ट नौ पंद्रह में स्टार्ट होगा भाई ये बात मैं थड्डा भाई कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात देखते हैं अभी प्रदीप भाई कह रहे हैं अब टी एन पी एल में दिमाग खराब कर दिया भाई क्या टी एन पी एल भाई कर दिया दिमाग खराब कभी कभी ये कीड़े को चक्कर मैच रोक देते हैं कभी किसी चक्कर मैच रोक देते हैं सी का जितना चांस है नाइन्टी परसेंट भाई नाइन्टी परसेंट तो नहीं है भाई फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव कह सकते हैं लाइका भी स्ट्रॉग टीम है यहाँ पर लव यू मेरी जान कह रहे हैं रमेश भाई रमेश भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस यहाँ पर अभी तक तो कोई भी न्यूज़ नहीं दे रहे हैं वेदर नॉट सुटेबल फॉर मैच भाई वेदर तो सूटेबल है आप लाइव विजुअल देख लीजिएगा अभी कुछ देर पहले ही लाइव विजुअल आया था ग्राउंड में सारे लोग बैठे हुए हैं मौसम बिल्कुल खुला हुआ है बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है तो यहाँ से मुकाबला होने के चांसेस ज़्यादा हैं बस ये है कि ओवर जो है कम हो जाएंगे वी हैव स्टार्टेड टू लूज ओवर ऐसा दिखा रहे हैं भाई बिल्कुल भाई आठ उनचास हो चुके हैं मैंने कहा था आठ बज के उनचास मिनट के बाद ओवर कटने शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है कि सोलह या ओवर का या पंद्रह ओवर का हमें मैच देखने को मिल uh, प्रति जाए प्रदीप भाई कह रहे हैं जय हिंद जय भारत भाई जय हिंद जय भारत भाई पाँच ओवर कर लो भाई शुभम भाई देखिए पाँच ओवर का जब ही होगा जब अगर लास्ट के एक घंटे बचे हों तो पाँच ओवर कर सकते हैं भाई कितने ओवर का मैच हो सकता है अप्रॉक्स भाई पाँच ओवर तो मिनिमम है कि पाँच ओवर तो मिनिमम होने चाहिए मैच को पूरा करने के लिए पाँच पाँच ओवर का भी हो सकता है ये मुकाबला बाकी डिपेंड करता है देखो अभी क्या कहते हैं अंपायर्स क्या कहते हैं वो देखने वाली बात होगी क्योंकि लाइव विजुअल अभी भी हमें शो नहीं हो रहे हैं अब देखते हैं कब तक ये लाइव विजुअल जो है हमारे पास आते हुए नज़र आएंगे बारह ओवर इज़ गुड भाई एमबिशियस भाई दस ओवर का मैच हो जाए ये भी अच्छा है हर वो गेंदबाज को दो दो ओवर मिल जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए अब देखते हैं ऑफिशियली न्यूज़ के साथ नौ मिनट में टॉस होगा भाई बिल्कुल भाई चलिए भाई, तो भाई कह रहे हैं नौ शॉट हो जाए तो बढ़िया ये सुधाई युवराज भाई कह रहे हैं एल के वन करेगा भाई वू विल विन मनोज भाई मैं तो लाइका को सपोर्ट कर रहा हूँ मैच तो होगा ना ब्रो बिल्कुल भाई अनिल पटेल भाई मैच तो होगा फाइनल फाइनल फेयर भाई होना चाहिए भाई बीस बीस ओवर का यार बीस ओवर का मैच अब देखो कब तक करते हैं भाई मुझे पैसे की जरूरत है प्लीज़ हेल्प कर दो कृष्ण भाई शिशन शंघाई भाई मेरे को भी पैसे की जरूरत है यार आप हेल्प कर दो फाइनल फेयर भाई तेरह पंद्रह और कंप्लीट होगा भाई तेरह पंद्रह ओवर भी हो यार मैच तो हो क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ जो आप सोच रहे ना ये अभी आज वुमेन का मैच पे फटाफट फटाफट अपडेट आ रही थी टी में अपडेट ही किस्तों में देते हैं आप क्या करेंगे आप अभी सिर्फ हाँ चलिए चलिए सिंस वी आर वेल बिल्कुल भाई ओवर तो लूज करेंगे यहाँ से अब सी एस जी मैच ओके भाई उमेश आ, उमेश शंक, उमा शंकर अच्छा उमा शंकर कुमार जी कह रहे हैं फाइनल 20 बीस ओवर तक भाई मिनिमम मिनिमम जो है पाँच ओवर तक का ये मुकाबला हो सकता है हम <coughs> चाहेंगे गला थोड़ा फंस रहा है यार थोड़ा पानी पी लेते हैं आ, राय राजा रन भाई कहने टॉस कब होगा भाई टॉस का तो जब पता लगेगा ना जब पहले कोई न्यूज़ आएगी और रॉक फैमिली कह रहे भाई हु विल विन द मैच और स्कॉटलैंड वर्ष न्यूजीलैंड भाई न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड जीत जाएगी चेज़ कर लेगी उसको भाई टी इनपे वालों को कोई भी बोल दो कि अपडेट को तो अपडेट तो उधार दो दो भाई बिल्कुल भाई अपडेट तो देते नहीं हैं चलिए गुड न्यूज़ आ गई है गुड न्यूज आ गई है अंपायर ने अपना फैसला दे दिया है यहाँ पर नौ बज के पंद्रह मिनट पर मुकाबला शुरू होगा सत्रह सत्रह ओवर का ये मैच होगा नौ बज के पंद्रह मिनट पे यह मुकाबला शुरू होगा सत्रह सत्रह ओवर का यह मुकाबला होगा तो सारी अपडेट आ चुकी है कि नौ बज के पंद्रह मिनट पे मैच स्टार्ट होगा और सत्रह ओवर का मुकाबला तो हो सकता है कि शायद नौ बजे तक हमें टॉस देखने को मिल जाए यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है गुड न्यूज द फ्रॉम द सेंटर वी स्टार्ट बाई नाइन फिफ्टीन प्रोवाइडेड नो मोर रेन इट विल बी सेवनटीन ओवर गेम सत्रह ओवर का यह गेम होगा यहाँ पर और कहीं ना कहीं आ, सवा नौ बजे यह मुकाबला शुरू होगा आ, यहाँ पर आशीष शर्मा जी अब से लगे रहे तो यहाँ पर सत्रह ओवर का यह मुकाबला होगा और सवा नौ बजे ये शुरू होगा तो चलो सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा अभी टॉस बस हो सकता है कुछ ही देर में शायद हो सकता है नौ बजे तक या नौ बज के पाँच मिनट पे जो है हमें टॉस देखने को मिल जाए आप सब लोग जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ आ चुकी है कि ये मुकाबला जो है वो सत्रह ओवर का होगा और भारतीय समय अनुसार सवा नौ बजे ये मुकाबला शुरू होगा तो आपसे ठीक बीस मिनट बाद यहाँ पर आपको ये मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर कोयम्बटूर के स्टेडियम में आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला बस कुछ ही देर बाद कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं आज किस तरीके से ये मुकाबला होता है यहाँ पर क्योंकि मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त होगा टी का ये मुकाबला है यार और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर बस अब जो है कुछ ही देर में मतलब कुछ ही देर में कह रहा हूं 20 मिनट के अंदर यह मुकाबला खेलने जाएगा 17 ओवर का यह मुकाबला होगा टॉस अभी थोड़ी देर में हो जाएगा यहां पर ब्रो हु इज तमिल ब्रो भाई हम तो नहीं है आ, ब्रो भाई न्यूजीलैंड वाले मैच में हार हा रहे हैं अरे रॉक फैमिली भाई कैसे हार रहे हैं क्या हो गया आपको क्यों हार रहे हैं यार तो यहां पर ऑफिशियल न्यूज दे दी है भाई टी एन पी उन्होंने अच्छी बात है टॉस भाई अभी जब हो सकता है दस पांच मिनट में जो है वो टॉस भी हो जाएगा यहां पर और चौरासी रन क्रिकेट चौरासी रन तो बन गए न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड कहाँ हार रही है यार चेज कर लेंगे कैप्टिल खड़े हुए चेज़ कर लेंगे तो टॉस यहाँ पर कुछ ही देर में होने वाला है अभी टॉस की अपडेट भी मैं आपको दे देता हूँ बस अगर पाँच से सात मिनट बाद टॉस भी होगा मैच तो देखिए शुरू हो जाएगा यहाँ पर आ, सवा सवा नौ बजे सवा नौ बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में ऑफिशियली न्यूज़ आ चुकी है यहाँ पर टॉस की न्यूज अभी तक नहीं दी है टॉस हो सकता है पांच सात मिनट में हो जाए यहां पर क्या लगता है आप सबको पांच सात मिनट में यहां पर टॉस देखने को मिलेगा या फिर मुकाबला ही देखेंगे सीधा हम हाँ यहां पर जो है आज साउथ अफ्रीका जीते गया इंग्लैंड भाई इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे भाई उम्मीद कर रहे हैं आज इंग्लैंड जीत जाए आ, थैंक्स भाई हु विल विन भाई लायका को जिताएंगे भाई अब टॉस पे डिपेंड करता है टॉस लायका को जीतना चाहिए भाई आ, मेरा हजार रुपये लॉस हो गया जाएगा अगर न्यूजीलैंड नहीं जीती तो जीत जाएगी रॉक फैमिली भाई टेंशन मत लीजिए यार जीत जाएगी आपको तो आप सबको लोगों को कहता हूं भाई पे के साथ खेलिए अगर आपकी टीम नीचे लग गई है और चेंज हो गए हैं तब भी आप बुक बनाकर जो है जीत सकते हैं एवीआरपे ग्लोबल आईडी नेटवर्क है मिनिमम बैट सिर्फ दस रुपए की है एवीआरपे पे मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव शर्ट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए ज्वाइन करिए ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए यहां पर ढेरों इनाम यहां पर फास्ट विद्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है ट्वेंटी फोर सेवन लाइव शर्ट सपोर्ट है अच्छी बात मुझे इसकी की गलती है कि यहां पर मिनिमम बैट दस है और इन्होंने डिपॉजिट जो सौ रुपये की है तो ए पे पे आप दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव स्ट्रीम मैंने पिन कर दिया है लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर, कर लीजिए भाई मैच या मैच होगा या नहीं आज डी एस राजपूत भाई मैच सवा नौ बजे शुरू होगा सवा नौ बजे ये मुकाबला शुरू होगा और यहाँ पर सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला होगा जो लोग जुड़े हैं यहाँ हमारे से जुड़ जाइएगा यहां पर बता दूँ कि भाई मैच जो है सवा नौ बजे शुरू होगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ सवा नौ बजे ये मुकाबला शुरू होगा यहां से अब से कुछ सत्रह मिनट बाद ये मुकाबला शुरू होगा सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला होगा अभी मजा आएगा ना बिडू भाई प्रदीप भाई बिल्कुल आएगा मोहम्मद शहनी भाई शमी भाई जुड़ गए हैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश थैंक यू आई मिश्रा भाई रोहन भाई हेलो कैसे हैं पे, पे, पे बोनस यूज होता है क्या भाई आर जी लोधी भाई डेली कॉन्टेस्ट में आप पचास हज़ार जीत जाएंगे बोनस भी मिलेगा आपको दो परसेंट ट्रांजेक्शन बोनस है इस पर अब तो शायद बढ़ के शायद बीस परसेंट भी हो गया है वो मैं पूछ लूँगा बाकी बोनस काफ़ी अच्छे मिलते हैं ए वी आर पे पे टॉस कब होगा भाई टॉस भाई हो सकता है अभी से बस नौ पाँच पे हो जाए टॉस क्योंकि अभी टॉस की अपडेट जो है अम्पायर ने दी नहीं है बस ये बता दिया कि भाई मैच शुरू कर देंगे सवा नौ बजे सवा नौ बजे ये मुकाबला शुरू होगा तो चलो सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा तो यहाँ पर पावर प्ले जो है वो पाँच ओवर का होगा ध्यान रखिएगा पावर प्ले जो है वो पाँच ओवर का होगा दो गेंदबाज जो है वो चार ओवर कर सकेंगे और तीन गेंदबाज जो हैं वो तीन तीन ओवर करेंगे यहाँ पर बता दिया मैंने आपको यहाँ पर दो दो गेंदबाज दो गेंदबाज चार चार ओवर करेंगे और तीन गेंदबाज जो है वो तीन तीन ओवर कर सकेंगे ये लिमिट है यहाँ पर चार ओवर सिर्फ धीरे सिर्फ दो ही गेंदबाज कर पाएंगे सत्रह ओवर का ये मुकाबला होगा यहाँ पर पाँच ओवर का ये पावर प्ले होगा और यहाँ पर टॉस बस अभी कुछ ही देर में जो है शुरू होने वाला है दिवांकर भाई लाइक डाइस कर दिया भाई अरफा भाई थैंक यू भाई एक सौ पचासी लाइक हो चुके हैं पंद्रह भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पर हो जाएगा दो सौ लाइक्स का मैच सवा नौ बजे शुरू होगा हाई यूट्यूबर यू आर आर सपोर्टिंग फॉर युर, सुधा सुधा युवराज जी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लाइक अ खोवाई किंग को भाई फाइनल है टाइम है नौ बज के समय होगा भाई बिल्कुल भाई मोहम्मद अहमद भाई बता दिया मैंने लोगों को पंद्रह सत्रह ओवर का ये मैच होगा दो गेंदबाज चार चार ओवर कर सकते हैं और तीन गेंदबाज जो है वो तीन तीन ओवर करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर जो है सत्रह ओवर की गेम होगी अब टॉस का देखना होगा कितनी देर में हमें जो है टॉस के विजुअल देखने को मिलेंगे अब टॉस के विजुअल जो है वो देखने पड़ेंगे यार टॉस भी बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है यहाँ पर अब देखते हैं टॉस कितनी देर में यहाँ पर शुरू होता है और मेरे हिसाब से लायका को टॉस जीतना चाहिए अगर जीतना है अगर मैच जीतना है किसी टीम को तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आज लाइका पर साढ़े सात तो लगा दिया फोर पॉइंट सिक्स का रेट है भाई री भाई कहाँ पर चला रहे हैं भाई आप कहाँ से हो और राठौड़ भाई एक्सपर्ट भाई मैं दिल्ली से हूँ मेरा नाम दिवाकर मिश्र है आपके लिए कमेंट्री लेके आया हूँ क्रिकेट लाइव हिंदी पर लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला बस कुछ ही देर में अब शुरू होने वाला है यहाँ पर टॉस तो बस अभी कुछ ही देर में होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग टॉस एल के जीतेगी इंग्लैंड से कौन होगा भाई डी एस राजपूत भाई मैं तो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई और मेरी कोई सौ परसेंट पटिशन नहीं मुझे इंग्लैंड पसंद है भाई यहाँ पर असर आपकी तरह हम भी बनना चाहते हूँ बन जाइए सचिन यादव जी कोई दिक्कत नहीं कंप्यूटर ले लीजिए और इंटरनेट लगवा लीजिए माइक ले लीजिए और शुरू हो जाइए लाइव विजुअल दिखा रहे हैं क्या भाई लाइव विजुअल अभी नहीं दिखा रहे शुभ भाई कोई लाइव विजुअल नहीं आ रहा है स्टार स्पोर्ट्स पर भी नहीं आ रहा है अब बस ये बता दिया कि भाई मैच शुरू हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा भाई आप कमेंट्री बहुत अच्छा करते हो थैंक यू जावेद खान भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और ये मुकाबला जो है बस अब धीरे धीरे लगा लीजिएगा कि बस अब टॉस की वेट कर रहा हूँ कि टॉस हो जाए और प्लेइंग ग्राउंड दिखा दें यहाँ पर क्योंकि तो प्लेइंग ग्राउंड अभी तक देखी नहीं है हमने अब टॉस कितनी देर में होगा वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर आप सब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इंग्लैंड पसंद है भाई, भाई बिल्कुल मुझे इंग्लैंड पसंद है डीएस राजपूत भाई और यहाँ पर अभी टी एन पी एल मुझे लाइका पसंद है वही कमेंट रोन भाई करें थैंक यू कैसे इनका काम है भाई सही है भाई सर कौन विन होगा भाई लाइका को सपोर्ट कर रहे हैं भाई लाइका को दिखाएंगे लाइकों को जिताएंगे यार क्या चल रहा है क्या नहीं शुभ एनर्जी भाई लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं भाई देखिए है, आपको अगर मैं कमेंट करने दे रहा हूँ मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सोचते हैं लोग यार कि ऐसे लिखूंगा मैसेज बड़ा अच्छा लगूंगा मैं कूल लगूंगा यहाँ पर यहाँ पर आ, यू आर क्या लिख रहे हैं भाई यू आर भाई क्या लिख रहे हैं फ्रॉम आंगलिस यूर कॉमेंट्री इज़ वेरी गुड ब्रो थैंक यू ब्रो थैंक यू थैंक यू टीन प्ले वाले अभी मुकाबला वाला डांस कर रहे होंगे आपने शादी कर लिया अंकित शर्मा जी नहीं बिल्कुल नहीं करी सर कौन जीतेगा भाई फर्स्ट या बॉल फर्स्ट भाई पहले टॉस हो जाने दीजिए टॉस तो हो जाने दीजिए एक बार फिर देखते हैं क्या होगा भाई टॉस कितना टाइम लगेगा भाई देखिए टॉस के लिए अब कुछ नहीं पता टॉस हो सकता है नौ पाँच में टॉस होगा सवा नौ बजे गेम शुरू हो जाए मैच होगा कि नहीं भाई मैच होगा बिल्कुल होगा करना और भाई टाइम आ चुका है टी का मैच जो है वो सवा नौ बजे शुरू होगा जो लोग नए जुड़े हैं उनको फिर बता दूं मैच यहां पर सवा नौ बजे खेला जाएगा टॉस का इंतज़ार कर रहे हैं हो सकता है टॉस जो है पाँच सात मिनट के अंदर यहां पर टॉस भी हमें देखने को मिल जाएगा चलिए यहां पर जो है एक न्यूज़ आ गई है न्यूज़ आ गई है शायद यहां पर टॉस का भी कुछ हो गया है क्या टॉस हो चुका है देखने वाली बात होगी यहां पर क्योंकि टॉस का भी अपडेट आने वाला है मेरे पास लाइक जरूर करिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को इन्जॉय करिए इस मुकाबले में तो शायद टॉस हो गया क्या भैया कर दिया क्या टॉस लग तो ऐसे ही रही टॉस हो गया है शायद टॉस हो चुका है देखते हैं भाई टॉस हुआ है कि नहीं यहाँ पर आप सब लोग जुड़ रही है टॉस कब कहूँगा भाई टॉस हो गया है शायद भाई टॉस हो गया क्योंकि स्कोर कार्ड बना आ गया है मेरे पास और मुझे लग रहा है टॉस हो गया है चलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब टॉस जो है यहाँ पर जीत लिया है लाइका कोवई किंग ने शायद लाइका कोवाई किंग जो है वो टॉस नहीं जीता है चेपॉक सुपर गिलीज ने और टॉस जीत लिया है पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है चेपॉक सुपर गिलीज ने टॉस जीत लिया है पहले यहां पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया तो लाइका कर रही है बल्लेबाजी यहां से अब 9 बज के 15 मिनट पे नौ बज के पंद्रह मिनट पर यह मुकाबला होना है सत्रह सत्रह ओवर का मुकाबला होना है चेपॉक सुपर गिलीज ने टॉस जीता पहले यहाँ पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है लाइका कोवे किंग शाहरुख खान की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है देखते हैं हम यहाँ से किस तरीके से अब बल्लेबाजी चलती है आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर चेपॉक सुपर गिलीज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है इस तो फाइनल मुकाबले में यहां पर प्रदीप कह रहे भाई टीम बता दो फटाक से अरे भाई जी में कुछ फटाक से होता नहीं है यहां पर अभी टीम की न्यूज नहीं आई है टॉस की तो गिरते पड़ते दी है टॉस हो चुका है भाई बिल्कुल राहुल टॉस हो चुका है चेपॉक सुपर गिलीज ने टॉस जीत लिया है चेपॉक ने जीता है टॉस लाइका कर रही है बल्लेबाजी और यहाँ पर लाइका को एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा इस पिच पे अगर मैच को जीतना है तो सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है लाइव में बस स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव देख सकते हैं आप तो यहाँ से बस अब सत्रह ओवर का ये मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को लगी भाई मुझे भी बता दीजिए प्लीज़ सर क्या मैं टी वी पर टी एन देख सकता हूँ हाँ हमारे जी टी भाई बिल्कुल देख सकते हैं आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख लीजिएगा स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव मैच आ रहा है ये तो यहाँ पर अब टॉस हो चुका है चलते हैं ज़रा अब प्लेइंग इलाउंड की तरफ प्लेइंग इलाउंड अभी तक आई नहीं है और उम्मीद करेंगे बस प्लेइंग इलेवन आ जाए यहाँ पर थोड़ी देर में जो है प्लेइंग इलावन आ जाएगी स्क्रीन ब्लैक हो गई है क्योंकि मैंने अभी स्विच किया है इस स्क्रीन को और टॉस का अपडेट मैंने आपको दे दिया है एक बार रिफ्रेश करेंगे उसके बाद बताएंगे कि प्लेइंग इलेवन जो है किस तरीके से रहेगी दोनों टीमों की यहाँ पर देख लीजिएगा अभी तो प्लेइंग इलावन जो है आई नहीं है इसलिए मैं आपको प्लेइंग इलाउंड दिखा नहीं पा रहा हूँ छहपॉक्स सुपर गिलीज ने टॉस जीत लिया है सवा नौ बजे भारतीय समय अनुसार सवा नौ बजे ये मुकाबला शुरू होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पर वी कैन वेट टिल एंड भाई सुधार बिल्कुल जी थैंक यू आप वेट करिएगा और यहाँ पर और प्राकेश भाई कह रहे हैं कौन विन होगा ग्रह भाई मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पर कि अब लायका ही जीतेगी इस मुकाबले को देखते हैं लाइका जीतती है या फिर अब चेपॉक मगर लाइका का देखिए अच्छी बात यह कि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं गेंदबाजी लाइका की उतनी स्ट्रांग नहीं है मगर अगर बल्लेबाजी अच्छी हो गई अगर बड़ा स्कोर बना दिया लाइका ने तो वो बेटर रहेगा अब देखते हैं क्या बड़ा स्कोर बना पाएंगे यहाँ पर लाइक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब कर, कर दिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को नौ बज के छः मिनट हो चुके हैं अब से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट बाद जो है यहाँ से मुकाबला शुरू होगा चलिए प्लेइंग इलेवन भी आ चुकी है दोनों टीमों की और प्लेइंग भी दिखा दें आपको जरा क्योंकि अब से सिर्फ और सिर्फ आठ मिनट बाद ये मुकाबला शुरू होगा तो प्लेइंग इलेवन आ चुकी है दोनों टीमों की सबसे पहले बल्लेबाजी कर रही है लाइका की टीम तो लाइका की बल्लेबाजी देख लेते हैं पहले यहां पर लाइका कर रही है बल्लेबाजी और अब लाइका की जो है देख ले जरा यहाँ पे बल्लेबाजी किस तरीके से यहाँ पर करते हैं लाइका की टीम तो यहाँ पर आपके सबके सामने जो है वो लाइक की टीम है लाइका की टीम देख लीजिएगा यहाँ पर शाहरुख खान शाहरुख खान इस टीम के कप्तान हैं ये इस टीम के अंदर हैं अभिषेक तंवर हैं अजीत राम हैं गंगा श्रीधर राजू हैं यहाँ पर मनीष रवि इस टीम के अंदर हैं यू मुखलेश इस टीम के अंदर है बी साई सुदर्शन इस टीम के अंदर है शि सजीत चंद्रा इस टीम के अंदर है जे सुरेश कुमार इस टीम के अंदर है और बालू सूर्या इस टीम के अंदर है और आखिर आखिरी में है यहाँ पर जो है वी uh, uh, युधि ये ये भाई बड़ा जबरदस्त नाम है इनका तो uh, युधीश्वरन युधीश्वरन जो है इस टीम के अंदर युधीश्वरन को आज का मुकाबला खिलाया गया है गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं और यहाँ पर आज ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि आर दिवाकर इस टीम में नहीं है तो आज लायका की टीम से जो है आर दिवाकर खेल नहीं रहे हैं इस टीम में उनकी जगह युधिश्रन जो है युधिश्रन जो है वो खेल रहे हैं तो आर दिवाकर लायका की टीम में नहीं है आज तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लायका की टीम में आर दिवाकर नहीं है सवा सात बजे ये मुकाबला शुरू आ करिए सवा नौ बजे ये मुकाबला शुरू होगा सत्रह सत्रह ओवर का ये मैच है तो यहाँ पर आपके सामने लाइका की प्लेइंग एलेवन है चलते हैं ज़रा अब यहाँ पर चेपॉक की टीम की तरफ चेपॉक में कौशिक गांधी हैं यहाँ पर और रामादस एलेक्जेंडर हैं हरीश कुमार हैं नारायण जगदीशन है कोई कह रहा नारायण जगदीशन नहीं खेलेंगे देखिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं नारायण जगदीशन यहाँ पर और साथ में हैं यहाँ पर युति स्वामी शशिदेव इस टीम के अंदर हैं यहाँ पर राधा कृष्णन राजगोपाल सतीश इस टीम के अंदर हैं यहाँ पर साई किशोर हैं और सोनू यादव हैं यहाँ पर टीम में और कहीं ना कहीं यहाँ पर साई किशोर अच्छी गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाजी कर लेते हैं संदीप वॉरियर्स टीम के अंदर हैं यहाँ पर शशिदेव हैं यहाँ पर राधा कृष्णन है इस टीम के अंदर और राजगोपाल सतीश है मणिकंदन सिद्धार्थ है मनी मनी मनन सिद्धार्थ है इस टीम के अंदर और राम सिंह सोनू यादव इस टीम के अंदर है तो ये चपाक की पूरी प्लेइंग एवन है आपके स्क्रीन के सामने है आप देख लीजिएगा यहाँ पर और बताइएगा और देखते हैं क्या होगा हमेशा सी चैंपियन जी चैम्पियन बनती है इस ईयर में क्या न्यू चैंपियन मिलेगा भाई बिल्कुल न्यू चैंपियन मिलेगा भाई बिल्कुल न्यू चैंपियन मिलेगा यहाँ पर टी में आपको मुकाबला शुरू हो रहा है बस सवा सवा, सवा नौ बजे यहाँ पर खेला जाएगा ये मुकाबला छः मिनट बचे हैं मुकाबला शुरू होने में यहाँ पर आज जो है स्ट्राई अब यहाँ पर जो है बल्ले बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर लाइक की टीम गेंदबाज गेंदबाजी और बॉलिंग जो है वो कर रही है यहाँ पर जो है बॉलिंग कर रही है यहाँ पर जो है आपकी चैपाक की टीम तो प्लेइंग ग्राउंड आपके सामने चैपॉक की है चैपाक की प्लेइंग ग्राउंड देख लीजिएगा इस्क्रीन भी ले सकते हैं आप सब लोग भाई सी एच जी जीतेगा भाई देखते हैं भाई सी एच जी जीतता है कि नहीं यहाँ पर चलते हैं जरा आप लाइका की टीम की तरफ लाइका की टीम भी आप देख लीजिए जो लोग नए जुड़े हैं टॉस हो चुका है और टॉस जो है वो हार चुकी है लाइका की टीम लाइक ज़रूर करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को इन्जॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला चल रहा है चेपॉक्स सुपर गिलीज वीजन लैक होगा किंग का टी एन पी एल दो हज़ार बाईस का ये आ, फाइनल मुकाबला है देखते हैं यहाँ से फाइनल जो है वो कौन जीतेगा फाइनल देखते हैं कौन जीतेगा कितने ओवर का मैच है भाई सत्रह ओवर का ये मुकाबला होगा सत्रह ओवर का ये मुकाबला चल रहा है सत्रह ओवर में आप देखते हैं कितने रन जोड़ पाएंगे यहाँ पर लाइका की टीम लाइका तो कोशिश यही करेगी कि कम से कम एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी रन तक जाया जाए दबाव बनाया जाए है यहाँ पर चैपॉक्स सुपर गिल्स के बल्लेबाजों के ऊपर देखते हैं अभी क्या होगा और तमिलनाडु प्रीमियर लीग का न्यूज़ आ चुका है यहाँ पर आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो मुकाबले काफ़ी चल रहे हैं और लायका यहाँ पर जो है अच्छी टीम है क्या लायका आज मुकाबले को जीत पाएगी आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए इस मुकाबले में अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से मुकाबला चलता है तो अब यहाँ पर आपको दोनों टीमें दिखा दी हैं चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे और आपको ज़रा अपनी मेन स्क्रीन पे लेके चलते हैं दोनों टीमें आपको दिखा दी गई हैं यहाँ पर बता दी गई हैं सवा नौ बजे मुकाबला शुरू होगा तो अब से चार मिनट बाद ये मुकाबला शुरू हो रहा है हाउ मच हाउ मैनी ओवर्स भाई सत्रह ओवर का मैच है सेवनटीन ओवर्स का मैच है मेरी टीम लाइक किंग होगी और यहाँ पर दो गेंदबाज जो हैं वो चार चार ओवर कर सकते हैं और बाकी तीन गेंदबाज जो हैं वो तीन तीन ओवर करेंगे तो लेते हैं हम यहाँ पर चलते हैं सर आप यहाँ पर जो है मेन स्क्रीन पे मेन स्क्रीन पे चलते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम कॉमेंट्री करते नजर आएंगे आप सबके सामने बस अब कुछ ही देर में जो है प्लेयर अंदर आ जाएंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर जो है अब बस कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर रहे थे सबको बता दिया है टॉस बता दिया है कितने ओवर का है भाई सत्रह ओवर सत्रह सेवेंटीन ओवर्स का गेम होगा तो चलिए प्लेयर अंदर आ रहे हैं हम यहाँ पर मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है आ, प्लेयर अंदर आ चुके हैं चेपॉक सुपर गिलीज चेपॉक सुपर गिलीज़ को अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा तभी जो है इस मुकाबले को जो है जीत पाएंगे देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पर फाइनल मुकाबला है और फाइनल में जो है अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ तो पर करना होगा तो यहाँ पर अब आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए गंगा श्रीधर राजू और जे सुरेश कुमार यहाँ से अब देखते हैं किस तरीके से ये परफॉर्मेंस रहेगा भाई शशन या इस भाई पाँच ओवर का पावर प्ले है पाँच ओवर में देखो कितने बनते हैं भाई पाँच ओवर में तीस गेंदे हैं हमें सबसे चालीस रन तो बनने चाहिए यहाँ पर चालीस रन तो पैंतीस से पैंतीस रन चाहिए भाई मैं बांग्लादेश से जुड़ रहा हूँ ढाका से लाइका को सपोर्ट कर रहा हूँ आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं भाई मैं अभी कमेंट देख ही नहीं रहता इसलिए माफ़ी चाहूँगा ओपनर कौन है भाई ओपनर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं भाई गंगा श्रीधर राजू और जय सुरेश कुमार जो हैं वो अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से मुकाबला चलता है आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को देखते हैं मुकाबला कब तक ये अब शुरू कब अब तक क्या है भाई अब तो सिर्फ टाइम बचे हुए एक मिनट बचा हुआ है और एक मिनट में जो है ये मुकाबला शुरू होने वाला है यहाँ पर तो गंगा श्रीधर राजू और यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए हैं जय सुरेश कुमार के साथ देखते हैं यहाँ से अब किस तरीके से यह मुकाबला चलता है स्पिनर गेंदबाज़ मनी मन सिद्धार्थ को गेम थमाइए यहाँ पर आ, कौशिक गांधी ने देखते हैं मनी महन सिद्धार्थ यहाँ पर किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे आ, भाई ग्राउंड में कौन सा वाला है भाई देखते हैं भाई ग्राउंड वही है यही है वाला है जो पिछला मुकाबला यहाँ पर हुआ था तो यहाँ पर बल्लेबाजी करने के दोनों बल्लेबाज आ गए हैं गेम शुरू होने वाला है टेन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री छू वन गेम ऑन गेम स्टार्ट हो गया यहाँ पर तो मनी सिद्धार्थ कर रहे हैं गेंदबाजी स्ट्राइक पे हैं यहाँ पर बल्लेबाज हमारे जो हैं वो हैं अब गंगा श्रीधर राजू तो क्या यहाँ से बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे हमने कहा था चिपॉक स्टेड चिपॉक स्टॉक्स जीते के भाई चलिए देखते हैं भाई जितने नहीं जीतती पहली गेंद यहाँ पर मनी सिद्धार्थ की और यहाँ पर पहली गेंद इस बार थोड़ा सा कोहरा जो है ऐसा लग रहा है जैसे को, कोहरा जो है पड़ा हुआ है पहली गेंद यहाँ पर और पहली गेंद पर ही गंगा श्रीधर राजू ने चौका बटोर लिया है तो स्कोर खुल गया है खाता खुल गया है यहाँ पर जो है लाइक ओवई किंग का तो पहली गेंद मणिनंजन सिद्धार्थ की पटकी भी हुई गेंद उसको स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया और चौका रहा यहाँ पर जो है गंगा राजू ने तो यहाँ पर बढ़िया शॉट है और खाता खुल चुका है यहाँ पर अब लाइक कोवई किंग का भाई मैच कौन जीतेगा भाई लाइका को वही किंग को सपोर्ट कर रहे हैं अजीत रॉय भाई उम्मीद कर रहे हैं लाइका जो है इस मुकाबले को जीते चार रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के एक गेंद हो चुकी है इस बीच अगली गेंद इस बार पटकी हुई दूसरी गेंद इस बार फिर से स्वीप लगाया था यहाँ पर जो है आ, गेंद जो गई फील्डर के पास कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर तो गेंद जो है बिल्कुल फ्लैट सरफेस है हल्का सा टर्न जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर सिद्धार्थ की गेंदबाजी में तो यहाँ पर हो सकता है कि स्पिनर जो है थोड़ी सी हेल्प जो है स्पिनर के लिए हो यहाँ पर अभी गेंद नहीं है और गीली नहीं हुई है इसलिए थोड़ा सा टर्न देखने को मिल रहा है अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद पटकी हुई गेंद अपील हुई है जोर जोर अपील यहाँ पर विकेट कीपर ने बहुत जोर से अपील करी है यहाँ पर मना किया अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट रहेंगे यहाँ पर काफ़ी जो है ज़ोर से जोश से जो है जगदीशन ने अपील की थी स्कोर जो है अभी यहाँ पर हो चुका है अब लाइका का चार रन बिना किसी नुकसान के तीन गेंदों के बाद देखते हैं मुकाबला जो है किस तरीके से चलेगा मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर अपील बड़ी जोरदार की थी यहाँ पर और आप सब लोग जुड़े रहिए अगली गेंद मणिमरन सिद्धार्थ की सिद्धार्थ की अगली गेंद स्ट्राइक पे है गंगा श्रीधर राजू चौथी गेंद पर सिंगल लिया स्ट्राइक पे आ गए हैं जय सुरेश कुमार स्कोर हो चुका है लाइक का कोवई किंग का पाँच रन बिना किसी नुकसान के चार गेंदों के बाद आप सब लोग जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला चल रहा है यहाँ पर लाइका वर्सेज चैपोका टी का ये फाइनल मुकाबला है देखते हैं टी के इस फाइनल मुकाबले में कौन जो है यहाँ पर जीतता हुआ नज़र आएगा <laughs> जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए आप यहाँ पर पहले ओवर की आखिरी गेंद खेलेंगे सुरेश कुमार क्या सुरेश कुमार एक बड़ी पारी खेल सकते हैं आ, देखने वाली बात ये यह होगी यहाँ पर लाइव मैच कहाँ देख रहे हैं भाई दीपक भाई स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव आ रहा है यहां पर अगले गेंद अब पांचवी गेंद है यहां पर स्ट्राइक पे हैं अब जय सुरेश सुरेश को ये सीधी गेंद डिफेंस किया इस गेंद पर सुरेश ने कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर पांच गेंदे हो गई हैं इस पहले ओवर की और पांच रन बिना किसी नुकसान के सत्रह ओवर का ये खेल है सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है देखते हैं सत्रह ओवर में कितने रन जोड़ पाएगी यहाँ पर लाइक अ कोवे किंग की टीम जय सुरेश कुमार को आखिरी गेंद आखिरी गेंद पर सिंगल लिया स्ट्राइक पर आ गए हैं गंगा श्रीधर राजू छः रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के एक ओवर के बाद गंगा श्रीधर राजू करिए स्ट्राइक पे होंगे जय सुरेश कुमार देखते हैं गेंदबाजी कौन करेगा अब दूसरे ओवर की यहाँ पर आ भाई भाई कितने ओवर का मैच है भाई सत्रह ओवर का मैच है भाई सत्रह ओवर भाई अभी नहीं लगाया क्या हुआ पावर प्ले मेरे बाद लगाऊंगा भाई ठीक है भाई चलिए लगा लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में दूसरा ओवर देखते हैं कौन डालने आता है यहाँ पर सत्रह ओवर में एक सौ रन होगा कि नहीं भाई बनना तो चाहिए सत्रह ओवर में एक सौ रन देखते हैं अभी बनता है कि नहीं और नए गेंदबाज देखते हैं कौन आएगा गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर की आ, पर संदीप संदीप वॉरियर को जो है गेंद थमाई है यहाँ पर दूसरे ओवर के लिए आ, सामने है यहाँ पर जय सुरेश कुमार गेंदबाजी वदीप वॉरियर जो है बहुत अच्छी करते हैं ये फाइनल मुकाबला है यहाँ पर तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर को लेके आए हैं स्ट्राइक पे हैं सुरेश कुमार देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे पहली गेंद यहाँ पर संदीप वॉरियर की जय सुरेश कुमार को कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर एक दशमलव एक गेंद हो चुकी है यहाँ पर और छः रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर स्कोर हो चुका है लाइका का लायका को एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तभी यहाँ से मुकाबले को जीत पाएंगे भाई यहाँ पर जो है भाई जी अपनी टीम लाइका ही होगी ना बिल्कुल भाई सुजीत भाई लाइका ही टीम है यहाँ पर मयंक भाई कह रहे हैं सी जी विकेट नीडेड भाई ओ हो 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 यहाँ पर अगली गेंद इस बार जे सुरेश कुमार ने एक बड़ा शॉट खेला और चौका बटोरा इस गेंद पर स्कोर पहुंच गया लाइका का दस रन बिना किसी नुकसान के एक दशमलव दो गेंदों के बाद इस बार ऑन साइड की तरफ ये गेंद की थी और चौका बटोरा यहां पर जो है जय सुरेश कुमार ने चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को भाई किसान सपोर्ट करो भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लाइका कोवई किंग को लाइका कोवई किंग को ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पर मोहम्मद आरिफ भाई, भाई कह रहे कौन जीतेगा मोहम्मद भाई मैं तो लायकों को सपोर्ट कर रहा हूँ इस बीच अगली गेंद यहाँ पर संदीप ऑर्यर की है तीसरी गेंद यहाँ पर आउट कर दिया जय सुरेश कुमार को पटकी हुई गेंद थी पुल लगाने की कोशिश यहाँ पर टॉप एज लगा और विकेट कीपर नारायण जगदीशन ने यहाँ पर कैच पकड़ा और पवेलियन भेज दिया यहाँ पर जय सुरेश कुमार को तो यहाँ पर पहला झटका लग गया है और यहाँ पर जो है लाइका की टीम को 10 रन एक विकेट नुकसान पर एक दशमलव तीन गेंदों के बाद जय सुरेशों में पांच रन बनाकर पवेलियन जाते हुए यहां यहां पर पर एक चौका लगाया था तो पहला लग चुका है लाइका को वाई किंग को किंग किस लगा दू? लागा पे लगा लाइका पे लाइका पे लाइका पे लाइका लाइका ओनली लाइका लाइका को सपोर्ट कर रहे भाई लाइका पे लगाएंगे आप और लाइका को सपोर्ट कर रहे हैं भाई देखते हैं अभी किस तरीके से मुकाबला चलता है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम कॉल लाइक कर दीजिएगा जुड़ रही हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला चल रहा है यहाँ पर लाइका लाइका वर्सेस चैपॉक्स सुपर गिलीज का तो स्ट्राइक पे है यहाँ पर जय सुरेश कुमार स्ट्राइक पे थे और पहली सफलता मिल गई यहाँ पर संदीप की स्कोर हो चुका है लाइक का दस रन एक विकेट नुकसान पर एक दशमलव तीन गेंदों के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को मुकाबले में शुरुआती झटका लग गया है फाइनल मुकाबला है यह टी एन पी का यह फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा इस मुकाबले को यह भी देखने वाली बात होगी आप लेते हैं मैसेजेस आप सबके हम्म तो यहाँ पर जो है लोकेंद्र भाई कह रहे हैं हेलो सर गुड सर देखियो लहलेंद्र भाई लहलो लोकेंद्र भाई कैसे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा अभी मुकाबला जो है चल रहा है यहाँ पर और काफ़ी हद तक पहला झटका लग गया है देखते हैं यहाँ से किस तरीके से ये मुकाबला चलता है फाइनल मुकाबला है और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बी साई सुदर्शन बी साई सुदर्शन जो है वो अच्छा खेलते हैं भाई साहब कप्टिल भी गया अब कौन जिताएगा रॉकी फैमिली जिताते नहीं जीत जाते हैं यहाँ पर अगली गेंद इस बार थी चौथी गेंद थी चौथी गेंद पर आते ही खाता खोला यहाँ पर बी साई सुदर्शन ने स्ट्राइक पे आ गए हैं यहाँ पर राजू राजू जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छा ग्राउंड है बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल है यहाँ पर लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को इन्जॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर लाइकें के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पहला विकेट जो है काफ़ी जल्दी खो दिया है यहाँ पर देखते हैं मुकाबला किससे चलता है और चैपमैन और क्लेवर दोनों बल्ले और क्लावर अच्छे बल्लेबाज है भाई चैपमैन और क्लेवर अच्छे बल्लेबाज है डैनल मिच्छल भी टीम में है ग्रैंड फिलिप हैं ब्रेसवेल हैं भाई और क्या चाहिए भाई ये टीम बहुत स्ट्रांग है न्यूजीलैंड की हारेगी नहीं मुकाबले को और रन चाहिए कितने यार रन एक के दम एक रन तो चाहिए ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर न्यूज़ीलैंड की टीम तो चलिए चलते चलते हैं जरा टी एन पी एल की तरफ और टी एन पी एल में डिस्कस कर करें भाई कौन सी टीम चल रही है यहाँ पर मेजबानी में इस बीच अब यहाँ पर पांचवी गेंद थी पांचवी गेंद पर सिंगल लिया राजू ने स्ट्राइक पे आ गए हैं बीस आई सुदर्शन स्कोर हो चुका है बारह रन एक विकेट नुकसान पर एक दशमलव पाँच गेंदों के बाद रॉक फैमिली भाई टेंशन मत लीजिए एक सो वन बन जाएगा ये मैच जितना क्लोज जाएंगे उतना बढ़िया है भाई इंग्लैंड ने छब्बीस बॉल में उनतीस पर एक आउट है भाई भाई वेट तो करिए अभी वेट करिए मारेंगे ये इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो मारेगी अभी दोनों मैचेस जो है वो रहे हैं और यहाँ पर डिफेंड पसंद है मुझे लगता है लाइका जो है डिफेंड कर लेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को इंग्लैंड का स्कोर जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है तीस रन जैसन रॉय क्रेस मौजूद हैं और डेविड मलाना आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए जॉर्ज बटलर ने तो आज कमाल ही कर दिया दस गेंद में तो चौदह रन बनाए भाई चलते हैं जरा अब टी एन की तरफ आखिरी गेंद पर सिंगल लिया बीस आई सुदर्शन ने स्ट्राइक रखेंगे अपने पास तेरह रन एक विकेट नुकसान पर दो ओवरों के बाद भाई कौन जीतेगा भाई मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से लाइका ही इस मुकाबले को जीतेगी गुरु बॉलीवुड भाई बता दिया भाई गुरु बॉलीवुड भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ से लायका ही जो है इस मुकाबले को जीतेगी अब देखते हैं लायका किस तरीके से यहाँ पर खेलती है 118 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इंग्लैंड का जो है यहाँ से एक इंग्लैंड को तो देखिए तो 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 बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे न्यूजीलैंड यहाँ से आराम से भी खेलेगा आखिरी ओवर में अगर अस्सी नंबर दस ओवर में अस्सी या नब्बे रन चाहिए तो बना लेगा न्यूजीलैंड तो यहाँ से अब स्ट्राइक पे है बीस आई सुदर्शन देखते हैं गेंदबाजी करने कौन आएगा यहाँ पर जो है तीसरे ओवर की तीसरे ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पे है बीस आई सुदर्शन कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है यहाँ पर भाई गेंडल मैच में एंट्री ले लिया है वेट करूँ भाई ले लीजिए प्रदीप भाई ले लीजिए संडे है सुपर संडे बनेगा आज पहली गेंद थी यहाँ पर मणिमन सिद्धार्थ जो है वो गेंदबाजी करने आए हैं तीसरे ओवर की तीसरे ओवर की दूसरी गेंद स्ट्राइक पर है बीस साई सुदर्शन दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला यहाँ पर दो के दो के दो गेंदे लगातार डॉट करा दिए हैं यहाँ पर अब साई सुदर्शन से स्कोर हो चुका है तेरह रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव दो गेंदों के बाद अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद यहाँ पर तीसरी गेंद पर सिंगल लिया स्ट्राइक दिया है राजू को अब दोनों में से एक बल्लेबाज को जो है बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से सिर्फ सत्रह ओवर का यह मुकाबला है सत्रह ओवर का जो है मुकाबला है तो यहाँ से कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे लाइक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबले में अभी भी जान है लाइका की बैटिंग जो है वो भी लंबी है तो आप टेंशन मत लीजिए दोनों टीमें टक्कर की हैं और जब दो शेर लड़ेंगे तो ये फ़ाइट देखने में बहुत मजा आएगा स्ट्राइक पे हैं यहाँ पर राजू राजू को अगली गेंद इस बार चौथी गेंद तीसरे ओवर की मनी रमन सिद्धार्थ की तो क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस गेंद पर देखना होगा अगली गेंद चौथी गेंद तीसरे ओवर की तीसरे के ओवर की तीसरी तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर चौका भटोरा यहां पर जो है राजू ने राजू के बल्ले से निकला है दूसरा चौका छः गेंदों में दस रन बना चुके हैं स्कोर पहुंचा चुके हैं लायका का अट्ठारह रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव चार गेंदों के बाद भाई की टीम तो ये तो क्या हो जाता है कभी दो प्लस बनाता है कभी डेढ़ से कम पे ऑल आउट हो जाती है भाई प्रदीप भाई आज ऑल आउट नहीं होंगे ये आज ये ऑल आउट नहीं होंगे इंग्लैंड की टीम तो यहाँ पर चौका आया है इस ओवर में पावर प्ले जो है वो पाँच ओवर का है इस पाँच ओवर के पावर प्ले में कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज कम 35 से कम पैंतीस से चालीस रन बनाए जाएं एक अच्छी शुरुआत की जाए बी साई सुदर्शन और राजू जो है क्रिकेट मौजूद हैं स्ट्राइक पे हैं राजू अगली गेंद सिद्धार्थ की यहाँ पर सिंगल लिया इस गेंद पर राजू ने स्ट्राइक पर आ गए हैं यहाँ पर बी साई सुदर्शन स्कोर हो चुका है लाइका कोवे किंग का उन्नीस रन एक विकेट नुकसान पर दो गेंदों के बाद भाई तीन विकेट गया है न्यूजीलैंड का वालों का रॉक फैमिली भाई आप भूल गए हैं शायद आयरलैंड वर्सेस यहाँ पर न्यूजीलैंड का मुकाबला है। ऐसे ही था वेट करो जल्दबाजी मत करो रॉक फैमिली भाई आप अगर घबरा रहे हैं इतना डर रहे हैं तो आप खेलना ही छोड़ दीजिए ना अगर आप डरते हैं तो खेलना छोड़ दीजिए नीडर है तो आप खेलिए क्योंकि मैंने नहीं कहा था आपको न्यूजीलैंड पर लगाने का आप खुद लगा के बैठे हुए हैं और आप आप मुझे भी डरा रहे हैं आप खुद भी डर रहे हैं ये क्रिकेट एक पेशेंस का गेम है और 50 ओवर के गेम में आपको पेशेंस दिखाने पड़ेंगे तो यहाँ पर पे पेशेंस से गेम को देखिए समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर स्कोर हो चुका है अब उन्नीस रन एक विकेट नुकसान पर तीन ओवरों के बाद आखिरी गेंद जो है वो डॉट डॉट गेंद थी स्ट्राइक रखेंगे अपने पास राजू देखते हैं अब यहाँ पर चौथा ओवर लेके कौन आएगा भाई अगर जो लोग डरते हैं वो छोड़ दीजिए खेलना भाई देखिए जो लोग डरते हैं वो डर क्या डर 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 हमेशा आपको जीती नहीं देगा भाई हजार भी लगा जाएंगे भाई हजार भी लग जाएंगे लग जाएंगे भाई रॉक फैमिली भाई अगर हजार का डर था तो खेला क्यों खेला क्यों आपने सोचा डबल कर लूंगा ये नहीं सोचा कि अभी हार भी सकता हूं मैं तो भाई अगर हार अगर हार है अगर हार का डर है तो खेलना छोड़ दीजिए आप न्यूजीलैंड जीते कि भाई घबराओ नहीं अरमान भाई यही घबरा रहे हैं रॉक फैमिली भाई मैं समझा रहा हूँ समझ ही नहीं रहे हैं ये बात को ये घर घबरा रहे हैं चार लोगों को <coughs> माफ चाहेंगे चार लोगों को ऑर्डर आएंगे यहाँ पर तो स्ट्राइक पे हैं राजू अब देखते हैं किस तरीके से चलता है ये मुकाबला स्ट्राइक पे है राजू पहली गेंद थी यहाँ पर चौथे ओवर की कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर अभी भी उन्नीस रन एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव एक गेंद के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को आज मैंने मेरी फैंटेसी टीम में जय सुरेश कुमार को नहीं लिखा भाई बढ़िया किया कल्पेश भाई बहुत बढ़िया किया बहुत ही बढ़िया किया है यहाँ पर तो गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप वॉरियर संदीप वॉरियर की अगली गेंद दूसरी गेंद बढ़िया शॉट खेला है यहाँ पर राजू ने चौका बटोरा इस गेंद पर स्कोर पहुंच गया यहां पर जो है अब आ, एल के के लायका कोवे किंग का तेईस रन एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव दो गेंदे हो चुकी है दबाव कहीं ना कहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर तो दबाव आप कैसे डाल सकते हैं अटैक कर कर अटैकिंग बल्लेबाजी कर कर यहाँ पर जो है लाइका एक सौ साठ रन मारेगा भाई वनस्ट बैट बैक कैसे भाई बकवास है का, कार्तिक यादव भाई छोड़ दीजिए खेलना इससे बढ़िया आप ए वी पे खेल लीजिएगा ए पे जो है ग्लोबल ग्लोबल आई डी नेटवर्क है दुनिया की दुनिया के किसी भी कोने से आप ए वी आर पे पर जुड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइचर मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए जाइए ए वी आर पे पर खेलीए और जीतिए है यहाँ पर ढेरों इनाम यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन मतलब विड्रॉल करते हैं डिपोजिट करते हैं आपको दो परसेंट का बोनस मिलेगा प्लस डेली कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट में आप पचास हज़ार रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइचर मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम और ज्वाइन करिए करिएगा लायका ही जीतेगी इस मुकाबले को लायका दिस विनर भाई बिल्कुल भाई लायका ही जीतेगी इस मुकाबले को तीसरी गेंद पर सिंगल लिया था राजू ने स्ट्राइक पे आगे हैं बीस आई सुदर्शन स्कोर हो चुका है लायका का चौबीस रन एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव तीन गेंदों के बाद अगली गेंद इस बार चौथी गेंद यहाँ पर सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं राजू आज किसके साथ है भाई एक के इंडियन ब्लॉगर भाई मैं साथ में हूँ अभी लाइका के लाइका के साथ हो भाई दो सौ पैंतीस लाइक हो चुके हैं पंद्रह भाई और लाइक तो कर देंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहाँ पर दो सौ पचास लाइक का लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो फटाफट फटाउट ज्वाइन करिए यहाँ पर और सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए यहाँ पर तो यहाँ पर लाइका जो है दोस्तों लाइक दोस्तों लाइका जो है पच्चीस रन बना चुकी है एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर तीन दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं देखते हैं यहाँ से अब किस तरीके से यह मुकाबला चलता है यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर अब पांचवी गेंद है चौथे ओवर की चौथे ओवर की इस बार हवा में खेला इस शॉट को राजू ने और रन है इस गेंद पर बेहतरीन शॉट बेहतरीन शॉट लगाया यहाँ पर और चौका बटोर लिया इस गेंद पर जो है राजू ने स्कोर पहुंच गया लाइका का एक इलाइका का इकतीस रन एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव पाँच गेंदों के बाद छः ओवर में छ ओवर में क्या पैंतालीस रन कर पाएंगे भाई बन जाएंगे भाई बन जाएंगे टेंशन मत लीजिएगा मार मार भाई मार छक्के मार बिल्कुल सही, सही बात सही बात है भाई मार तो रहे हैं और कितना रन मारेंगे यहाँ से तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है इस मुकाबले को जो है वो जीतेगी क्या कहते हैं लाइका की टीम तो आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को पांचवी गेंद पर लगाया है छक्का स्कोर हो चुका है स्कोर हो चुका है यहाँ पर लाइका का लाइका का स्कोर जो है वो इकतीस रन हो चुका है एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव पाँच गेंदों के बाद तो आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे बताते रहिए आप सब लोग जुड़ रही है इस मुकाबले में यहाँ पर अगली गेंद अगली गेंद आखिरी गेंद चौथी ओवर की कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर यहाँ पर इकतीस रन बन चुका है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इसी तरीके से आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए लाइक करते रहिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में आ, गंगा श्रीधर राजू ने बनाए हैं बारह गेंदों में बाईस रन तीन चौके लगा दिए हैं और यहाँ पर तीन चौके लगा दिए हैं यहाँ पर एक छक्का लगाया है देखते हैं अभी मुकाबला किस तरीके से चलता है क्योंकि शुरुआत काफ़ी धीमी सी हुई है अभी जो है लायका के मगर के पास बल्लेबाजी है जो बड़े शॉट लगा सकते हैं यहाँ पर तो देखते हैं अभी क्या होगा इस सब मुकाबले में यहाँ पर ज़रूरत जो है ज़रूरत तो बड़े शॉटों की है डेकोटा बाइक साउथ अफ्रीका से इंग लैंड क्यों नहीं कर रहे करते हो बाइक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कॉपीराइट का डर है भाई मेरे पास एम सी एन ज्वाइन करने एम सी एन नहीं ज्वाइन किया होगा अगर मैं जिस दिन ज्वाइन कर लूँगा उस दिन करना शुरू कर दूंगा भाई स्कोर हो चुका है यहाँ पर अब लाइका का इकतीस रन एक विकेट नुकसान पर चार ओवर के बाद स्ट्राइक पे है यहाँ पर बी साई सुदर्शन सात गेंदों में चार रन बना चुके हैं बैटिंग ऑर्डर लाइका का भाई बैटिंग ऑर्डर भाई यही है अगर आप देखेंगे तो इसके बाद शाहरुख खान है और जो है बल्लेबाजी बहुत लंबी है यार पिछले मैच में देखी थी आपने आठ नंबर तक बल्लेबाजी है मेन बल्लेबाज इनके बी साई सुदर्शन है राजू हैं शाहरुख खान हैं अगर ये चले तो काफ़ी बेटर रहेगा यहाँ बल्लेबाजी देखने में देखते हैं अभी क्या होगा इस बल्लेबाजी में और यहाँ पर देखते हैं आर साई किशोर आर साई किशोर जो है वो गेंदबाजी करने आए हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर की सत्रह ओवर का ये मुकाबला है देखते हैं क्या होगा यहाँ पर लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को और यहाँ पर जुड़े रहिए इस मुकाबले में हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा मुकाबला बस थोड़ी मुकाबला यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट लाइव हिंदी पर तो लेते हैं मैसेजेस आप सबके यार और मैं जरा चेक करता आवाज आ रही है कि नहीं नहीं यहाँ पहली गेंद थी अब सुदर्शन को आर किशोर की, की। बढ़िया ये शॉट है चौका बठोरा इस गेंद पर स्कोर स्कोर जो है यहाँ पर लाइका का पहुंच गया है पैंतीस रन एक विकेट नुकसान पर भाई मैच देख लो, लो।, लो बजा के मना कर रहा है आपको यहाँ पर बीस सुदर्शन जो है वो अब गेंदबाजी कर रहे हैं अब मकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद स्ट्राइक पे है 20 साई सुदर्शन एक और चौका इस ओवर में खूबसूरत ये बाउंड्री लगाई है 20 साई सुदर्शन ने दो बैक टू बैक यहाँ पर चौके बटोर लिए हैं स्वागत कर दिया है इस मुकाबले में जो है साई सुदर्शन का अच्छी बल्लेबाजी और ज़बरदस्त दो बाउंड्रीज लगाते हुए नजर आए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब करिएगा जुड़ेगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला चल रहा है भारत माफ करिए यहाँ पर मुकाबला चल रहा है लाइका वर्सेस लाइका वर्सेस यहाँ पर चैपॉक्स सुपर गिलीज का देखते हैं मुकाबला चलता है यहाँ पर और लाइका लगाइए भाई लाइका 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 ही विन करेगा इस मुकाबले को लाइका को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी टीम ही रहेगी भाई अभी विकेट विकेट गिरा विकिट आएगा ओवर में भाई भाई देखते हैं किस पर लगाएं बता दिया भाई यहां पर लाइका को सपोर्ट कर लीजिएगा आप सब लोग दो देखते हैं अगली गेंद किस तरह से खेलते हैं अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद तीसरी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया अभी साई सुदर्शन ने स्कोर पहुंच गया लायका का तिरतालीस तो रन एक विकेट नुकसान पर चार दशमलव तीन गेंदों के बाद तो बीस आई तो सुदर्शन जो है यहां से बाउंड्री लगाते हुए नजर आ रहे हैं दस गेंदों में सोलह रन बना चुके हैं तीन चौके है, लगा चुके हैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जानते हैं पावर प्ले का यह आखिरी ओवर है और इस आखिरी ओवर में बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे तो पावर प्ले का यह आखिरी ओवर है तीन चौके आ चुके हैं मजेदार बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर कुलाल भाई कह रहे हैं आप दोस्तों रमन कुमार जी कह रहे किस पर लगाए भाई लोहन भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लाइका पर लगा दीजिए लायका जो है इस मुकाबले को जीत जाएगी अगली गेंद इस बार चौथी गेंद यहाँ पर पाँचवीं ओवर की स्ट्राइक पे हैं है बी अंश सुदर्शन देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर अब पांचवी गेंद को सत्रहवा ओवर का सत्रह सत्रह ओवर का ही, ही मुकाबला है यहाँ पर चौथी गेंद अब पाँचवीं ओवर की कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर हो चुका है तिरतालीस रन एक विकेट नुकसान पर चार दशमलव चार गेंदों के बाद सत्रह ओवर का मुकाबला है और ये इनिंग का है पांचवा ओवर तो यहाँ पर अजीत भाई कह रहे कौन बॉलर है भाई ये बी साई सुदर्शन है भाई बी साई सुदर्शन आपको देखा होगा गुजरात टाइटन में खेलते हुए इनको लेफ्ट हार्म और सो गेंदबाजी करते हैं असदुद्दीन तो भाई कह रहे हैं लयका पे लगा दिया भाई थैंक यू सर टॉस किसने विन किया था टॉस जो है वो चैपॉक ने जीता था भाई और चेपॉन चैपॉग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था यहाँ पर सिंगल लिया इस पांचवी गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं राजू इस ओवर में तेरह रन आए हैं एक अच्छा ओवर गया है लायका के लिए लायका का स्कोर हो चुका है चौवालीस रन एक विकेट नुकसान पर चार दशमलव पांच गेंदों के बाद जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा शाहरुख खान क्या कह रहे हैं भाई शाहरुख खान आ, आ, क्या करेगा भाई शाहरुख खान भाई वही करेंगे जो करते हैं बल्लेबाजी करेंगे अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो टीम का स्कोर आगे लेके जाएंगे यहाँ पर राजू जो है वो बारह गेंदे खेल चुके हैं बाईस रन बना चुके हैं तीन चौके एक छक्का लगा चुके हैं यहां पर अगली गेंद अब आखिरी गेंद है पर खेलते हैं राजू आर शाही वन द मैच टूडे भाई पूरा तिवारी भाई आप भी हैं है मैं भी यही है, देखते हैं क्या होगा भाई कुछ अपडेट दो स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड का क्या करेंगे अपडेट लेके भाई आखिरी गेंद यहां पर चलिए आखिरी गेंद है इस बीच राजू को राजू ने सिंगल लिया यहां पर आ, यहाँ पर और लायका का स्कोर पहुँचाया पैंतालीस रन एक विकेट नुकसान पर पाँच ओवर के बाद राजू जो है वो स्ट्राइक पे होंगे तेरह गेंद में तेईस रन बना चुके हैं और तीन चौके एक छक्का लगा चुके हैं यहाँ पर स्कॉटलैंड की भी अपडेट दे, दे दो भाई CSG, ओ, भाई बड़ा परेशान हो रहे हैं यार स्कॉटलैंड की अपडेट दो भैया भैया स्कॉटलैंड का अपडेट दे दो भैया टुडे सपोर्ट सी एस जी ओके रोहन भाई कौन जीतेगा सर जी भाई मैं मेरी तरफ से भाई मेरी तरफ से मेरी टीम जो है वो रहेगी लाइका को वाई किंग की यहाँ पर स्कॉटलैंड के मैच में भाई देखिए स्कोर हो चुका है एक सौ चवालीस रन तीन विकेट नुकसान पर एक सौ बयालीस गेंद में चाहिए एक सौ तिरसठ रन चैपमैन और डेरल मिशेल जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लैंड वालों के तो हालात पतली पतली सी लग रही है भाई क्या होता है जॉनी ब्रेस्टो भी रन नहीं बना पा रहे आज तो यहाँ पर लेते हैं मैसेजेस और यहाँ पर, पर स्कोर तो सही बनाया है अगली बहत्तर गेंदों में अगर अगर यहाँ से बनाएंगे सही रहेगा अगली बहत्तर गेंदों में अच्छे खास रन बना देंगे ना बढ़िया रहेगा भाई काफी लोग पूछ रहे हैं आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई जो भाई को पता हो बता दीजिए लाइका को सपोर्ट कर रहे हैं भाई उम्मीद कर रहे हैं लाइका जो है इस मुकाबले को जीते ए डी बी डी बिलियर्स भाई तो यहाँ पर अब स्ट्राइक पे हैं राजू और देखते हैं राजू किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर अभी तो दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की मतलब बहुत नेचुरली बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी है आ, मैं को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई डेवल भाई सपोर्ट कर लीजिए आप दो टीमें हैं एक को तो आप करेंगे तो एक को मैं सपोर्ट करूंगा यहाँ पर क्या हो रहा है जी लाइव क्यों नहीं आ रहा चलिए देखते हैं जरा लेते रहा हूँ आपके मैसेजेस आप मैसेजेस जो है करते रहिए मज़ा आ रहा है इस मुकाबले में अब भाई लाइक भाई लायका ही जीतना चाहिए भाई भिजी जाए सर टेंशन मत लीजिए जीत जाएगी लायका देखना होगा तो यहाँ पर सोनू यादव को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए सोनू यादव करने आए हैं गेंदबाजी अब छठे ओवर की स्ट्राइक पर है गंगा श्रीधर राजू देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर छठे ओवर की पहली गेंद छठे ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पे है राजू क्या बड़ा शॉट लगाते नजर आएंगे जी नहीं सिंगल लिया इस गेंद पर राजू ने स्कोर हो चुका है यहाँ पर स्कोर जो है हो चुका है लाइका का एक सौ छियालीस रन एक विकेट नुकसान पर यहाँ पर संभल के बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाज को अगर अंत तक बल्लेबाजी करते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा अगर अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा यहाँ पर क्या अंत तक बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर पाएंगे देखना होगा आप सब लोग जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो यहाँ पर आप छियालीस रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर पांच दशमलव एक गेंद के बाद भाई बता रहे हैं बता रहे हैं भाई क्या कह रहे हैं भाई क्या का, का कह रहे हैं भैया का कहा था भैया मैच कितने ओवर का है भाई सत्रह ओवर का मैच है भाई तमिलियन गेमिंग भाई कह रहे हैं हाय है सर हाय तमिलियन गेमिंग भाई कैसे हैं आप यहाँ पर अब ओवर की दो गेंदे हो चुकी हैं और दोनों गेंदों पर सिंगल आया है स्कोर हो चुका है यहाँ पर लाइका कोवई किंग का सैंतालीस रन एक विकेट नुकसान पर चार मकर पाँच दशमलव दो गेंदों के बाद तो यहाँ से अब गंगा श्रीधर राजू चौबीस रन बना चुके हैं देखते हैं अभी आगे किस तरीके से खेलते हैं अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद छठे ओवर की गंगा श्रीधर राजू जो हैं वो बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अगली गेंद देखना होगा सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं बी साई सुदर्शन कमेंट भी लेते रहे हैं सब भाइयों के कमेंट ले रहे हैं यहाँ पर रॉक भाई कह रहे हैं न्यूजीलैंड वालों को तो भाई बिल्कुल सही इंग्लैंड की हालत टाइट कर रखी है अफ्रीका ने भाई थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान दो भाई रॉक फाइल भाई ध्यान तो दे रहे हैं और कितना ध्यान दे आपके मैसेज पढ़ रहे हैं ध्यान भी दे रहे हैं यहाँ पर आपने घबराना नहीं यार आप घबरा जाते हैं आप रुको जाओ और सवार जोड़ो स्कॉटलैंड वाले न्यूजीलैंड मैच स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड नहीं आ रा पाएगी न्यूजीलैंड को ये बात तो पक्की है बाकी अब यहाँ पर हालत जो है पक्की हो चुकी है इंग्लैंड की भी और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की हवा टाइटाई फिस्क कर दी है और जो आ रहा है इंग्लैंड को पीट के चला जा रहा है भाई आ, कितने बॉलर कितने ओवर करेंगे भाई भाई दो गेंदबाज जो है चार चार ओवर करेंगे और तीन गेंदबाज जो है वो तीन तीन ओवर करेंगे ये लिमिट सेट करी है यहाँ पर अंपायर्स ने गेंदबाज़ों की यहाँ पर अब चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर और चार गेंदे हो गई हैं इस ओवर की चार सिंगल हमें देखने को मिले हैं इस ओवर में उनचास रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर पाँच दशमलव पाँच दशमलव चार गेंदों के बाद लाइक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है इस बीच अगली गेंद पाँचवीं गेंद खूबसूरत शॉट यहाँ पर राजू का चौका बठोरा इस गेंद पर स्कोर पहुंच गया तिरपन रन एक विकेट नुकसान पर चौका नहीं माफी जाएंगे यार कंफ्यूजन हो गई थी बाउंड्री पर फील्डर ने जो है गेंद को फील्ड कर दिया मुझे लगा शायद पैर लगा होगा बाउंड्री पे मगर दो ही रन मिले हैं इस गेंद पर स्कोर पहुंच गया अब यहां पर जो है लाइका को किंग का इक्यावन रन एक विकेट नुकसान पर पाँच दशमलव पाँच गेंदों के बाद तो भाई मैसेज ले रहा हूं मैसेज 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 साउथ अफ्रीका विन हुआ बोल है बोल रहे हैं यहाँ पर राउन भाई अराफात भाई कह रहे हैं मेरा भाई मेरे पास प्लीज़ एक रन बन जाएंगे बन जाएंगे लाइका का कितना बनेगा भाई टोटल एक सौ तो बनने चाहिए भाई मोहम्मद सुजन भाई कह रहे थे इंग्लैंड तीन विकेट हो गया भाई बिल्कुल इंग्लैंड के तीन विकेट गिर चुके हैं इस बीच आगले ग यहाँ पर राजू को सोनू यादव ने आउट कर दिया कैच आउट हो गए यहाँ पर गंगा श्रीधर राजू सत्रह गेंदों में सत्ताईस रन बनाए थे तीन चौके लगाए थे यहाँ पर एक छक्का लगाया था मगर यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने चक्कर में जो है कैच आउट हो गए राजू लायका को लग गया एक और झटका इक्यावन रन दो विकेट नुकसान पर छः ओवर के बाद लायका का स्कोर है अब यहाँ पर स्ट्राइक पे होंगे बी साई सुदर्शन देखते हैं गेंदबाजी कौन करता है सातवें ओवर की आप सब लोग लाइक करके सब्सक्राइब करिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला चल रहा है यहाँ पर लाइका ओवरसे यहाँ पर जो है लाइका वर्सेज शिपॉक का ये मुकाबला चल रहा है देखते हैं यहाँ से किस तरीके से ये गेम खेला जाएगा और गेम अच्छा होने की मुझे काफ़ी उम्मीद है मैं चाहूँगा कि ये एक अच्छा गेम हम सबको देखने को मिले सत्रह ओवर का ये मुकाबला है और देखते हैं सत्रह ओवर में क्या होता है यहाँ पर लेते हैं मैसेज भाई भाई का मैसेज आ गया है यहाँ पर और तीन विकेट हो गया कितने ओवर का मैच है भाई बता दिए सत्रह ओवर का मैच है ये चैपॉक सुपर गिल्ज विन चैंपियन भाई देखते हैं भाई चैंपियन बनती है कि नहीं यहाँ पर आप सब लोग जो है ए वी आर पे के साथ जुड़ जाइए ए वी आर पे एक ग्लोबल पे आई डी नेटवर्क है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव शर्ट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करिए ए वी आर पे के साथ मिनिमम बेट जो है सिर्फ दस रुपये की है मिनट मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है तो यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट चलते हैं जहाँ पर आप पचास हज़ार रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं और उसे विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में प्लस हर ट्रांजेक्शन पर आपको दो परसेंट का बोनस मिलेगा हर ट्रांजेक्शन पर आपको दो परसेंट का बोनस भी मिलेगा यहाँ पर तो बोनस लेना जो है मत भूलिएगा बोनस लेते रहिए ए वी पे के साथ यहाँ पर दो विकेट खो दिए हैं दो विकेट खो दिए हैं यहाँ पर चैपॉक्स सुपर गिलीज की टीम ने देखते हैं मुकाबला किस तरह से चलता है आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए बढ़िया चल रहा है बढ़िया आवाज आ रही है भाई बढ़िया आवाज आ रही है बिल्कुल लेते हैं आप सबके मैसेजेस और मैसेज बात करते हैं यहाँ पर अब गेंदबाजी करने आए हैं हरीश कुमार हरीश कुमार की पहली गेंद बीस साई सुदर्शन को कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर यहाँ से अब कुल मिला के जो है गेंदे जो हैं बहुत कम बची हुई हैं पैंसठ गेंदे बची हैं अब देखते हैं पैंसठ गेंदों में कितने रन और बना पाएगी यहाँ पर लाइक की टीम यू मुखलेश गेंद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं देखते हैं यू मुखलेश जो है किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर लेते हैं भाई रोशन भाई कर एक हो पाएगा भाई क्या एक बड़ा मुश्किल है भाई मुझे लगता है डेढ़ सौ तक तो तक तो पहुँच जाएंगे ये यहाँ पर जो है बता दिए सब चीज़ें सवाल ले ली हैं अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद हरीश कुमार की डॉट गेंद कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर आ, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर हो चुका है तिरपन रन दो विकेट नुकसान पर छः दशमलव दो गेंदों के बाद सुभजीत भाई कर इंग्लैंड हार जाएगा भाई बिल्कुल भाई इंग्लैंड हार जाएगा ऐसा लग ही रहा है दूसरी गेंद पर सिंगल लिया था माफ़ी चाहेंगे यहाँ पे स्कोर अपडेट जो है वो धीरे हो रहा है इंग्लैंड की आखिरी होप जो है भाई यही है जॉनी ब्रेस्टो और मोइन अली देखते हैं यहाँ से किस तरह चलता है मुकाबला इंग्लैंड के चांसेस तो हैं जीतने के लिए क्योंकि अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर अब इंग्लैंड के जो है तीन गेंदों तो में सत्तावन रन बन चुके हैं भाई जॉनी ब्रेस्टो और मोइन अली के ऊपर है जॉनी ब्रेस्टो और मोइन अली अच्छा खेल गए रन बना दिया तो काफ़ी बेटर हो गए यहाँ पर टी का स्कोर हो चुका है बावन रन दो विकेट नुकसान पर छह दशमलव तीन गेंदों के बाद मुखिलेश पर, यहाँ पर ओवर चल रहा है सातवा इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तिरसठ गेंदे बची हैं तिरसठ गेंदे बची हैं यहाँ पर हाउ मच ओवर भाई साहब भाई सत्रह ओवर का मैच है यार सत्रह ही ओवर का ये मैच है अभिषेक महाराणा भाई सत्रह ओवर का ये मैच है यहाँ से बस बची हैं सिर्फ और सिर्फ तिरसठ गेंदे माफी गई है तिरसठ गेंदे बची है मुखलेष अब यहाँ पर कर रहे हैं बल्लेबाजी अगली गेंद ये चौथी गेंद है यहाँ पर सातवीं ओवर की स्ट्राइक पे है मुखलेष सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं बीस आई सुदर्शन तिरपन रन दो विकेट नुकसान पर छः दशमलव चार गेंदों के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रन तो बनाने ही पड़ेंगे यहाँ पर जो है लाइका कोवई किंग को क्या एक सौ पचास रन बना पाएगी यहाँ पर लाइका कोवई की टीम देखने वाली बात ये होगी यहाँ पर देखते हैं अभी मुकाबला किस तरह चलता है आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए एंजॉय करिए इस मुकाबले को और यहाँ पर गेम को जो है देखना ना भूलिएगा आप गेम को जो है वो देखना ना भूलिएगा आप क्योंकि गेम बड़ा जबरदस्त चल रहा है यहाँ पर और एक भाई ज़रा स्पैम कर गए यार इनको रोका जाए पच्चीस बनेंगे जाएंगे के भाई प्रदीप भाई बनना तो चाहिए कसूर भाई कह रहे हैं कितने ओवर खेला होगा भाई सत्रह ओवर खेला होगा और खेला हो गए खेला, खेला, खेला पूरे तरीके से हो गए इधर यह और यहाँ पर बता दें कि अब लायका का स्कोर जो है वो चौवन रन बन चुका है दो विकेट नुकसान पर छः दशमलव पाँच गेंदे हो चुकी हैं यो अखिलेश दो गेंदे खेलकर कर एक रन बनाया है आखिरी गेंद के आखिरी गेंद का सामना कर रहे हैं गेंदबाजी कर रहे हैं हरीश यादव हरीश कुमार माफ़ी चाहेंगे और देखते हैं इस आखिरी गेंद को किस तरीके से खेलते हैं आप अपने कमेंट्स आप लेते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को ओवर कटे है भाई बिल्कुल ओवर कटे है लाइव कहाँ है वाजिद खान भाई लाइव स्टार स्पोर्ट्स पे है मोइन अली आउट हो गया भाई बिल्कुल भाई चलिए ओवर कितना है अभिषेक भाई सत्रह ओवर का मैच है सत्रह ओवर का ये मैच है अभिषेक भाई आपने घबराना नहीं है आपने घबराना नहीं है सत्रह ओवर का ये मुकाबला है भाई अगली गेंद इस बार आखिरी गेंद थी यहां पर सातवें ओवर की कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर चौवन रन दो विकेट नुकसान पर लाइका कोवई किंग का स्कोर है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइक्चर मैंने पिन कर दिया है ए वी आर पे पे ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब लोग मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपए की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है लाइक्चर मैंने पिन करा है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेर इनाम देखते हैं आप सब लोग कैसे जीत पाते हैं ए वी आर पे जाइए ए वी आर पे पर आई क्रिएट करिए खेलिए और जीतिए तो यहाँ से दस ओवर बच्चे हैं मतलब साठ गेंदे बच्ची हैं इस इनिंग की देखते हैं इस साठ गेंदों में कितने रन जोड़ पाएंगे यहाँ पर लाइका कोवाई किंग की टीम सत्रह ओवर बचे हैं और सत्रह ओवर का ये मैच है सात ओवर हो चुके हैं चौवन रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पे हैं बीस आई सुदर्शन देखते हैं गेंदबाजी कौन कर रहा है अब आठवें ओवर की आ, कश्मीरी भाई ओवर का कहता का, का, है भाई ओके सत्रह ओवर पचपन रन होगा भाई इन ओके आराफत भाई कह रहे हैं वाजिद भाई कह रहे हैं थैंक्स सर जी ओके okay. लाइक की बॉलिंग कैसी है भाई जी लाइक की बॉलिंग थोड़ी सी भाई स्ट्रांग तो है देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर आप गेंदबाजी करने आए हैं एलेक्जेंड्रा एलेक्जेंड्रा की पहली गेंद सिंगल लिया इस गेंद पर बी साई सुदर्शन ने स्ट्राइक पे आ गए हैं यहाँ पर यू मुखलेश पचपन रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव एक गेंद के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को लाइका कोवई किंग को सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर लाइका कोवई किंग जो है जीते शाहरुख खान कितने विकेट लेगा भाई शाहरुख खान एक ही विकेट लेंगे भाई आज मीना उद्दीन भाई कह रहे हैं हु विलमेन भाई मैं लाइका कोवई किंग जो है जीतेगी लाइका 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 को सपोर्ट कर रहे हैं भाई देखते हैं यहाँ से मुकाबला कैसे चलता है दो गेंदे हो गई हैं इस ओवर की दो सिंगल देखने को मिले हैं हमें और इस ओवर में छप्पन रन दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव दो गेंदों के बाद अट्ठावन गेंदे बची हैं देखते हैं अब अट्ठावन गेंदों में कितने रन और जोड़ पाएंगे एल के एल के और सी एस जी एल के के को सपोर्ट करें भाई एल के के को सपोर्ट कर रहे हैं, हैं। सात भाई और लाइक कर दीजिएगा ढाई सौ का पकड़ा बिल्कुल ढाई सौ का पकड़ा पूरा हो गया लाइक का थैंक यू भाई और यहां पर भाई सूर्य भाई सूर्य सूर्य कितने विकेट लेगा भाई भाई दो तो मिलने चाहिए यार इसको चलिए इस बीच अगली गेंद थी यहाँ पर और एलेक्जेंड्रा रोज की एलेक्जेंड्रा की यहाँ पर बड़ा शॉट खेला बी सा सुदर्शन ने छ रन मिले इस गेंद पर खूबसूरत ये शॉट है यहाँ पर बीस सुदर्शन के बल्ले से उन्नीस गेंदों में अट्ठाईस रन बना चुके हैं तीन चौके एक छक्का लगा चुके हैं लायका का स्कोर पहुंच गया बासठ रन दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव तीन गेंदों के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है लाइक आर से पॉक्स सुपर गिलीज का ये मुकाबला बहुत ही खतरनाक चल रहा है फाइनल मुकाबला है जो इस मुकाबले को जीत लेगा वो ट्रॉफी को यहाँ पर अपने नाम कर लेगा देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर ट्रॉफी को जो है अपने नाम करेगी इस बीच अब यहाँ पर अगली गेंद चौथी गेंद चौथी गेंद पर जो है वो दो रन मिले यहाँ पर बी साई सुदर्शन को स्कोर पहुंच गया यहाँ पर लाइका का चौंसठ रन दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव चार गेंदों के बाद चैनल सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए इंजॉय करते रहिए मुकाबले को आ भाई यहाँ पर जो है विजय भाई कह रहे हैं आउट होगा पक्का होके मैच को लो लो स्कोरिंग होगा नहीं लाइव किधर देख सकते हैं वेबसाइट भाई इट्स मैडी बाई स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं वेबसाइट पर कोई नहीं लाइव नहीं आ रहा ये तो बीस बीस आई सुदर्शन जो है अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बीच अगली गेंद यहाँ पर एलेक्जेंडर की स्ट्राइक पे हैं बीस साई सुदर्शन देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को अगली गेंद यहाँ पर सिंगल लिया सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं यू मुखलेश स्कोर हो चुका है पैंसठ रन दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव पाँच गेंदों के बाद जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर मुकाबला चल रहा है काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया जो है आ, मुकाबला चल रहा है और मज़ा आ रहा है इस मुकाबले को देखने में अब देखते हैं आगे किस तरीके से ये मुकाबला चलता है आप सब लोगों का घबराना नहीं है अगली गेंद इस बार पाँचवीं गेंद पर सिंगल नहीं माफी जाएंगे दो ही रन मिले थे स्ट्राइक पे हैं बीस है सुदर्शन स्कोर हो चुका है सिक्सटी सिक्स रन लॉस ऑफ टू विकेट दो ही विकेट खोया भी अभी लायका ने लाइका के पास बल्लेबाजी है अंत तक बल्लेबाजी कर सकते हैं शाहरुख खान कितना कितना मारेगा भाई भाई बीस से पच्चीस रन प्लस मारना चाहिए मेरे शाहरुख खान को स, श्रीराज भाई चलिए आखिरी गेंद है आठवें ओवर की स्ट्राइक पे हैं बीस ऐसी दस देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे अगली गेंद आखिरी गेंद यहाँ पर आठवें ओवर की क्या बड़ा शॉट खेलेंगे देखने वाली बात होगी जी हाँ यहाँ पर आखिरी गेंद पर चौका लगाया चौका लगाया इस है इस गेंद पर और ये नो बॉल है तो यहाँ पर आखिरी गेंद जो है दोबारा डालनी पड़ेगी अलेगजेंड्रा को और यहाँ पर वो गेंद जो है वो होगी फ्री हिट तो यहाँ पर नो बॉल पर लगाया है चौका बी साई सुदर्शन ने स्कोर पहुँचाया लाइका का इकहत्तर रन दो विकेट नुकसान पर सात दशमलव पाँच गेंदों के बाद और यहाँ पर बी साई सुदर्शन ने बना ली है छत्तीस रन बाईस गेंदों का सामना किया है और आखिरी गेंद आखिरी गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी यहाँ पर अलेक्जेंड्रा को और वो गेंद होगी फ्री हिट फ्री हिट गेंद पर तो क्या बड़ा शॉट लगा पाएंगे यहाँ पर बी साई सुदर्शन देखने वाली बात होगी एक अच्छा ओवर लाइका के लिए सत्रह रन आए हैं अभी तक इस ओवर में सत्रह रन आ चुके हैं इस ओवर में आउटफील्ड गीला है भाई मैच लो स्कोर नहीं होगा आउटफील्ड ठीक है भाई सुखा दिया है भाई न्यूजीलैंड नीड्स 139 थर्टी नाइन रन इन वन बॉल्स थ्री विकेट्स आउट है भाई रॉक फैमिली भाई जीतेगी न्यूजीलैंड टेंशन मत लीजिएगा आप इजी कुक विद कहना है आउट होगा भाई देखते हैं भाई आउट होगा कि नहीं यहाँ पर फ्री हिट गेंद थी बढ़िया शॉट एक और चौका एक और चौका इस ओवर में आ चुका है लाइका के लिए 21 रन आए इस ओवर से आठ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है लाइका का पचहत्तर रन दो विकेट नुकसान पर पचहत्तर रन दो विकेट नुकसान पर लाइका का स्कोर हो चुका है स्ट्राइक पे होंगे अब यू मुखलेश देखते हैं गेंदबाजी कौन करेगा अब नबे ओवर की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा एलेक्सेंड्रा तू भी अभी छोटा भाई है छोटा है भाई मैच फिक्स है भाई पता नहीं जी सोचिए भाई आपने करा होगा फिक्स हमें तो हमने तो नहीं किया रंजीत कुमार कह कहने मुझे लगता है लायका ही जीतेगी भाई बिल्कुल भाई मुझे भी लगता लायका ही लग रही है इसलिए लोगों को लायका ही बोली है मैंने तो चलते हैं सर आप थोड़ा सा जो है दूसरे मैचों में भी नज़र डाल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर इंग्लैंड के जो है पैंसठ रन पे चार आउट हो चुके हैं लेविस्टन और जॉनी ब्रेस्टो जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं और लग रहा है कि आसानी से इस मुकाबले को हार जाएगी इंग्लैंड की टीम चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ और जरा बात कर लें यहाँ पर टी एन पी एल के भी टी एन पी एल का ये फाइनल मुकाबला है सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है तो चौवन गेंदे बची हैं अब देखते हैं चौवन गेंदों में कितने रन और जोड़ पाती है यहाँ पर लाइका कोवई किंग की टीम यहाँ पर लेते हैं मैसेज भाई 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 का मैसेज भी आया कोई यहाँ पर भाई मैसेज किया था अच्छा ले लिया मैसेज सद्दाम उसे पचास प्लस मारेगा शाहरुख खान अच्छा कह रहे हैं चलिए तो यहाँ पर अब नवे ओवर की देखते हैं गेंदबाजी करने कौन आएगा मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है टीएनपीएल का दबाव बना के रखा हुआ है अभी भी जो है गेंदबाजों के ऊपर बी आईस सुदर्शन ने और बी आईस सुदर्शन के लिए मैंने कहा था कि आज चलेंगे ये अगली गेंद इस बार नवे ओवर की पहली गेंद गेंदबाजी देखते हैं कौन करने आएगा यहाँ पर पहली गेंद नवे ओवर की यो मुखलेश ने जो है बड़ा शॉट खेला है स्कोर पहुँचा दिया स्कोर पहुँचा दिया यहाँ पर जो है सेवनटी नाइन रन लॉस ऑफ टू विकेट हरीश कुमार गेंदबाजी करने आए थे पटकी हुई गेंद थी उस गेंद पर कट लगाया यो मुखलेष ने और बाउंड्री बटोरी इस गेंद पर स्कोर हो चुका है लाइका का सेवनटी नाइन रन लॉस ऑफ टू विकेट आठ दशमलव एक एक गेंद हो चुकी है तिरपन गेंदें बची हैं अब देखते हैं तिरपन गेंदों में यहाँ पर कितना स्कोर और खड़ा कर पाएगी लायका की टीम चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा इंजॉय करिए इस मुकाबले में हमारे साथ देखते हैं आज कौन जो है इस मुकाबले को जीतता है अगली गेंद के तैयार हो रहे हैं यहाँ पर अगली गेंद के तैयार हो रहे हैं यहाँ पर हरीश कुमार बल्लेबाजी कर रहे हैं यू मुखलेश देखते हैं यहाँ पर यू मुखलेश जो है किस तरीके से खेलेंगे अगली गेंद यहाँ पर अगली गेंद अगली गेंद यहाँ पर दूसरी गेंद स्ट्राइक पे है यहाँ पर मुखलेश मुखलेश को ये गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड की तरफ खेला एक रन बटोरा इस गेंद पर स्कोर हो चुका है लाइका का अस्सी रन दो विकेट नुकसान पर आठ दशमलव दो गेंदों के बाद बीस सुदर्शन जो है वो स्ट्राइक पे आ चुके हैं चालीस रन बना चुके हैं तेईस गेंदों का सामना किया है पाँच चौके और एक छक्का लगा चुके हैं आप देखते हैं आप सबको अपने अपने कमेंट भेजते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए और सुरजीत भाई कह रहे हैं अभी आउट हो गया भाई ठीक है टू के लेफ्ट बाई कह रहे हैं कितना होगा टारगेट भाई डेढ़ सौ प्लस होगा भाई भाई आपने एक बात नोट की कि लास्ट थ्री मंथ से इंग्लैंड को इंग्लैंड या तो स्ट्रेट विन हो रहा है या स्ट्रेट हार रहा है एक भी अच्छा मैच नहीं बना रहा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं इंग्लैंड वाले भाई बिल्कुल सही बात है इंडिया वर्सेज़ वनडे वनडे ही ठीक गया धन का और फातिमा अख्तर भाई एक सौ सत्तर यश होगा भाई एक सौ सत्तर बहुत बड़ा स्कोर है भाई डेढ़ सौ ड सौ कर लीजिए और बनना तो चाहिए मेरे साथ भाई बनना चाहिए मगर एक सौ साठ तक भी आ जाए यश कर लीजिएगा तो चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ और यहाँ पर इस ओवर में जो है आठ रन आ चुके हैं स्ट्राइक पे हैं यू मुखलेश स्कोर हो चुका है लाइका का और लाइका का स्कोर जो है वो हो चुका है तिरासी रन दो विकेट नुकसान पर आठ दशमलव चार गेंदों के बाद चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक करिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को हरीश कुमार यहाँ पर हरीश कुमार हरीश कुमार जो है आ, हरीश कुमार जो है वो गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद अगली गेंद यहाँ पर हरीश कुमार की और कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर हो चुका है स्कोर हो चुका है यहाँ पर तिरासी रन दो विकेट नुकसान पर आठ दशमलव पाँच गेंदों के बाद यहाँ से ये ओवर जो है ये ओवर जो है वो नवा ओवर है यहाँ से सत्रह ओवर के मुकाबले होने हैं अंडर एक सौ चौसठ कर दिया भाई वाह अलेक्जेंडर तो को फुट, फुट भाई कूट दिया भाई स्कॉटलैंड लगता है हर न्यूजीलैंड को बिल्कुल हो सकता है भाई मगर बिल्कुल जिताएंगे जिताएंगे आ, यहाँ पर काफ़ी लोगों के मैसेज ले लिए हैं यार आज काफ़ी जो है हमने स्ट्रीम किया इसलिए आपको थकावट जो है दिख रही होगी आवाज़ में हमारी तो यहाँ पर आखिरी गेंद पर सिंगल लिया मुखलेष ने स्ट्राइक रखेंगे अपने पास नौ ओवर के बाद चौरासी रन दो विकेट नुकसान पर लाइका कोवई किंग का स्कोर है देखते हैं लाइका कोवई किंग जो है अब किस तरीके से यहाँ पर खेलेगी देखते हैं अब लाइका की टीम यहाँ से किस तरीके से खेलेगी आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ से बात करते हैं जरा स्कोर कार्ड की अब जरा सा स्कोर की तरफ चलते हैं यहाँ पर स्कोर जो है वो चौरासी बन चुका है यहाँ से गेंदे बची हैं अब सिर्फ अड़तालीस देखते हैं अड़तालीस गेंदों में क्या लगता है आप सब लोगों को अड़तालीस गेंदों में क्या यहाँ से अस्सी रन और जोड़ लेंगे पहली गेंद थी यहाँ पर दसवें ओवर की कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर और पूरब तिवारी जी कह रहे हैं छिपॉक सुपर किल्लीस वन होगा भाई देखिए भाई क्या कौन होता है कौन नहीं होता वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर एलेक्जेंडर की बॉलिंग नहीं मिलेगी अब लगता है भाई बिल्कुल भाई विजय चौहान भाई पहले ओवर में इक्कीस रन दे दिए हैं अब देखते हैं क्या कप्तान दोबारा इंटरेस्ट दिखाएंगे भाई इंग्लैंड का लास्ट ओ आठ ओवर में एक बाउंड्री आई है आई है टी में, में मैं कमाल है भाई बिल्कुल भाई ऐसे ही खेलते हैं इंग्लैंड वाले आजकल इंग्लैंड वाले ऐसे ही खेलते हैं भाई आप सब लोग जो है ए वी आर पे के साथ जुड़ जाइए ए वी आर पे एक ग्लोबल पे आई डी नेटवर्क है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइसेंट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए अच्छी बात यह है कि मिनिमम बैट सिर्फ दस रुपये की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है तो खेलिए और जीतिए ए वी आर पे के साथ यहाँ पर जो है फास्ट विड्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है ट्वेंटी फोर सेवन ट्वेंटी फोर सेवन जो है लाइव चैट सपोर्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव चैट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ तो यहाँ पर गेंदबाज रुके हैं दसवां ओवर चल रहा है यहाँ पर देखते हैं दसवें ओवर में जो है यहाँ पर किस तरीके से खेलते हैं लाइका वन द गेम भाई बिल्कुल लाइका जीतेगी भाई इस मुकाबले को मेरा मानना यही है कि लाइका इस मुकाबले को जो है जीतेगी देखते हैं अभी क्या चलता है एक मिनट यार पाँच मिनट का ब्रेक लेंगे थोड़ा सा यार थकावट बहुत ज़्यादा होगी है थोड़ी चाय बनाएंगे अपने लिए पाँच मिनट का ब्रेक लेंगे पाँच मिनट के ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन में तो कहीं मत जाइएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा यहाँ पर अब ब्रेक हो गया है समाप्त तो स्कोर हो चुका है अब तिरानवे रन चार विकेट नुकसान पर दस दशमलव तीन गेंदों के बाद शाहरुख खान शाहरुख खान बल्लेबाजी करने आए हैं और बड़े शॉट अब लगाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर शाहरुख खान ने एक छक्का लगाया है इस तीसरी गेंद पर ग्यारहवें ओवर की अब मणिमरन सिद्धार्थ जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर लाइका कोवई किंग को जो है सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं लाइका कोवई किंग जो है इस मुकाबले को जीते अब यहाँ पर काफ़ी अब बढ़िया शॉट खेला था यहाँ पर शाहरुख खान ने शाहरुख खान को एक लंबी पारी खेलनी होगी इस बीच अगली गेंद इस बार गेंद जो है बहुत ही खतरनाक थी डॉट गेंद है कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद को इस गेंद पर यहाँ से कम से कम 150 के ऊपर रन बनाने होंगे लाइका को अगर ये मुकाबला जीतना है तो आ, मार भाई मार प्लीजर मार मार देंगे मार देंगे सर बॉस इंग्लैंड में से कौन जीत गया सब आ, कौन जीतेगा सब भाई अब तो जीत गई साउथ अफ्रीका कहाँ जीत पाएगी इंग्लैंड अब चलिए इस बीच अगली गेंद इस बार कवर की दिशा में खेला ये शॉट को फिल्डर मौजूद है अब लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन मिलेगा इस गेंद पर शाहरुख खान को स्ट्राइक पे आ गए हैं बी साई सुदर्शन स्कोर हो चुका है लाइका का चौरानवे रन चार विकेट नुकसान पर आ, दस दशमलव पाँच गेंदे हो गई हैं ग्यारहवा ओवर है सत्रह ओवर का ये सत्रह ओवर का ये मुकाबला है देखते हैं सत्रह ओवर के मुकाबले में किस तरीके से कौन सी टीम यहाँ पर जीतती है फाइनल मुकाबला है टीएनपीएल 2022 टीएनपीएल 2022 का ये फाइनल मुकाबला है देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगी कुछ जीतती नजर आएगी इस बीच अगली गेंद इस बार सुदर्शन को सुदर्शन ने गेंद को कट किया गेंद गई पॉइंट की दिशा में एक ही रन मिलेगा यहाँ पर आखिरी गेंद पर सुदर्शन को ग्यारह ओवर की समाप्ति के, के बाद पचानवे रन चार विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पे है स्ट्राइक पे है यहाँ पर बी साई सुदर्शन इंग्लैंड ने इन तो भाई आज भी कर दी भाई बिल्कुल भाई कर दी पर भाई देख लिया मैंने मैच बिल्कुल बुरी तरीके से हार गई इंग्लैंड इनका टी ट्वेंटी दो, दो वर्ल्ड कप भी शायद कुछ खास नहीं जाएगा भाई क्योंकि फॉर्म में ही नहीं है प्लेयर इनके प्लेयर फॉर्म में ही नहीं है तो प्लेयर फॉर्म में नहीं है टीम हारेगी हारेगी नेक्स्ट स्मॉल ओवर कम भाई अपरजीत भाई कह रहे हैं लाइका का भी इन पक्का है भाई देखते हैं भाई लायका जीतेगी नहीं जीतेगी इस मुकाबले को न्यूजीलैंड वाली टीम मैच में भाई कहा था अच्छा चल रहा है वहाँ भी भाई आपको आपको क्या लगता है इंग्लैंड फिसिंग कर रही है अपोजिट अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रही है प्रदीप भाई मैं कहूँगा कि इंग्लैंड जो है उसके उसके बल्लेबाज जो है फॉर्म में ही नहीं है शिता जी जुड़ गए हमारे साथ कह रहे हैं हेलो सर हेलो इशिता जी कैसी हैं आप आ, में भाई कह रहे हैं विकेट आएगा भाई चलिए बिप्लोमिन भाई देखते हैं विकेट आएगा कि नहीं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब छः और बचे हैं छत्तीस गेंदे हैं और छत्तीस गेंदों में यहाँ पर ज़रूरत यही कि बच्ची छत्तीस गेंदों में कम से कम साठ रन जोड़े जाए एक तक स्कोर लेके जाए यहाँ पर और भाई स्कॉटलैंड में और न्यूजीलैंड में भी बता दो और रॉक फैमिली भाई स्कॉटलैंड में तो भाई बता तो दिया है न्यूजीलैंड ही जीतेगा उस मुकाबले को न्यूजीलैंड ही जीतेगा उस मुकाबले को आप परेशान बहुत होते हैं रॉक फैमिली भाई अगर आपको डर लगता है तो आप खेलना छोड़ दीजिए क्योंकि आप डर डर के ना जिंदगी जी नहीं पाएंगे दोस्तों दो सौ लाइक हो चुके हैं सत्रह भाई और लाइक कर देंगे तो आंकड़ा पर हो चुका यहाँ पर जो है तीन लाइक्स का गेंदबाजी करने आए साई सुदर्शन शाही शाही किशोर शाही किशोर की पटकी हुई गेंद किया इस गेंद पर चौका मिला है यहाँ पर चौका मिला बी साई सुदर्शन को अभी भी यहाँ पर उम्मीदें बरकरार हैं क्योंकि बी साई सुदर्शन जो है क्रिस पे मौजूद है उनका साथ दे रहे हैं शाहरुख खान आ, स्कोर पहुंच गया स्कोर पहुंच गया का निन्यानवे चार विकेट नुकसान पर रन बन चुके हैं ग्यारह दस रन एक गेंद हो चुकी है और पचास रन पूरे हो गए हैं यहाँ पर बीस आई सुदर्शन के तीस गेंद में पचास रन बना चुके हैं छह चौके और एक छक्का लगा चुके हैं मगर अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है बीस आई सुदर्शन को अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तभी जो है इस मुकाबले में जीत मिल पाएगी लायका को क्योंकि यहाँ से अब बड़े शॉटों की दरकार है क्योंकि पैंतीस गेंदें बची हैं पैंतीस गेंदों में कोशिश है कि साठ रन और जोड़े जाएँ यहाँ पर साई किशोर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है थोड़ा तो से महंगे रहे हैं मगर तो दो विकेट चटकाई है देखते हैं अब यहाँ से अगली गेंद किस तरीके से करेंगे स्ट्राइक पे हैं बी साई सुदर्शन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर साई किशोर भाई टेस्ट टेस्ट में तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है टारगेट चेज कर रही है बिल्कुल भाई सही बात है बोलो भाई सोनू कुमार को और विकेट ले सकता है भाई बिल्कुल ले सकता है एक विकेट मिल सकता है उनको भाई यहाँ पर स्ट्राइक में है अब बी साई सुदर्शन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर साई किशोर साई किशोर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं दो विकेट छटकाएं हैं अभी इस मुकाबले में फाइनल मुकाबला है सत्रह ओवर का ये खे... मुकाबला होगा इस बीच अगली गेंद बार फुल टॉस गेंद थी उसको जो है खेल दिया ऑन साइड की तरफ मिसफील्ड हुई फील्डर से क्या दो रन लेंगे यहाँ पर देखना होगा जी हाँ दो रन पूरे कर लिए हैं इस गेंद पर स्कोर पहुंच गया अब लाइका कोवाई किंग का 101 रन चार विकेट नुकसान पर ग्यारह दशमलव दो गेंदों के बाद तो यहां से गेंदे बची हैं चौतीस देखते हैं चौंतीस गेंदों में कितने रन और जोड़ पाएंगे यहां पर लाइका कोवाई किंग की टीम कप्तान शाहरुख खान टीम से मौजूद है यहां पर पिच पे उनका साथ दे रहे हैं बीस आई सुदर्शन दो सौ भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा लाइका तीन लाइक्स का स्ट्राइक में है बी साई सुदर्शन देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे अगली गेंद तीसरी गेंद बारहवीं ओवर की साई किशोर की, की अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद स्वीप करने की कोशिश मिस कर गए इस गेंद को बी साई सुदर्शन डॉट गेंद कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर अभी भी 101 रन चार विकेट नुकसान पर ग्यारह ग्यारह दशमलव तीन गेंदों के बाद मिश्रा जी व्हेन आई यू इमेजिन शाहरुख के इस टी वर्ल्ड कप लिया अरुण चक्रवर्ती शाहरुख भाई खेल सकते हैं अब देखते हैं अब क्या, क्या पता खेल जाए इंडियन टीम अगली गेंद इस बार आगे बढ़े थे आउटसाइड एज लगी गेंद गई है पॉइंट की दिशा में कोई भी रन नहीं मिला यहाँ पर जो है बी साई सुदर्शन को तो चार गेंदें हो गई हैं इस ओवर की अब संभली हुई गेंदबाजी कर रहे हैं साई किशोर शोर छः रन आ चुके हैं इस ओवर से तो क्या बी साई सुदर्शन एक और बाउंड्री इस ओवर में लगा सकते हैं लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड विन होगा भाई बिल्कुल होगा रंजीत कुमार भाई न्यूजीलैंड जीत सकता है मुकाबले को यहां पर स्ट्राइक पे है बी साई सुदर्शन अगली गेंद इस बार पांचवी गेंद यहां पर फुल टॉस गेंद थी उसको लो फुल टॉस गेंद थी खेल दिया उसको ऑन साइड की तरफ फील्डर मौजूद है एक ही रन मिलेगा यहां पर बी साई सुदर्शन को स्ट्राइक पे आ गए हैं शाहरुख खान टोटल रन पटिशन एक फाइनल भाई चलिए ठीक है भाई यार ये एस कुमार को कितने ओवर मिलेंगे भाई भाई कोई दे नहीं ना सोनू भाई कुमार को ओवर दे नहीं बालू सूर्या कितने विकेट कित लेंगे सिराज भाई बालू सूर्या जो है सतह दो विकेट चटका दे आज यहाँ पर रंजीत भाई कर रहे हैं एलके के विन करेगा भाई एलके को सपोर्ट हम भी कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं लाइका को वही किंग इस मुकाबले को जीते सत्रह ओवर का यह मुकाबला है और कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कर रही है लाइका की टीम शाहरुख खान खेलेंगे यहाँ पर आखिरी गेंद अब बारहवें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं साई किशोर क्या इस ओवर में भी कुछ बड़े शॉट बड़े शॉट तो लगे हैं सात रन आ चुके हैं यहाँ पर कौशिक गांधी जो है कौशिक गांधी जो है बात कर रहे हैं साई किशोर से देखते हैं क्या क्या रणनीति जो है अपनाई जाएगी यहाँ पर शाहरुख खान के लिए क्योंकि शाहरुख खान अगर अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी टीम का स्कोर एक 160 के ऊपर तक ले जा सकते हैं अगली गेंद इस बार सामने है शाहरुख खान गेंदबाजी कर रहे हैं साई किशोर इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव लगाए यहां पर गेंद गई कवर की दिशा में फिल्टर मौजूद है कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर तो आप सब लोग जो है ए वी पे पर ज्वाइन कर लीजिएगा ए वी आर पे ग्लोबल आईडी नेटवर्क है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव चैट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम मिनिमम बेड जो है दस ₹10 की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ का है यहाँ पर और यहाँ पर फास्ट विड्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है ट्वेंटी फोर सेवन चैट सपोर्ट है अच्छी बात इनकी है कि विड्रॉल भी फास्ट है डिपॉजिट भी फास्ट है प्लस मिनिमम बैड सिर्फ दस रुपए की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है AVR पे एक ग्लोबल आईडी नेटवर्क है आ, ग्लोबल आईडी नेटवर्क है यहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने से आप एवीआरपे पे, पे ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ और खेलिए और जीतिए यहाँ पर चलते जरा मुकाबले की तरफ अब मुकाबले की तरफ रुख अपना लें यहाँ पर और काफ़ी हद तक बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी है यहाँ पर जो है बी साई सुदर्शन ने तिरपन रन बना चुके हैं और मैंने मैच से शुरू होने से पहले कहा था बी साई सुदर्शन पर नजर रखिएगा आज वो अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर जो हैं वो बड़े मैचेस में परफॉर्म अच्छा करते हैं पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने बी साई सुदर्शन ने उसके बाद आज फाइनल मुकाबले में भी अपनी टीम को एक मजबूती यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं क्या लगता है आपको 160 तक पहुंच पाएंगे क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ पांच ओवर बचे हैं अगली गेंदकी भी दिशा में पुल कर दिया इस गेंद को एक ही रन मिलेगा सुदर्शन को स्ट्राइक पे आ गए हैं शाहरुख खान स्कोर पहुंच गया यहां पर लाइका को वही किंग का 103 रन चार विकेट नुकसान पर अब बारह गेंद के बाद दो लाइक हो चुके हैं एक भाई और लाइक करेंगे तो आगड़ पर हो जाएगा तीन लाइक का मैंने एक प्लस खेला है पागल हूं भाई भाई देखिए असल रसलबाइट भागल नहीं समझदार है आप पर एक सही खेला है आपने शायद एक बड़ा ओवर एक बीस बीस इक्कीस रन का ओवर जो है एक प्लस हो जाएगा यहाँ पर तो बड़े दो बड़े ओवर गेम चेंज कर देंगे दस रन प्रति ओवर तो आएंगे आएंगे रन क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए पिच बहुत अनुकूल है और पिच पे बल्लेबाजी जो है वो आसान भी है यहाँ पर मैच आज लेट शुरू हुआ था सवा नौ बजे शुरू हुआ था साढ़े दस बज चुके हैं यहाँ पर सत्रह ओवर सत्रह ओवर का खेल खेला जाएगा दो गेंदबाज चार चार ओवर कर सकते हैं तीन गेंदबाज जो है वो तीन तीन ओवर कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होगा इस मुकाबले में आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए आज हमने भी यार काम बहुत किया है वुमेन के मैच में भी चार घंटे में जुड़े रहे ये मैच भी काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि सवा बजे मुकाबला शुरू होना था सवा नौ बजे शुरू हुआ ये मुकाबला सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है स्ट्राइक पे है मौजूद शाहरुख खान शाहरुख खान को अब थोड़ा सा जो है अपने हाथ खोलने चाहिए और बड़े शॉट लगाने चाहिए खराब गेंद को बाउंड्री के क्या पहुंचाना चाहिए इस बीच पटकी हुई गेंद पुल करने की कोशिश यहाँ पर यहाँ पर पुल भी किया और एज लगा और कीपर के सर के ऊपर से गेंद चली गई और चौका मिला इस गेंद पर शाहरुख खान को बढ़िया शॉट यहाँ पर शाहरुख खान का पटकी भी गेंद टॉप एज लगा और कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई यहाँ पर कोई भी फील्डर आप रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर गेंद एक बार चली गई तो चौका ही मिलना है आपको एक सौ सात रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर बारह दशमलव दो गेंदे हो चुकी हैं, दबाव बना के रखा हुआ है यहाँ पर कौशिक गांधी की टीम के ऊपर लाइक हो गई किंग ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी है चाहे वो बीस आई सुदर्शन हो उसके बाद अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो है शाहरुख खान फैंस को लगा शाहरुख हिट डी दिखाएगा ये तो देखदार दिखा रहा है भाई बिल्कुल भाई सही दिखा रहे हैं जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं एक सौ पचपन एस होगा भाई बिल्कुल हो जाएगा सर टेंशन मत लीजिए एक बॉलर कितने ओवर करेगा भाई एक बॉलर जो है दो बॉलर जो है चार चार ओवर कर सकते हैं बाकी तीन गेंदबाज तीन तीन ओवर करेंगे अगली गेंद बार पटकी हुई गेंद थी डिफेंस किया इस गेंद को शाहरुख खान ने कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर इस ओवर में जो है पांच रन आ चुके हैं संदीप वॉरियर जो है गेंदबाजी कर रहे हैं और न्यूज़ बता दें कि भाई साउथ अफ्रीका जो है नब्बे रन से तीसरा टी मुकाबला जीत गया है दो एक से सीरीज अपने नाम कर ली है साउथ अफ्रीका ने बैक टू बैक ये दो हार आ, दो दो सीरीज़ की हार मिली है यहाँ पर पहले इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को उसके बाद अब साउथ अफ्रीका ने टी सीरीज़ हरा दिया है इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर के घर के अंदर भाई तो यहाँ पर चौथी गेंद शाहरुख खान को सिंगल लिया इस गेंद पर स्कोर स्कोर हो चुका है यहाँ पर एक रन चार विकेट नुकसान पर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान की खराब गेंदों पर अब बाउंड्रीज बटोरी जाए यहाँ पर और बाउंड्रीज लगा भी रहे हैं यहाँ पर नब्बे रन से हार गया भाई टी ट्वेंटी में नब्बे रन हारना बहुत बड़ी बात है भाई बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट मॉल ओवर कम चलिए चलिए यहाँ पर आप सब लोग लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंजॉय करिए कर इस मुकाबले को टी का ये फाइनल मैच है टी का ये फाइनल मुकाबला है दोनों टीमें स्ट्रांग टीमें हैं मगर अभी जो है शाहरुख खान और बी सुदर्शन सोच रहे हैं कि यहाँ से बड़े शॉट लगाए जाए क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ छब्बीस गेंदे बची हैं यहाँ पर संदीप ओडर का ये तीसरा ओवर है देखते हैं किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे क्या यहाँ से कुछ बड़े शॉट देखने को मिलेंगे शाहरुख खान और बी साई सुदर्शन के बल्ले से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को तमिलनाडु प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला अगली गेंद सुदर्शन को इस बार थर्ड थर्डमेंट की दिशा में हल्का तो उसे खेला है यहाँ पर एक रन के लिए और एक रन पूरा कर लेंगे बी साई सुदर्शन स्ट्राइक पर आ गए हैं शाहरुख खान गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप वॉरियर सुपर गिलीज ने टॉस जीता आज पहले जो है गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उसके बाद ये निर्णय देखते हैं कैसा रहेगा क्योंकि स्कोर काफी अच्छा बना लिया है लाइका ने एक सौ रन बना लिया है चार विकेट नुकसान पर बारह दशमलव गेंद हो चुकी हैं अगर लायका को यह मुकाबला जीतना है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा फैंस जो है वो भर के आए हुए हैं ग्राउंड के अंदर जानते हैं फाइनल मुकाबला है, है टीएनपीएल का अपने अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं कोई शाहरुख खान का फैन है कोई कौशिक गांधी का है कोई नारायण जगदीशन का है कोई संदीप वॉरियर का है तो काफ़ी फैंस यहाँ पर आए हैं मुकाबला देखने के लिए थोड़ा सा गेंद जो है बारिश के चलते क्योंकि बारिश हुई थी इस ग्राउंड के अंदर तो गेंद गीली भी हो रही है रुमाल से उसको सुखाया सुखाया भी जा रहा है गेंद को तो बॉलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है गेंदबाजों के लिए प्रदीप संदीप संदीप वॉरियर की ये अगली गेंद पांच आखिरी गेंद इस ओवर की वाइड गेंद है ये वाइड गेंद है ये लाइका को मिलेगा एक एक्स्ट्रा रन एक सौ दस रन चार विकेट नुकसान पर बारह दशमलव पांच गेंद हो चुकी हैं मुकाबला चल रहा है यहाँ पर लाइका ओवर सेज यहाँ पर चेपॉक्स सुपर गिलीज का नेक्स्ट मॉल वॉर ठीक है भाई चालीस चालीस बोल रहे हैं विकेट मिलेगा ठीक है भाई संदीप मोटिव समय करें आपका टीम कौन सा है भाई मेरी टीम भाई लाइका कोवे किंग है भाई कितना स्कोर बनेगा भाई 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 डेढ़ सौ तो मैंने कहा था सौ बान एक सौ एक सौ बावन तिरपन तो बन जाएगा अब देखो एक सौ साठ क्रॉस करते हैं कि नहीं यहाँ पर जो है तीन सौ सत्रह लाइक हो चुके हैं सभी भाइयों जो है लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को मेरी टीम लाइका कोवे किंग है लाइका कोवे किंग को सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं लाइका जो है इस मुकाबले को जीते एक सौ दस रन चार विकेट नुकसान पर अब बारह दशमलव पांच गेंद हो गई हैं इस बीच आखिरी गेंद यहाँ पर यहाँ पर आखिरी गेंद संदीप वॉरियर की इस बार रुक गए शाहरुख खान शायद कुछ टेक्निकल इशू था गेंदबाज को रोक दिया क्योंकि रनअप अपना पूरा कर चुके थे आ, संदीप वॉरियर वहाँ पर नारायण जगदीशन जो है वो काफ़ी खफा हैं शायद शाहरुख खान से कुछ कहते हुए यहाँ पर शाहरुख खान भी उनको जवाब देते हुए आ, किसी चीज़ के लिए तो स्कोर हो चुका है एक सौ ग्यारह रन चार विकेट नुकसान पर बारह दशमलव गेंदों के बाद दो लगातार वाइट गेंदें कर चुके हैं यहाँ पर आ, संदीप वॉरियर देखते हैं हम यहाँ से किस तरीके से मुकाला चलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा एक रन चार विकेट नुकसान पर बारह गेंदों के बाद 110, एक सौ दस बाख एक रन बने हुए हैं

24 गेंदे बची हैं अब देखते हैं इन 24 गेंदों में कितने रन और जोड़ पाएंगे यहाँ पर शाहरुख खान और बी साई सुदर्शन आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मिश्रा अंडर स्कोर दिवाकर ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है आपके स्क्रीन के सामने है यहाँ पर आप सर्च करना है एम आई एस एच आर ए अंडर स्कोर दिवाकर डी आई वी ए के आर आप मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे आपसे मैं वहाँ पे भी बात कर सकता हूँ आप सब लोग जो है साथ में ए वी आर पे पे से ज्वाइन कर लीजिएगा ए वी आर पे एक ग्लोबल पे आई नेटवर्क है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइस मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन

अच्छी चीज़ यही है कि मिनिमम बेड दस और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है यहाँ पर तो खेलिए और जीतिए एवीआर पे से लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव शर्ट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके एवीआर पे पर जाइए फोन नंबर डालिए पासवर्ड डालिए आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर जो है अब आ, बात चल रही है कौशिक गांधी के अपने गेंदबाजों से भाई क्या करना है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 24 गेंदे बची हैं अगर यहाँ से 24 गेंदों में 40 रन भी जोड़ते जो, जो, जोड़ते हैं तो एक सौ इक्यावन तक बना सकती है लयक की टीम तो क्या यहाँ से शाहरुख खान आप बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे शाहरुख खान ने ग्यारह गेंदे खेली हैं पंद्रह रन बनाए हैं एक चौका एक छक्का लगाया है यहाँ पर आप देखते हैं गेंदबाजी करने यहाँ पर कौन आएगा लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को तमिलनाडु प्रीमियर लीग का ये जो है फाइनल मुकाबला है आखिरी मुकाबला है आज कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए करो या मरो है जो जीतेगा वो ट्रॉफी ट्रॉफी उठाएगा जो हारेगा वो मुंह देखता रह जाएगा अब देखते हैं कौन मुंह देखेगा और कौन जो है यहाँ पर ट्रॉफी उठाता हुआ नजर आएगा हेलो सर कैसे हो आज कौन जीतेगा भाई कैलाश भाई मेरी तरफ तो से लाइका को सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं लाइका जो है इस मुकाबले को जीते स्ट्राइक में है शाहरुख खान सोनू यादव गेंदबाजी करने आए हैं तो क्या अब शाहरुख खान के बल्ले से हमें जो है एक ब्लॉक बस्टर मूवी देखने को मिलेगी इस बीच अगली गेंद पहली गेंद स्ट्रेट शॉट खेला इस गेंद पर गेंद गई यहां पर फील्ड किया इस गेंद को और लॉन्गोन के फील्डर ने एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं अब बीस साई सुदर्शन स्कोर हो चुका है एक रन चार विकेट नुकसान पर जहाँ पर तेरह दस एक गेंद के बाद तो आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को तमिलनाडु प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला है दोनों टीमें ने जबरदस्त ये सीजन खेला है दोनों टीमों की बल्लेबाजी स्ट्रांग है दोनों टीमों की गेंदबाजी स्ट्रांग है इसीलिए दोनों टीमें जो है फाइनल में भिड़ रही हैं यहाँ पर और दोनों टीमें जो है सेम नई रॉयल किंग को हरा कर जो है फाइनल पहुंची थी देखते हैं हम कि यहाँ से किस तरीके से खेलेंगे बीस आई सुदर्शन बीस आई सुदर्शन का ये सीरीज जो है वो टूर्नामेंट जो है काफ़ी अच्छा गया था यहाँ पर अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद सोनू यादव की तेज गेंदबाज सोनू यादव दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं इस बीच यॉर्कर डिलीवरी थी स्ट्रेट शॉट खेला यहां पर बढ़िया ये शॉट है यॉर्कर गेंद पर भी चौका बटोर लिया यहां पर बी साई सुदर्शन ने कहीं ना कहीं फुल फॉर्म में है यहां पर बी साई सुदर्शन चौका मिलता हुआ यहां पर लायका को वही किंग को एक सौ सो सोलह रन चार विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव दो गेंदों के बाद तो बाईस गेंदे बची हैं अब बाईस गेंदों में कोशिश यही कि कम से कम चालीस से पैंतालीस रन और जोड़े जाए यहां पर आ, आउट कर दे यार कैसे कर दे देसी टेक्नो भाई कैसे आउट कर दे तीन लाइक हो चुके हैं तेईस भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा कर जाएगा यहां पर लाइक्स का लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और एवीआरपे पे जुड़ना मत भूलेगा पे ग्लोबल आईडी नेटवर्क है मिनिमम बैठ दस रुपए की है और मिनिमम डिपोट जो है सौ रुपए का है तो यहाँ पर अगली गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद थी पॉइंट की दिशा में खेल दिया है यहां पर भी शाही सुदर्शन ने चौका बटोरा इस गेंद पर स्कोर पहुंच गया यहाँ पर लाइका का एक रन 120 रन बन चुके हैं यहाँ पर और चार विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव तीन गेंदे हो गई हैं और बी साई सुदर्शन का बल्ला रुक नहीं रहा है तिरसठ रन बना चुके हैं सुदर्शन अड़तीस गेंदों का सामना किया आठ चौके एक छक्का लगा चुके हैं बहुत ही खूबसूरत ये बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं बी साई सुदर्शन यहाँ पर अभी भी इस ओवर की तीन गेंदे बची हैं राम सिंह सोनू यादव पहला ओवर काफी अच्छा गया था इस ओवर में जो है नौ रन आ चुके हैं अब तीन गेंदे हुई हैं सुपर गिलीज के लिए लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यह मुकाबला अगली गेंद इस बार चौथी गेंद चौथी गेंद है स्ट्राइक पे है यहाँ पर बीस आई सुदर्शन देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे न्यूजीलैंड चाहिए क्या वाला बन डब्बा मैच छोड़ेगा भाई पता नहीं भाई न्यूजीलैंड जीतना चाहिए यहाँ पर अब सिंगल लिया इस गेंद पर जो है बी साई सुदर्शन ने स्ट्राइक पे आ गए हैं शाहरुख खान स्कोर हो चुका है लाइका को वाई किंग का 121 रन चार विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव चार गेंदों के बाद सत्यश कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ कह करें हाय सर हाय सत्य कुमार भाई कैसे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को तमिलनाडु प्रीमियर लीग का एक बढ़िया मुकाबला चल रहा है फाइनल मुकाबला है बारिश हुई थी मगर तब भी ग्राउंडसमैन ने ग्राउंड को तैयार किया है इस मुकाबले के लिए सबकी मेहनत जो है रंग ला रही है और स्ट्राइक पे जो है शाहरुख खान है इस ओवर में दस रन आ चुके हैं गेंदे हुई हैं चार अगली गेंद इस बार पांचवी गेंद सोनू यादव की वाइड गेंद दिशाहीन गेंद थी आ, वाइड गेंद है, स्लोर वन गेंद है करी थी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा यहाँ पर आ, कोवाई किंग को 122 रन चार विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव चार गेंदों के बाद गेंद फाइंग्लैंड ने तो लॉस करवा दिया भाई हो जाता है भाई हो जाता है ऐसा हो जाता है वही लोग चलिए भाई यहाँ पर काफी लोग हमारे जुड़े हुए हैं तीन सौ सैंतीस लाइक हो चुके हैं तेरह भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहाँ पर जो है साढ़े तीन सौ लाइक का तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को स्ट्राइक पे है शाहरुख खान क्या शाहरुख खान यहाँ पर बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे देखने वाली बात ये यह होगी यहाँ पर अगली गेंद इस बार पांचवी गेंद शाहरुख खान को देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर पांचवी गेंद इस बार सोनू यादव के सामने शाहरुख खान पटकी हुई की दिशा में खेल दिया शाहरुख खान ने चौका बटोरा इस गेंद पर खूबसूरत बाउंड्री है और स्कोर पहुंचा दिया अपनी टीम का रन चार विकेट तेरह दशमलव पांच गेंदों के बाद पटकी हुई गेंद स्लो वन गेंद थी पिक कर लिया उस गेंद को और स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया चौके के लिए यहाँ पर अच्छी टाइमिंग और कहीं ना कहीं गैप्स जो है वो अच्छे मिल रहे हैं यहां पर जो है आ, पर शाहरुख खान को आप सब लोग जुड़े हुए हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इसी तरह के सपोर्ट करते रहिए लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो ये आप यहाँ पर चौदवा ओवर है चौदवा ओवर काफी महंगा हो रहा है यहाँ से उन्नीस गेंदें बची हैं इस इनिंग की देखते हैं उन्नीस गेंदों में तो क्या बड़ा शॉट लगेगा अगली गेंद इस बार सोनू यादव का ये ओवर काफी महंगा जा चुका है काफी महंगा जा चुका है सोनू यादव का शाहरुख खान हार्टर बल्लेबाज है बीस साई हाँ सुदर्शन टिक के बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज मौजूद है क्या 170 रन दिमाग में देख रहे हैं यहाँ पर जो है शाहरुख खान अगले गेंद सोनू यादव किस की पटकी हुई गेंद स्ट्रेट शॉट खेला इस गेंद पर गेंद गई यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास शाहरुख खान 14 की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है है पर जो लाइका कोई किंग का एक रन चार विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पे होंगे यहां पर शाहरुख खान देखते हैं अब गेंदबाजी कौन करता है पंद्रहवें ओवर की यहां से अट्ठारह गेंदें बची हैं अब देखते हैं अट्ठारह गेंदों में कितने रन और यहाँ पर जोड़ पाएंगी जोड़ पाएंगे लाइका कोवई किंग के अब बल्लेबाज सौ चौवालीस लाइक हो चुके हैं छह भाई और लाइक करिएगा आंकड़ा जाएगा यहां पर लाग का लाइक करिए 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 सब्सक्राइब इस मुकाबले को यहां पर काफी लोग हमारे जुड़े हुए हैं विकेट नीड भाई ओके कौतो रन हो भी भाई भाई डेढ़ सौ तो मैंने बोला था एक सौ बावन तक मैंने बोला था था कि एक सौ बावन तक बन जाएगा मगर आप देखिए यहां से कितना बनता है अभी तो मैच चल रहा है और लग रहा है कि शायद तक एक सौ साठ तक देख रहे हैं दिमाग के अंदर शाहरुख खान एक बड़े ओवर की उम्मीद रहेगी आप यहाँ पर गेंदबाजी करने आए हैं यहाँ पर साई किशोर साई किशोर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए क्या साई किशोर यहाँ पर एक किफायती ओवर डाल पाएंगे या फिर हमें जो है बड़े शॉट लगाते नज़र आएंगे शाहरुख खान शाहरुख खान इस टाइप मौजूद हैं पंद्रहवा ये ओवर है सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आ खेला है लायका कोवई किंग ने तो अगली गेंद इस बार अगली गेंद है यहाँ पर पहली गेंद है देखते हैं क्या होगा विराट कोहली फैन क्लब खेल दिया है। एक रन के लिए एक रन पूरा कर लेंगे सुदर्शन गे गेंदबाजी कर रहे हैं साई किशोर यहाँ पर जो है चंदन कुमार जगह ठीक है इंडिया ने इंडिया में आठ विकेट से हरा दिया भाई बिल्कुल कमेंट्री भी की थी ललित कुमार भाई हमने उस मैच की तो स्ट्राइक पे मौजूद है यहाँ पर बी साई सुदर्शन अब सुदर्शन को जो है बड़े शॉट लगाने होंगे बड़े शॉट लगाने होंगे यहां पर क्या इस मुकाबले में कुछ बड़े शॉट देखने को मिल जाएंगे यहां से थोड़ा सा जो है सुदर्शन को दो तीन बाउंड्री एक दो बाउंड्री जो है इस ओवर में लगानी पड़ेगी कम से कम दस रन प्रति ओवर तो बनाने ही पड़ेंगे साई किशोर तैयार है अगली गेंद करने के लिए फील्ड बिल्कुल सेट कर दी है बी साई सुदर्शन के लिए दूसरी गेंद यहाँ पर पंद्रहवें ओवर की क्या ये बड़ा शॉट होगा क्या यहाँ पर हमें ये बड़ा शॉट देखने को मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा बी साई सुदर्शन को साई किशोर की, की गेंद अगली गेंद इस बार बाहर रखी थी गेंद को कट किया था इस गेंद पर कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर साई सुदर्शन को एक डॉट गेंद आती डॉट गेंद आती हुई पंद्रहवें ओवर की यहाँ पर कोशिश यही कर रहे हैं साई किशोर की, की भाई बल्लेबाज से गेंद को दूर रखें यहां पर बल्लेबाज से दूर रखें गेंद को और काफी हद तक जो है जितना दूर रखेंगे उतना फायदा रहेगा साई किशोर को क्या इस बार स्वीप देखने को मिलेगा हमें साई सुदर्शन से देखना होगा इस बार तीन सौ तिरपन लाइक हो चुके हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इस बीच अगली गेंद आग दूसरी गेंद फुल टॉस गेंद थी लो फुल टॉस गेंद थी इसको खेल दिया ऑन साइड की तरफ एक ही रन मिला यहाँ पर साई सुदर्शन को स्ट्राइक पे आ गए हैं शाहरुख खान एक अच्छा ओवर जाता हुआ यहाँ पर चैपॉक सुपर गिलीज़ के लिए तीन गेंदें हो गई हैं इस ओवर की मात्र दो रन आए हैं आ, यहाँ पर आर साई आर साईं किशोर का ये जो है आखिरी ओवर है उनके स्पेल का चौबीस रन दिए हैं दो विकेट छिटकाए हैं इकॉनमी काफ़ी अच्छी रही है यहाँ पर आ, यहाँ पर जो है काफी लोग जुड़े हुए हैं यू कह रहे हैं सतेंद्र यादव भाई सतेंद्र भाई बढ़िया हूँ सर आप बताइए आप कैसे हैं सर किसको सपोर्ट कर रहे हो यश प्रमार भाई लाइका कोवाई किंग को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर और काफी हद तक मुकाबला जो है काफी अच्छा चल रहा है छह सौ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इस बार स्ट्राइक पे हैं शाहरुख खान गेंदबाजी कर रहे हैं शाही किशोर शाही किशोर की अगली गेंद इस बार खल्की गेंद धीमी गति गेंद थी यहाँ पर अपील करी जोरदार अपील यहाँ पर अंपायर ने नॉट आउट कहा नारायण जगदीशन की अपील इस तरीके से हो रही है आज कि जैसे कि हर गेंद पर उनको विकेट मिल जाएगी शाहरुख खान ने कट किया था इस गेंद को और मिस कर गए थे इस गेंद को तो अच्छा ओवर जाता हुआ यहां पर अच्छा सुपर गिलीज के लिए यहां से कोशिश जारी है कि एक एक बाउंड्री और बटोरी जाए कम से कम एक बाउंड्री जो है बटोरी जाए इस ओवर में देखना होगा नारायण जगदीशन हमेशा शायद गुस्से में ही रहते हैं टीएनपी एल के मुकाबले में हार्ट बीट बढ़ती रहती है चलिए यहां पर अगली गेंद इस बार ये जो है पांचवी गेंद है पांचवी गेंद है ओवर की स्ट्राइक पे शाहरुख पूरे पूरे मगर इस बार बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी नहीं टॉप एच लगा और शाहरुख खान यहां पर कैच आउट हो गए तो यहां पर एक और विकेट गिरती हुई लाइका कोवई किंग की एक रन पांच विकेट नुकसान पर चौदह दशमलव पांच गेंदों के बाद शाहरुख खान ने बनाए सत्रह गेंदों में बाईस रन दो चौके लगाए थे एक छक्का लगाया था यहां पर उनको आउट कर दिया आर साइंस शाह आर शाही किशोर शोर ने तो आर शाहीद किशोर का ये तीसरा विकेट है और चौबीस रन दिए हैं तीन विकेट छटकाए हैं तीन दशमलव पांच गेंदे फेंकी है यहां पर और शाहरुख खान यहाँ से पवेलियन जाते हुए शाहरुख खान अब यहां पर चले गए हैं क्योंकि बड़े शॉट लगाने पड़ते हैं बड़े शॉट लगाने के चक्कर में यहाँ पर कैच आउट होते हुए शाहरुख खान तीन लाइक हो चुके हैं इकतालीस भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहाँ पर चार लाइक्स का तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अभी भी देखिए अभिषेक तंवर आने बाकी हैं अभिषेक तंवर भी जो है बड़े शॉट लगा लेते हैं यहां पर की बल्लेबाजी काफी लॉन्ग है और बल्लेबाजी करना जो है गेंदबाज भी बल्लेबाजी करना जानते हैं यहां पर तो लाइक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर मुकाबला चल रहा है इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तेरह गेंदे बची हैं क्या तेरह गेंदों में आ, बीस रन और जोड़ सकते हैं क्या क्या पच्चीस रन और जोड़कर एक प्लस स्कोर खड़ा कर सकते हैं यहाँ पर लाइका कोवई किंग के बल्लेबाज बीस आई सुदर्शन का अच्छी बात है कि बीस आई सुदर्शन जो है क्रिस पर मौजूद हैं इकतालीस गेंदों में पैंसठ रन बना चुके हैं आठ चौके एक छक्का लगा चुके हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी देखते हुए बीस आई सुदर्शन की तो यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट है ये चिबॉक्स सुपर गलीस के लिए लाइका कोवाई किंग का बल्लेबाज अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए हैं अभिषेक तंवर पहली गेंद थी हल्के हाथों तो से खेला और एक रन पूरा कर लिया है और स्कोर स्कोर जो है स्कोर जो है यहाँ पर 130 हो चुका है पांच विकेट नुकसान पर पंद्रह ओवर के बाद स्ट्राइक पे होंगे अभिषेक तंवर देखते हैं अब गेंदबाजी जो है कौन करता है सोलहवें ओवर की सोलहवा ओवर जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से थोड़ा सा जो है शॉट्स अगर लगते हैं तो बेटर रहेगा बाकी देखते हैं किस तरीके से ये गेम चलता है शाहरुख खान तो आउट हो चुके हैं यहाँ पर शाहरुख खान तो आउट हो चुके हैं यहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा क्या यहाँ से बड़े शॉट लगाते आ, आ, आएंगे अब भी सादर्शन देखने वाली बात ये होगी लाइक ज़रूर करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला चल रहा है यहाँ पर टी का फाइनल मुकाबला है ये फाइनल मुकाबला है ये और इस फाइनल मुकाबले में विकटें जो है गिराई हैं साई किशोर ने तो स्ट्राइक में है अभिषेक तंवर अभिषेक तंवर ने पिछले मुकाबले में भी कुछ बड़े शॉट लगाए थे यहाँ पर अभिषेक तंवर एक गेंद खेलकर एक रन बनाए हैं बारह गेंदे बची हैं अब बारह गेंदों में क्या पच्चीस रन और जोड़कर एक सौ पचपन रन तक पहुँच सकती है लायका कोवई किंग की टीम कोशिश यही कि बड़े शॉट लगाइए हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुँचाइए टॉस तो जीता था चैपॉक सुपर गिलीज ने पहले गेंदबाजी करने निर्णय लिया गेंदबाजी उतनी कुछ ठीक हुई नहीं है मगर चाहेंगे कि आखिरी दो ओवर में जो है कम से कम रन दिए जाएँ यहाँ पर सत्रह रन आएंगे भाई इस ओवर में भाई अरफ़तर अभी भाई करें सत्रह रन आएंगे देखते हैं सत्रह आते हैं कि नहीं थ्री सिक्सटी सेवन लाइक हो चुके हैं यहाँ पर तैंतीस भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा हो जाएगा यहाँ पर चार सौ लाइक्स का तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इन्जॉय करिए इस मुकाबले को शाहरुख खान बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए उतनी लंबी पारी नहीं खेल पाए पिछला मैच जो है शाहरुख खान ने अपनी टीम को बल्ले के साथ जिताया था अभिषेक तंवर को पहली गेंद इस बार स्लोर वन गेंद थी पूरी तरीके से बीट हो गए इस गेंद से अभिषेक तवर कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर एक रन पांच विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव एक गेंद के बाद तो यहाँ से ग्यारह गेंदें बची हैं देखते हैं ग्यारह गेंदों में कितने रन और जोड़ पाएंगे लाइका के बल्लेबाज अभिषेक तंवर आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को आखिरी ग्यारह गेंदे अभिषेक तंवर ट्रॉफी सामने रखी है चमचमाती हुई ट्रॉफी है ये क्या इस ट्रॉफी को लाइका को एक जीत पाएगी क्योंकि लाइका एक बार भी, भी टीएनपी की ट्रॉफी जीती नहीं है इस बीच अगली गेंद स्लोर वन गेंद बल्ला घुमाया था यहां पर अभिषेक तंवर ने फील्डर गेंद को नीचे आ चुके हैं कैच आउट हो गए यहां पर अभिषेक तवर एक और विकेट गिरता हुआ लाइक कोवाई किंग का 130 रन 6 विकेट नुकसान पर पंद्रह दो गेंदों के बाद यहां पर अभिषेक अविष्य ने जो है तीन गेंदे खेली है मात्र एक रन बनाए और कैच आउट हो गए क्योंकि अब अब जो है यहां से बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे लायक को उसके वो बड़े शॉट लगाते लगाते जो है विकटे गिरती जा रही है यहां पर लायक को वही किंग की आप सब लोग जो है पे के साथ जुड़ जाइएगा एवीआरपे एक ग्लोबल आई डी नेटवर्क है लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइन मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करिए पे के साथ मिनिमम बैठ सिर्फ दस रुपए की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है तो खेलिए और जीतिए ए वी पे के साथ यहाँ पर फास्ट विड्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है ट्वेंटी फोर सेवन लाइट शर्ट सपोर्ट है यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट चलते हैं जहाँ पर आप पचास हज़ार रुपये तक का कैश प्राइस जीत सकते हैं जैसे विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में प्लस यहाँ पर आपको दो का बोनस मिलेगा विड्रॉल करिए चाहे डिपॉजिट करिए आपको दो का बोनस मिलेगा ही मिलेगा अच्छी बात मुझे इस वेबसाइट की लगती है कि मिनिमम बैट दस की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पिन कर दिया है लिंक को क्लिक करके आई डी क्रिएट कर लीजिए पे के साथ खेलिए और जीतिए खुशी भाई आपका नाम ले लिया जितेश जीती है खुर्शीद से कम बनेंगे भाई भाई देखते हैं अभी साई सुदर्शन खड़े हुए हैं बी साई सुदर्शन खड़े हुए हैं तो हो सकता है शायद रन बन जाए यहां पर नए बल्लेबाज आए हैं अब मनीष रवि स्ट्राइक पे हैं बी साई सुदर्शन यहां पर जो है अब स्ट्राइक पे है बी साई सुदर्शन पैंसठ रन बना लिए हैं इकतालीस गेंदों का सामना किया है यहां पर और यहां पर जो है माफी चाहेंगे स्ट्राइक पे थे मनीष रवि सिंगल लिया पहली गेंद पर और स्ट्राइक पे आ गए हैं बीस आई सुदर्शन स्कोर हो चुका है एक सौ इकतीस रन छह विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव तीन गेंदों के बाद नौ गेंदे बची हैं इस इनिंग की इस इनिंग की सिर्फ नौ गेंदे बची हैं और कैसा रहेगा कैसा रहेगा इन नौ गेंदों में अगर तीस रन आ जाए तो क्या यहाँ पर बीस सुदर्शन बड़े शॉट लगा सकते हैं देखने वाली बात ये होगी तीन सौ लाइक हो चुके हैं अट्ठाइस भाई और लाइक कर दीजिएगा तो आगड़ा प्रो जाएगा यहाँ पर यह चार सौ का स्ट्राइक पे है यहाँ पर बी साई सुदर्शन लाइका को के एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने इस मुकाबले में पचास रन बनाए हैं यहाँ से उन पर निगाहें हैं कि गेम को फिनिश करके आएँ अंत में जो है बड़े शॉट लगा के आएँ तभी एक बड़े स्कोर तरफ बढ़ सकती है लाइका की टीम देखते हैं अभी क्या होगा संदीप वॉरियर गेंद लेके आए हैं यहाँ पर सोलवें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप वॉरियर सत्रह ओवर का ये मुकाबला है अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद सुदर्शन को इस बार सुदर्शन ने पुल किया इस गेंद पर यहाँ पर कैच आउट हो गए एक और विकेट गिरता हुआ इस ओवर में बी साई सुदर्शन के रूप में पुल किया था इस गेंद पर और गेंद गई लॉन्ग ऑफ की दिशा लॉन्ग ऑन की दिशा में और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोई भी गलती नहीं करी यहां पर कैच पकड़ लिया बी आई सुदर्शन का स्कोर हो चुका है यहां पर लाइका कोवई किंग का एक सौ इकतीस रन सात विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव चार गेंदों के बाद संदीप वॉरियर कर रहे हैं गेंदबाजी और संदीप वर्यर ने झटका दी है यहां पर तीन विकेटें उनतीस रन देकर तीन दशमलव चार गेंदे करी हैं उनके स्पेल का ये आखिरी ओवर है इनिंग का ये सोलह ओवर है देखते हैं किस तरीके से मुकाला चलेगा यहाँ पर लाइक हो चुके हैं चौबीस भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पर हो जाएगा यहाँ पर चार सौ का तो आप सब लोग एवीआरपे पर ज्वाइन कर लीजिएगा एवीआरपे एक ग्लोबल पे आई नेटवर्क है मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपये की है मिनिमम जो है सिर्फ सौ रुपये का है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है चैट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए ज्वाइन कर, कर लीजिए वहाँ पर और खेलिए और जीतिए ए वी आर पे पे फास्ट विड्रॉल फास्ट डिपॉजिट ट्वेंटी फोर सेवन लाइफ सपोर्ट है ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल साइट है ए वी आर पे ए वी आर पे पर खेलिए और जीतिए दुनिया के किसी भी कोने से आप ए वी आर पे पर जुड़ सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं अच्छी बात सिर्फ यही है कि मिनिमम बैट दस रुपये की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये की है यहाँ पर जो है अगली गेंद इस बार संदीप बॉलर की यहाँ पर जो है बाउंसर गेंद थी कट खेलने की कोशिश थी यहाँ पर बल्लेबाज बालू सूर्य की कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर अभी भी एक रन सात विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव पाँच गेंदे हो चुकी है इस ओवर में जो है सिर्फ एक ही रन आया एक बहुत ही अच्छा ओवर सोलवा ओवर किया है संदीप वॉरियर ने यहाँ पर टॉस जीता था छह सुपर गिलीज ने शुरुआत तो उतनी तो कुछ खास हुई नहीं थी मगर अंत में अंत में अच्छी अच्छी यहाँ पर जो है आ, गेंदबाजी करते हुए और बालू सूर्या को अगली गेंद इस बार संदीप ओवर की देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे बालू सूर्या को ये आखिरी गेंद सोलवे ओवर की और, और यहाँ पर बालू सूर्या को आउट कर दिया कट किया था इस गेंद पर बालू सूर्या ने और सीधा जो है पॉइंट के फील्डर के हाथ में मार बैठे और कैच आउट हो गए बालू सूर्या बालू सूर्या।, सूर्या ने बनाए शून्य रन यहाँ पर दो गेंदों का सामना किया और संदीप ओवर का क्या ये लाजवाब ओवर गया है इस ओवर में सिर्फ एक रन दिए और तीन विकेट छटकाए एक बहुत ही अच्छा स्पेल संदीप वॉरियर का चार ओवर किए उनतीस रन दिए और चार विकेट छटकाए यहाँ पर स्कोर हो चुका है लाइका कोवई किंग का एक सौ इकतीस रन आठ विकेट नुकसान पर सोलह ओवर के बाद एक ओवर बचा है क्योंकि सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला होना है बारिश के चलते मैच सवन बजे शुरू हुआ था और सत्रह ओवर का ये मुकाबला होना है तो आखिरी ओवर बचा है इस इनिंग का आप देखते हैं आखिरी ओवर में कितने रन और जोड़ पाते हैं यहाँ पर जो है लाइका के बल्लेबाज सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक like कर दीजिएगा एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है यहाँ पर एक ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है देखते हैं किस तरीके से इस मुकाबले में खेलेंगे यहाँ पर किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर देखते हैं अभी स्कोर हो चुका है एक रन आठ विकेट नुकसान पर सोलह ओवर के बाद सोलह ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं मनीष रवि यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे स्ट्राइक पर स्ट्राइक पे होंगे बड़ी रवि और अजीत अजीत राम जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे छः गेंदे बची हैं आप देखना होगा सत्रह ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पे है मनीष रवि सिंगल लिया इस गेंद पर आ, स्ट्राइक पे आ गए हैं अजीत राम स्कोर हो चुका है एक रन आठ विकेट नुकसान पर सोलह दशमलव एक गेंद के बाद पांच गेंदे बची हैं इस इनिंग की देखते हैं बची हुई पांच गेंदे में कितने रन और जोड़ पाएंगे राहुल जी ये सत्रह ओवर का मैच है और सत्रह ओवर का बस आखिरी ओवर है सत्रहवा ओवर आखिरी ओवर है आप देखते हैं आखिरी ओवर में कैसे बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला चल रहा है यहाँ पर टी एन पी एल का टी एन पी एल का ये मुकाबला है यहाँ से यहाँ से कोशिश करनी होगी क्या बड़ा शॉट लगेगा क्या बड़ा शॉट लगा सकते हैं देखने वाली बात ये होगी क्या बड़ा शॉट लगा सकते हैं देखना होगा यहाँ पर अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद स्लोर वन गेंद थी आउटसाइड द ऑस्टम गेंद थी जाने दिया इस गेंद को शॉट खेला था मगर करेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को दूसरी गेंद भी जो है वो डॉट गेंद हो गई है दो लगातार यहाँ पर गेंदे अच्छी गेंदे करी है यहाँ पर आ, जो है गेंदबाज का नाम बता दें जरा सोनू यादव सोनू यादव कर रहे हैं आखिरी ओवर दो गेंदे कर चुके हैं यहाँ पर स्कोर हो चुका है अब लाइका का एक रन आठ विकेट नुकसान पर अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद सोनू यादव की स्ट्राइक पे है अजीत राम अजीत राम ने इस गेंद को खेल दिया एक रन मिला इस गेंद पर अजीत राम को स्ट्राइक पे आ गए हैं मनीष रवि स्कोर हो चुका है लाइका का एक रन एक रन आठ विकेट नुकसान पर सोलह गेंदों के बाद तो यह आखिरी ओवर है इस इनिंग का बीस ओवर का ये मुकाबला नहीं है सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है और यह ओवर जो है आखिरी है अब यहाँ पर यह फाइनल मुकाबला है काफी हद तक जैसा लग रहा था कि शायद डेढ़ सौ क्रॉस कर जाएंगे मगर यहाँ पर डेढ़ सौ जो है दिख नहीं रहा कि डेढ़ सौ बनेंगे यहाँ पर यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ और बात करते रहते हैं तीन सौ अस्सी लाइक हो चुके हैं बीस बाई और लाइक कर दीजिएगा आंकड़ा पड़ा हो जाएगा चार सौ लाइक्स का स्ट्राइक पे है यहाँ पर जो है मनीष रवि क्या मनीष यहाँ पर बड़े शॉट खेल सकते हैं दस रन और जोड़ सकते हैं क्या टीम के लिए क्या यहाँ से कोई बाउंड्री लगती हुई नजर आएगी अगली गेंद चौथी गेंद यहाँ पर मनीष रवि को मनीष रवि जो है आउट हो गए पटकी भी गेंद स्लो रन गेंद थी पुल किया और वहाँ पर एक बेहतरीन लाजवाब कैच वो फील्डर का और यहाँ पर थोड़ी सी चोट भी लगी होगी शायद क्योंकि कैच बहुत ही अच्छा था आगे की तरफ डाइव लगाया और कैच को पकड़ा एक बार अंपायर जो है वो कैच को चेक भी करना चाहेंगे मनीष रवि थे स्ट्राइक पर स्कोर हो चुका है एक रन नौ विकेट नुकसान पर सोलह दशमलव चार गेंदों के बाद अंपायर जो है वो एक बार कैच को चेक करेंगे यहाँ पर सॉफ्ट सिग्नल जो है अंपायर का वो आउट दिया है अब यहाँ से यहाँ से देखते हैं क्या ये आउट होगा कि नहीं आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यहाँ पर मार्केट लोड के अनुसार लाइट के क्या विनर हो गए भाई विधान भाई मेरे हिसाब से वैसे लग रहा है मुझे भी ओमकार भाई कह रहे हैं सिक्स नो हुआ भाई बिल्कुल भाई वन सिक्सटी सिक्स नो लग रहा है देखते हैं अभी इस कैच को सही तरीके से पकड़ा है कि नहीं क्योंकि ये आखिरी ओवर है इस इनिंग का और सॉफ्ट सिग्नल जो है आउट दिया है अंपायर ने अगर आ, अच्छा एविडेंस नहीं मिला तो यहाँ पर अंपायर के डिसीजन साथ जाना होगा आउट देना होगा यहाँ पर मनीष रवि को अब दो तो गेंदे बची हैं इस इनिंग की और इनिंग जो है समाप्त होने वाली है एक रन नौ विकेट नुकसान पर सोलह गेंदे हो चुकी हैं राम सिंह सोनू यादव कर रहे थे गेंदबाजी आखिरी ओवर की और यहाँ पर कैच को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है क्या ये कैच आउट होंगे क्योंकि जब गेंद को पकड़ा गेंद शायद जी हाँ ऐसा लग रहा है कि गेंद जो है वो नीचे गिर गई थी और उसको छुपाया वहाँ पे फील्डर ने और उसके बाद गेंद को पकड़ा वहाँ पर ऐसा लग रहा प्रतीक हो रहा है देखते हैं अंपायर क्या करेंगे यहाँ पर कैच को चेक किया जा रहा है क्या ये कैच सही तरीके से पकड़ी है कि नहीं जी नहीं सही तरीके से बिल्कुल यहाँ पर कैच को पकड़ लिया है फील्डर ने मनीष रवि हो गए हैं आउट एक रन नौ विकेट नुकसान पर सोलह गेंदों के बाद राम सिंह सोनू यादव को मिल गई उनकी पहली सफलता चौबीस रन दिए हैं एक विकेट चटकाया है दो दशमलव चार गेंदे करी हैं यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर नाम पे धब्बा है भाई देखी जाइए शुभम भाई शुभम भाई देखे जाइए यहाँ पर ऐसे ही होता है न्यूजीलैंड का डब्बा बंद कर दिया है बयालीस ओवर में तेईस रन चाहिए एक बॉल पर एक रन की पार्टनरशिप हुई है भाई सोच लीजिए भाई कैसी पार्टनरशिप हुई है अरे यार स्कॉटलैंड की टीम कमज़ोर टीम है एक्सपीरियंस इतना है नहीं और न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है इतने दिन से वो यूके यूरोप में ही घूम रहे हैं भाई और ज़बरदस्त समझ गए हैं इस, इस कंडीशन को अब उनका होम ग्राउंड हो गया है यूके मैं बोला था भाई डेढ़ सौ अंडर होगा भाई फिक्सिंग होती है भाई बिल्कुल यशवर सोलंकी भाई हो गया नीचे ही हो गया अच्छी बात है एक तक लंबी गई थी जिसके बाद भी देखिए एक बनने के लाले पड़ रहे हैं अब यहाँ पर पाँचवीं गेंद है स्ट्राइक पे हैं स्ट्राइक पे हैं युधिशर युधिश्वरा जो है वो अब बल्लेबाजी करने आए हैं पांचवी गेंद पर सिंगल है युधिश्वरा ने स्ट्राइक पे आ गया है अजीत राम आखिरी गेंद खेलेंगे यहाँ पर इस इनिंग की सत्रह 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 ओवर का ये मुकाबला है एक सौ चौंतीस रन नौ विकेट नुकसान पर सोलह दशमलव पाँच गेंदों के बाद आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यहाँ पर अजीत राम स्ट्राइक पर मौजूद हैं खेलेंगे यहाँ पर आखिरी गेंद सोनू यादव की देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे तीन लाइक हो चुके हैं तेरह भाई और लाइक कर देंगे तेरा भाई और लाइक कर देंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा चार सोल्स का लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और ABR पे के साथ जुड़ना मत भूलिएगा यहाँ पर आखिरी गेंद थी और अजीत राम ने इस आखिरी गेंद पर लगाया है बाउंड्री और शुरुआत जो हुई थी वो चौके के साथ हुई थी पहली गेंद पर और आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया है यहाँ पर तो स्कोर हो चुका है लाइक कोवे किंग का एक सौ रन नौ विकेट नुकसान पर सत्रह ओवर की समाप्ति के बाद इनिंग ब्रेक यहाँ पर हो चुकी है आप चेपॉक सुपर गिरीज को एक रन बनाने हैं यहाँ पर जीतने के लिए इस मुकाबले को यहाँ पर 102 गेंदों में क्या बना पाएंगे देखने वाली बात होगी तब तक आप सब लोग जो है ए पे के साथ जुड़ जाइए ए पे ग्लोबल पे आईडी डी नेटवर्क है मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपये की है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये की है यहाँ पर फास्ट विड्रॉल और फास्ट डिपॉजिट है ट्वेंटी फोर सेवन सपोर्ट है प्लस यहाँ पर जो है ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है भरोसेमंद वेबसाइट है ए पे और दुनिया के किसी भी कोने से आप ए वी आर पे जुड़ सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव शर्मा ने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम तो आप लेंगे छोटा सा ब्रेक आ, मैंने बहुत बिन भाई साउथ अफ्रीका में एक सौ तिहत्तर रुपये चलिए भाई यहाँ पर जो है अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन में नमस्कार सारे व्यूअर्स से और यहाँ पर हमारा जो ब्रेक है थोड़ा सा लंबा चला गया और यहाँ पर ब्रेक लंबा जाने की वजह से जो है अब कौशिक गांधी भी चले गए हैं इस मुकाबले से आउट होकर अजीत राव ने छटकाई है पहली विकेट यहाँ पर स्कोर हो चुका है चेपॉक सुपर गिलीज का तीन रन एक विकेट नुकसान पर एक दशमलव दो गेंदों के बाद चौरानवे गेंदों में चाहिए एक रन स्ट्राइक पर हैं राधा कृष्णा कि राधाकृष्ण जो है अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आज उनको टीम में रखा गया है साथ में उनके नारायण जगदीशन है दोनों जो है ज़बरदस्त बल्लेबाज खासकर नारायण जगदीशन उनको आज लंबी पारी खेलनी होगी क्योंकि कौशिक गांधी जो है वो आउट हो चुके हैं आज तो यहाँ से मुश्किलें हैं चपक सुपर गिलज़ के लिए मैं चपक सुपर गिल्लीज़ के पास एक अच्छी खासी बल्लेबाजी है लंबी बल्लेबाजी है यहाँ पर टिकना होगा नारायण जगदीशन को अजीत राम की अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पे है राधा कृष्णन सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं नारायण जगदीशन ए बानवे गेंदों में चाहिए बानवे गेंदों में चाहिए एक सौ पैंतीस रन रिक्वायर रन रेट आठ दशमलव आठ शून्य का हो चुका है तो भाई प्लीज सही बता दो बता दो दिया भैया आपको भाई कौन जीत रहा है भाई लाइका को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ शुरू से और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लाइका जो है इस मुकाबले को जीते अब देखते हैं क्या लाइका जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी आप सब लोग जुड़े रहिए ग्यारह बज के मिनट हो रहे हैं ये मुकाबला थोड़ा देरी से शुरू हुआ था सवा बजे शुरू हुआ था सत्रह सत्रह ओवर का ये मुकाबला है सत्रह ओवर में लाइका ने बनाए हैं एक रन टारगेट दिया है एक का यहां से चार रन हो चुके हैं एक विकेट नुकसान पर एक चल चार गेंदों के बाद स्ट्राइक पे है नारायण जगदीशन पांचवी गेंद अजीत राम की कोई रन नहीं मिला इस स्कैन पर नारायण जगदीशन को मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है बैटिंग टीम हमारा हारेगी लग गया है भाई फाइनल मैच प्रेशर रहता है भाई बिल्कुल जय भोसले भाई सही बोला आपने फाइनल मैच का प्रेशर तो रहता ही रहता है यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो चार सौ नौ लायक हो चुके हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इस तरह सपोर्ट करते रहिए हम तो जाग रहे हैं मगर हमारे साथ हमारे व्यूअर्स भी जाग रहे हैं इस मैच का लुफ्त तो उठा रहे हैं यहाँ पर अगली गेंद अजीत राम की स्ट्राइक पर है नारायण जगदीश अन्ना आखिरी गेंद भी डॉट गेंद है तो कोई रन नहीं मिला इस आखिरी गेंद पर तो दो ओवर की समाप्ति के बाद चार रन एक विकेट नुकसान पर चैपॉक्स सुपर गिलीज का स्कोर है यहाँ पर दबाव दबाव जो है अभी डाल के रखा हुआ है गेंदबाजों ने लाइक के गेंदबाज़ों ने अच्छा पॉक्स ऊपर गिलीज को गिलीज के ऊपर रिक्वायर रेट नौ का पहुंच चुका है ओवर ये मेडन गया है विकेट मेडन ओवर किया है क्योंकि जो सिंगल आया था वो लेग बाय का सिंगल है और लेग बाय का सिंगल हमेशा एक्स्ट्रा में काउंट होता है गेंदबाज के खाते में नहीं डलता है यहाँ पर तो आप तैयारी कर लीजिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिल सकता है फाइनल मुकाबला है ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग का आखिरी मुकाबला है कौन जीतेगा इस ट्रॉफ़ी को लाइका जीतेगी या फिर चापॉक्स सुपर गिलीज जीतेगी यहाँ पर चापॉक सुपर गिल्लीज ने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है फाइनल में आए हैं और साथ लाइका ने भी बहुत ज़बरदस्त गेम खेला है यहाँ पर अजीत राम का ये पहला ओवर बहुत ही ज़बरदस्त गया है स्ट्राइक पे होंगे राधा कृष्णा देखते हैं अब गेंदबाजी कौन करता है यहाँ पर तीसरे ओवर की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर इस बीच अगली गेन इस बार दूसरे ओवर की पहली गेंद इस गेंद पर बाउंड्री बटोरी यहाँ पर बढ़िया शॉट था राधा कृष्ण का कट किया इस गेंद पर स्लिप के पास से यह गेंद गई और चौका मिला इस गेंद पर खाता खुल गया यहाँ पर राधा कृष्ण का स्कोर पहुंच गया पॉक्स पॉक्सपर गिलीज का आठ रन बिना आठ रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव एक गेंद के बाद एटी नाइन बॉल्स में चाहिए एक सौ इकतीस रन क्या क्या होगा इस मुकाबले का रात बहुत हो गई भाई नींद नहीं आ रही है अकेले ही अकेले ही घर पे हैं भाई बिल्कुल भाई सही बात है जुड़े कैच मैच कैंसिल्ड होगा क्यों होगा भाई अब तो आधी इनिंग खत्म होगी अभी भी कैंसिल कराएंगे लोग चले इस बीच अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद अभिषेक तंवर की सामने है यहाँ पर जो है राधा कृष्णा ने इस बार पटकी हुई गेंद पोल किया इस गेंद पर गेंद जा रही है बाउंड्री बाउंड्री के पास मगर यहाँ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड कर दिया और यहाँ पर मिले हैं दो रन की नहीं जी हाँ दो ही रन मिले हैं इस गेंद पर स्कोर पहुंच गया अच्छा पॉक्स उपर गिली का दस रन बिना एक दस रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव दो गेंदों के बाद चैनल सब्सक्राइब करिए स्ट्रीम को लाइक करिएगा बंगाली बाबू जरा अपनी कमेंट्री अच्छा स्पैम करके चले गए हैं पता नहीं क्या लिख के जाते हैं अब और रोमन भाई बताइए जरा यार क्या लिखते हैं ये नेहा शर्मा हमारा घर आ जाओ मैं भी अच्छा क्यों नेहा शर्मा तुम्हारे घर आ जाए ओह भरे पड़े हैं लोग लोग भरे पड़े हैं बस कमेंट कमेंट में भी आ जाते हैं चलिए इस बीच अगली गेंद इस बार स्लोर वन गेंद थी कट किया इस गेंद पर गेंद गई है पॉइंट की दिशा में कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर स्कोर अभी भी दस रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव तीन गेंदें हो गई हैं और लाइकॉ को अगर ये मैच जीतना है तो कम से कम ऑल आउट करना होगा ऑल आउट करना होगा यहाँ पर चेपॉक को अगर चेपॉक को जीतना है तो एक संभल के बल्लेबाजी करनी होगी लाइव मैच कैसे देख सकते हैं भाई सत्य कुमार भाई लाइव मैच देखने के लिए आपको ए पे ज्वाइन करना होगा शायद हल्की हल्की यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू हो रही है टू ओवर दो पॉइंट तीन ओवर हो चुके हैं यहाँ पर हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो रही है अगर ये बारिश होती रही तो नुकसान काफ़ी हद तक चेपॉक सुपर गिलीज का होगा अगली गेंद इस बार स्लो भटकी हुई गेंद थी पॉइंट की दिशा में एक रन लिया यहाँ पर जो है राधा कृष्ण ने स्ट्राइक पे आ चुके हैं यहाँ पर नारायण जगदीशन तो चेपॉक सुपर गिलीज को बड़े शॉट लगाने होंगे बड़े शॉट लगाने होंगे क्योंकि अगर डीएल मेथड आता है डीएल मेथड के लिए कम से कम पाँच ओवर तो होने चाहिए गेम के लिए ढाई ओवर हो चुके हैं यहाँ से थोड़ा सा अब शॉट खेलने होंगे क्योंकि डी एल मेथड के हिसाब से पास स्कोर से अभी काफ़ी दूर होगी यहाँ पर शेपक सुपर गिलीज ग्यारह रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव चार, चार गेंदों के बाद स्ट्राइक पे है नारायण जगदीशन अगली गेंद इस बार पांचवी गेंद यहाँ पर तीसरे ओवर की कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर अच्छी गेंद थी अभिषेक तंवर की बारिश थोड़ी सी शुरू हो रही है क्योंकि लोगों ने छाता जो है खोल लिया है ग्राउंड के अंदर में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज की यहाँ से बाउंड्रीज बटोरी जाए क्योंकि अगर अगर पांच ओवर तक गेम चला और वहां पर अगर डीएल मेथड यूज हुआ तो वहां से जो है शपक सुपर गिलीज का जीतने का चांस रहेगा तो बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं पाँच स्कोर से आगे बढ़ना होगा पार स्कोर से आगे बढ़ना होगा चैपक सुपर गिलीज को ग्यारह रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव पांच गेंदों के बाद नारायण जगदीशन सात गेंदे खेल चुके हैं एक रन बनाया है इस बार अभिषेक तंवर की अगली गेंद इस बार आखिरी गेंद आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं तो तीन ओवर हो चुके हैं ग्यारह रन एक विकेट नुकसान पर चैपॉक्स सुपर गिलीज़ का स्कोर है स्ट्राइक पे होंगे राधा कृष्णन और यहाँ पर चौरासी गेन चाहिए एक सौ अट्ठाईस रन बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है अगर मुकाबला बारिश के चलते रुकता है तो डीएल मेथड को यूज किया जाएगा यहाँ पर आ, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला काफी ज़बरदस्त चल रहा है बोल दो तो भाई बोलने दो इसके रिस्क अरे भाई ऐसे बोलते रहते हैं पता नहीं क्या चाहते हैं चलिए यहां पर जो है स्कोर स्कोर जो है काफ़ी हद तक तो कम बना हुआ है कम से कम डीएल मेथड को यहाँ पर अलाउ करने के लिए पाँच ओवर गेम होना बहुत ज़रूरी है तो अगले दो ओवर में आपको चेपॉक्सीपर गिलीज जो है बड़े शॉट लगाती हुई नजर आएगी क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि पास स्कोर कितना है मगर यहाँ पर प्लेयरों को जो है पता होगा कि कितना स्कोर जो है पास स्कोर है और यहाँ पर एक विकेट खोया है तो कम से कम यार रन तो बनाने पड़ेंगे रन तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि अगर रन नहीं बनाया तो यहाँ से अगर डीएल एल मेथड

वाह युद्ध से यार बड़ा जबरदस्त भाई का नाम है यार नाम ही मैं पढ़ ले पाता हूँ युद्ध सेवन भाई पता नहीं क्या है नाम है भाई भाई को वी बोलते हैं वी भाई गेंदबाजी करने आए हैं यहाँ पर और युद्धेश्वर युद्धेश्वर जो है युद्धेश्वर जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं युद्धेश्वर की पहली गेंद स्ट्राइक पे हैं राधा कृष्णन ग्यारह रन एक विकेट नुकसान पर तीन ओवर के बाद बारिश हो रही है तो क्या अंपायर गेम को रोकेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर से बात करते हुए यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर कहीं ना कहीं ये गेम रुक सकता है बारिश तेज़ नहीं है बारिश जो है हल्की बूंदाबांदी जो है शुरू हो चुकी है पास स्कोर उनतीस रन होना चाहिए ध्यान रखिएगा पास स्कोर उन्तीस रन होना चाहिए एट द एंड ऑफ ओवर फोर क्योंकि एक विकेट खो अगर विकेट खो दी तो पांच स्कोर दस रन बढ़ जाएगा उनतीस रन चाहिए इस चार इस ओवर में अगली गेंद गेंद बाउंसर पर जो है पुल करने की कोशिश कोई रन नहीं मिला इस गेड पर तो पहला बाउंसर दे दिया है इस ओवर का अंपायर ने जानते हैं चार ओवर के अंदर उनतीस रन होने चाहिए यहां पर अगर चेपॉक सुपर गिलीस को डीएल मेथड से इस मुकाबले को जीतना है तो बारिश हो रही है जब भी मैच रुकेगा वहां पर डीएल मेथड यूज किया जाएगा तो अच्छी पॉक्स ऊपर गिल्स जो है वो जानती है कि यहाँ से बड़ा शॉट चाहिए युद्धेश्वर जो है गेंदबाजी कर रहे हैं अगली गेंद दूसरी गेंद युद्धेश्वर की सामने है राधा कृष्ण इस बार इस बार ये गेंद भी डॉट गेंद है बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी यहाँ पर पूरी तरीके से मिस कर गए क्योंकि युद्धेश्वर की स्पीड बहुत तेज है और गेंद जो है वो स्विंग भी कर रहे हैं यहाँ पर स्कोर हो चुका है छ सुपर ऊपर का ग्यारह रन एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव दो गेंदों के बाद गेंदबाज जो है वो जल्दी 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 जो है गेंदबाजी कर रहे हैं जानते हैं कि गेम किसी भी वक्त यहाँ पर रुक सकता है मगर उससे पहले कम से कम चार ओवर होने बहुत ज़रूरी है तो क्या यहाँ पर चार ओवर पूरे हो जाएंगे देखने वाली बात यह होगी चार गेंदे बची हैं यहाँ से इस चौथे ओवर की बारिश है यहाँ पर हो रही है लगातार ग्राउंड्समैन जो है बाहर तैयार है कि कब कब अंपायर इशारा करें और यहाँ पर जो है कवर्स लेके आए यहाँ पर तीसरी गेंद पर सिंगल लिया यहाँ पर राधा कृष्णन ने स्ट्राइक पर आ गए हैं नारायण जगदीशन शिपॉक के लिए मुश्किल से बस से बदतर जो है वो सिचुएशन हो रही है क्योंकि रन बने हैं बारह एक विकेट खो दिया है

सामने हैं यहाँ पर राधा कृष्णन क्या बड़ा शॉट लगाएंगे क्या बड़ा शॉट लगा पाएंगे क्योंकि यहां से अगर बारह रन भी जोड़ते हैं तो पास स्कोर क्रॉस नहीं कर पाएंगे यहां पर तो यहाँ पर पांचवीं गेंद पर देखते हैं क्या किया पांचवीं गेंद पर जो है यहां पर तैयार है खेलने के लिए और यहाँ पर सिंगल लिया पांचवीं गेंद पर आप चाहेंगे चौथी गेंद पर सिंगल लिया था और कुछ कन्फ्यूजन है मेरे को सर बताता हूँ हाँ तीन दशमलव चार गेंदे हो गई हैं स्ट्राइक पे हैं यहाँ पर राधाकृष्णन राधा कृष्ण को गेंदबाजी कर रहे हैं पांचवी ओवर की युद्धेश्वर युद्धेश्वर को ये युद्धेश्वर की ये गेंद फिर से बता दूं भैया यहाँ पर डीएल मेथड यूज करने के लिए चार ओवर में उनतीस रन चाहिए यहाँ पर चार ओवर में उनतीस रन होने चाहिए अच्छा पॉक्स सुपर गिलीज के अगली गेंद इस बार राधा कृष्णन ने सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं नारायण जगदीशन मुकाबला पहले से ही लेट चल गया है मुकाबला पहले से ही काफी लेट हो चुका है क्योंकि अब खेल रुका तो सीधा डीएल मेथड से जो है फैसला किया जाएगा चौदह रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर तीन दशल पाँच गेंदों के बाद मैच रुक गया क्या नहीं भाई मैच रुका नहीं है अभी लाइव विजुअल में मैच रुका नहीं है मैच चालू कर दिया क्योंकि टाइम देख रहे हैं अंपायर टाइम भी देख रहे हैं लोग क्योंकि यहाँ से साढ़े ग्यारह बज रहे हैं और साढ़े ग्यारह बजे तक कहीं ना कहीं ये टी एन पी एल का मुकाबला खत्म हो जाता है गेम रुका तो दोबारा ये गेम शुरू नहीं होगा ध्यान रखिएगा बात को क्योंकि यहाँ से टाइम काफ़ी निकल चुका है आखिरी गेंद कर रहे हैं यहाँ पर आयुधेश्वर अपने ओवर की बहुत ही अच्छा ओवर किया है पास स्कोर जो है उनतीस रन होना चाहिए पास स्कोर से काफी पीछे है यहाँ पर यहाँ पर चैपॉक्स सुपर गिलीस की टीम डीएल मेथड अलाउ हो जाएगा अगली गेंद स्लोर गेंद टॉप तौ, तौ, मैच लगा है यहाँ पर फील्डर मौजूद एक और विकेट गिरता हुआ एक और विकेट गिर गया यहाँ पर चेपॉक सुपर गिल का दबाव जो है पूरी तरीके से नारायण जगदीशन के ऊपर था नारायण जगदीशन ने शॉट खेला और यहाँ पर जो है शॉट लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कैच पकड़ा जबरदस्त ये गेंदबाजी युद्धेश्वर की इस ओवर में तीन रन दिए एक बहुत बड़ा विकेट नारायण जगदीशन के रूप में आउट कर दिया तो चौदह रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर और पांच स्कोर कम से कम अब पैंतीस से उनतालीस रन हो जाएगा चार ओवर के अंदर अगर गेम रुकता है तो यहाँ पर डी मेथड के हिसाब से लाइका कोवे किंग ट्रॉफी को जीत लेगी दो विकेट खो चुकी है क्या ये पास आ, ये जो है पाशिंग सवाल है कि बारिश होगी फिर न, आ, चली जाएगी यहां पर देखना हो क्या होगा इस मुकाबले में आ, भाई लाइका ही जीत गई जी जाएगी भाई बिल्कुल लाइका ही जीती भाई मैं तो कह ही रहा हूं काफी लोग आए थे चपक वाले कहाँ चले गए सारे चलिए कोई बात नहीं चार लाइक हो चुके हैं यहाँ पर बाइस भाई और लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग जो है पे को ज्वाइन कर लीजिएगा एवीआरपे ग्लोबल पे आई नेटवर्क है यहाँ पर मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपए की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है तो खेलिए और जीती एवीआरपे पे पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइच मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को कर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा पे के साथ फास्ट विड्रॉल फास्ट डिपोजिट है ट्वेंटी फोर सेवन लाइच सपोर्ट है और तो खेलिए यहां पर ए वी आर पे के साथ जीतिए यहां पर डेली कॉन्टेक्ट चलते हैं जहां पर आप पचास हजार रुपए तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं और यहां पर हर ट्रांजेक्शन पे आपको दो परसेंट का बोनस मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइन मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को कर लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर, 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 कर दीजिए यहां पर ए वी आर पे के साथ खेलिए और जीतिए फटाफट फटाफट जाके ए वी आर पे पर जुड़ जाइए दुनिया के किसी भी कोने से आप ए वी आर पे पर जुड़ सकते हैं तो यहां पर बारिश हो चुकी है अंपायर ने गेंद को वापस ले लिया है गेंदबाज से अब दे दिया है दोबारा अजीत राम को यहां पर गेंदबाजी करने के लिए अजीत राम आए हैं पहला ओवर जो है मेडन किया था एक विकेट चटकाया था फिर से अजीत राम जो है गेंदबाजी करने आए हैं बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही है यहाँ पर चौदह रन बन चुके हैं पांचवा ओवर है ये पांचवा ओवर है पांचवे ओवर में दो विकेट खो दिए हैं कम से कम यहाँ पर पाँच स्कोर जो है उनतालीस हो चुका है उनतालीस रन होने चाहिए हैं पाँच ओवर के अंदर छप को अगर यहाँ से अगर रियल मेथड यूज होता है पांच ओवर के अंदर तो उनतालीस रन होने चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर विकेट खो दिया है दो विकेट खो दिए हैं यहाँ पर अंपायर ने कवर्स मंगा लिया जी हाँ गेंद को वापस ले लिया है अजीत राम से और कवर्स आ चुके हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद दोबारा ये गेम स्टार्ट होते हुए हमें देखेगा नहीं और अंपायर ने यहां पर कवर्स मंगवा लिए हैं सुबेदास जी जुड़ गए हमारे साथ करें नमस्कार भाई क्या, क्या? कोटी कोटी प्रणाम नमस्कार सुबेदास भाई कैसे हैं रेन स्टॉप्स प्ले तो बारिश ने खलल डाल दिया है फिर से इस मुकाबले में कवर्स आ चुके हैं अंपायर ने गेंद लिया अजीत राम से वापस कवर्स आ चुके हैं लाइका बहुत खुश होगा क्योंकि लायका जो है जानती है कि चार ओवर के अंदर उनतीस रन बनाने थे यहाँ पर चैपॉक सुपर गिलीज को और चैपॉक सुपर गिलीज का स्कोर जो है वो सिर्फ चौदह रन है अगर यहाँ से मैच नहीं होता है तो ये मैच ये मैच जो है वो लाइक का कोवाई किंग जीत सकती है क्या होगा इस मुकाबले में देखना होगा लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते चैनल को रिजल्ट क्या होगा भाई भाई वही कंफर्म कर रहा हूँ भाई डीएलएस के लिए तो पाँच ओवर चाहिए चार ओवर में हो जाएगा डीएलएस भाई भाई पास स्कोर तो दिखा रहे हैं चार ओवर का क्योंकि गेम भी सत्रह ओवर का मैच था भाई ये छोटा मैच था ये डीएल मेथड यूज किया गया था बाकी मैं अभी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है निकाल के लाता हूँ कि मैच का फैसला क्या होगा यहाँ पर आप सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए अंपायर कॉल दम्पायर कवर गॉटन एन नो है बिल्कुल सही बात है भाई हैवियर तो हो ही रही है बारिश थोड़ी सी तेज हो गई है जीतेगा जीते जीते भाई जीतेगा लाइका जीतेगा भाई देखते हैं अब चाहे लाइका जीतेगा नहीं ए जी स्पोर्ट्स भाई अपना जी एजी भाई तुमने तो यार लोगो ही चेंज कर दिया वाह बड़ा जबरदस्त लोगो बनाया ए जी स्पोर्ट्स भाई तो यहाँ पर अब देखना होगा क्या ये पास स्कोर bon यूज़ किया जाएगा क्या डी मेथड यूज होगा कि नहीं मेरे हिसाब से अगर पास स्कोर bon दिखाया जा रहा है तो ये डी मेथड यूज होगा अगर डी मेथड यूज होता है तो यहाँ पर लाइका कोवाई किंग जो है वो आगे है पंद्रह रन आगे है यहाँ से पंद्रह रन कम से कम आगे है यहाँ पर चैपॉक सुपर गिली से यहाँ पर जो है लाइका कोवे किंग पर लग गया भाई बिल्कुल चार ओवर का रिजल्ट नहीं आएगा भाई अनफल खाम जाए भाई ये टी है टी एन पी एल ए यहाँ कुछ भी होता है आपको यही तो नहीं पता कुछ भी होता है ये भाई टी एन पी एल ए इसमें तो चार ओवर में भी आ, म, मनाया होंगे लगता है भाई बिल्कुल भाई चार ओवर जबरदस्ती करवाए हम बाहर ने बारिश तो कब से तेज हो तेज हो रही है बारिश तो शायद दूसरे ओवर से शुरू हो गई थी चार ओवर तो जन्म करवाए हम बाहर ने क्योंकि कम से कम दिखा तो देंगे डी एल में थोड़ी यूज कर देंगे पूरी लीग है फिक्स फाइनल थोड़ी थोड़ी ना छोड़ेंगे भाई रात को सुबह दास भाई फुल फॉर्म में लगता है भाई पच्चीस रन आ गए हैं पच्चीस रन आगे नहीं गौरव भाई कौन कह रहा है पच्चीस रन आगे कम से कम जो है अभी चौदह रन है दो विकेट नुकसान पर चार ओवरों के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए पास स्कोर ट्वेंटी नाइन का था और यहाँ पर सिर्फ चौदह रन बने हुए हैं पाँच ओवर में कम से कम उनतालीस रन चाहिए पाँचवा ओवर डला नहीं है अभी बस कॉमेंट्री बॉक्स में चल रहे हैं बस इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि अगर ये मुकाबला आगे शुरू नहीं होता है तो क्या यहाँ से ये जीत दी जाएगी यहाँ पर देखना होगा आप सब लोग जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को आखिरी ओवर की चौथे ओवर के आखिरी गेंद पर आउट हो गए थे नारायण जगदीशन चैबॉक्स सुपर गिलीज़ के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं इस मुकाबले में उनतालीस का टारगेट दो विकेट हो हाथ में है नेहा शर्मा जी आप समझे नहीं उनतालीस का टारगेट नहीं है वो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई पाँच ओवर के अंदर पाँच स्कोर उनतालीस होना चाहिए था और डी एल मैथड यूज नहीं होगा ओके भाई अभी कुमार भाई देख रहे डी एल मेथड यूज़ कर रहे हैं डी एल मेथड यूज़ कर रहे हैं तभी तो मैं बता पा रहा हूँ कि चार ओवर के अंदर उनतालीस उनतीस रन चाहिए थे विकेट आ गया उसके बाद पाँच ओवर में उनतालीस रन होने चाहिए थे यहाँ पर चैपॉक सुपर किलिस के दो विकेट नुकसान पर चैपॉक सुपर किलिस का चौदह रन बने हुए हैं यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आप समझिए इस चीज़ को क्योंकि अगर डी एल मेथड यूज़ यूज ही नहीं होना था तो यहाँ पर दिखाया क्यों जा रहा है लाइव में लाइव में स्क्रीन पे दिखा क्यों रहे है कि भाई चार ओन उनतीस चाहिए पाँच में उनतालीस चाहिए दो विकेट नुकसान पर भाई अंपायर तेज बारिश में भी मैच करवा रहा है भाई बिल्कुल सही बात है भाई हाँ जी सही कहा आपने भाई बिल्कुल नया जी बिल्कुल कब शुरू होगा मैच भाई कोई उम्मीद नहीं भैया मैच वैसे साढ़े सवा नौ बजे शुरू हुआ है शरीफ मलिक भाई अब आप खुद लगा लीजिए कब शुरू करेंगे मैच ये अब रात के क्या तीन बजे मैच खत्म हुआ का ये आइए मैच वैसे ही लंबा हो चुका है अगर ये करना होगा तो देखिए डीएल मेथड देके फैसला कर देंगे नहीं तो ये मैच को अपेंडेंट कर देंगे क्योंकि अब अब मुझे तो लगता नहीं कि अंपायर शायद आधा पंद्रह बीस मिनट जो है वो चेक करेंगे उसके बाद कहेंगे जी खत्म करो फैसला करो घर जाने तो सबको थक थक गए हैं तो लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को यहाँ पर जुड़े रहिए हमारे है साथ इस मुकाबले में और काफ़ी लोग जो है पंकज सिंह जी भी कह रहे हैं जीत गई लायका भाई क्योंकि देखिए यार इस मुकाबले में अगर बात करें तो अगर आप समझें बात को क्योंकि बारिश आ रही है सवा नौ बजे ये मुकाबला आ, होना था सवा नौ बजे से ये मुकाबला जो है वो चालू हुआ आ, यहाँ पर कट ऑफ टाइम होगा अगर नहीं कट ऑफ टाइम होगा भाई कट ऑफ टाइम कितना करेंगे नया शर्मा जी कट ऑफ टाइम तो बहुत यूज़ कर लिया इन्होंने आठ उनचास पर तो कट ऑफ टाइम कट ऑफ ओवर शुरू हो गए थे यहाँ से अगर पाँच ओवर भी अगर देंगे मान लीजिए एक ओवर का गेम भी अगर होता है तो अगले ओवर में कम से कम पंद्रह रन चाहिए पंद्रह रन चाहिए होगी छः गेंदों में और पावर प्ले का एक और बचा ही हुआ है ये मुकाबला उनतालीस चाहिए है ना पच्चीस रन चाहिए होंगे भाई पच्चीस रन चाहिए होंगे पच्चीस रन एक ओवर के अंदर है अगर एक ओवर का मैच हुआ तो हाँ एक ओवर के लिए आज चाहिए दोबारा भाई मैच क्यों ना शुरू हुआ हो ज़्यादा अच्छा हो क्योंकि आप बहुत थक गए हो भाई भाई फैज अली भाई मैं तो सुबह से कॉमेंट्री करूँ मेरी थकावट छोड़िए मेरे थका को बार निकालने दीजिए यहाँ पे प्रॉफिट रहता है पैसा निकाल लो नहीं तो बंद में दिमाग का पसारो ओह भाई सबे दाद भाई अलग ही न्यूज़ दे रहे हैं देखिए अभी मेरे पास न्यूज़ नहीं आई है मैं शोर नहीं हूँ कि भाई डी एल यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये टी एन पी एल है ये कुछ भी कर देते हैं यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लॉजिक लगता नहीं है तो अब देखते हैं क्या होगा अभी मैं न्यूज़ निकाल रहा हूँ कि क्या डी एल मेथड यूज़ किया जा सकता है या फिर जो है यहाँ पर जो है इस मैच को अबेंडेंड कर दिया जाएगा राजगोपाल सतीश बल्लेबाजी करने आए थे यहाँ पर और हालत कमज़ोर है चेपॉक सुपर गिल्स की सत्रह ओवर का है चार ओवर में कन्फर्म हो जाएगा कौन जीतेगा भाई बिल्कुल शरीफ भाई ऐसे ही कन्फर्म कर देते हैं ये पंकज शर्मा जी कह रहे हैं हेलो भाई हेलो पंकज भाई कैसे हैं आप आ, हाई बीजेलेवन को जानते हो कि मुझे चार हज़ार लो, 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 लो चलिए ठीक है भाई कोई तो बात नहीं आपका कहते हैं कौन जीतेगा भाई बिलावल भाई मैं तो शुरू से कह रहा हूँ लायका जीतेगी और पहली गेंद पे बाउंड्री भी लगी थी मैंने कह दिया था कि लायका ही आज मुकाबले को जीतेगी छह बहुत बार ट्रॉफी जीत चुकी है अब नई टीम की बारी है क्योंकि आईपीएल में भी आज इस साल जो है नई टीम ही जीती थी प्रदीप कह रहे भाई अब मैच मुश्किल ही है ग्राउंड सूखने में नहीं नहीं लगा सूखने में सूखने में ही लगा देंगे भाई भाई एक घंटा दो घंटे लगाए उन्होंने ग्राउंड सुखाने में सर प्रदीप भाई सवा सात बजे मैच सवा सात बजे ग्राउंड में बारिश बंद हो गई थी और दो घंटे में ग्राउंड सुखाया है डू द प्लेयर विद द इंटरनेशनल रूल्स भाई देखो एक्स भाई क्या होता है आपको पता होगा इंटरनेशनल रूल कहता है कि भाई छः ओवर चलो इंटरनेशनल भी पाँच ओवर तक तो चला गया कि भाई पाँच ओवर तक तो चल जाएगा मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर लीगों में जो है इंटरनेशनल रूल्स फॉलो किए जाते हैं मगर कुछ रूल्स अपने भी डाले जाते हैं यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा अब बिग बैश के अंदर पाँच ओवर में भी अड्डी में थोड़ा जाता है फैन कोट पर लिखा आ रहा है कि भाई लाइका विन भाई देखिए फैन कोट पर भी लाइका विन करा दिए इन्होंने भैया तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है बाकी भैया हेवियर रेन है कोई छोटी मोटी रेन नहीं है यहाँ समझ जाइएगा कि सवा नौ बजे ये मुकाबला शुरू हुआ सत्रह ओवर का ये मैच किया गया उसके बावजूद भी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर बारिश आ गई तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी टीमों के लिए पानी में कहाँ खेलने खेलने तो कहीं भाई पानी में कहाँ खेलेंगे भाई मैच ना शुरू हो ज़्यादा अच्छा होगा भाई आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा आज बेकार हो गई है भाई बिल्कुल आवाज बेकार हो गई मगर आराम करेंगे जब सोएंगे आराम करेंगे रेस्ट लेंगे तो हो जाएगा लाइका विनर होगी डीएलएस मेरे मतलब से चौदह रन से लिख कर भाई चौदह रन तो आगे ही है चौदह से नहीं भाई आ, हाँ चौदह तो तीन अट्ठाईस पंद्रह रन से आगे हैं भाई पंद्रह रन से आगे हैं ये पांच ओवर के बाद ही एप्लीकेबल होगा बॉस और चेक करो भाई भाई देखते हैं भाई अभी तो भाई वही नहीं सुनो ना भाई अगर अगर एक ओवर ओवर करा लेते हैं अगर पांचवा ओवर करा लेते तो ये फैसला ही दे देते इसमें तो वही तो हम बात चेक कर रहे थे कि बस एक ओवर और, और करा लेते हैं पांच ओवर पूरे हो जाएंगे और फैसला दे देंगे यहाँ पर अब देखते हैं ये कब एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगा यहाँ पर कि लीग के बारे में भाई मुझे इस लीग पे भरोसा ही नहीं है ये कुछ भी कर लेते हैं यहाँ पर ये कुछ भी कर लेते हैं भाई मैं बता रहा हूँ ना ये लीग टी एन में कुछ भी होता है भैया आप बहुत खुश हैं भाई थैंक यू रमन कुमार भाई खुश हैं तो बढ़िया है भाई खुशी 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 रहनी चाहिए इंसान को और दुखी क्यों रहे हैं आप डी एल एस में तड़का यूज़ होगा कि नहीं भाई मेरे को लगता नहीं कि ये मेरे को लगता नहीं भाई कुछ भी कर सकते हैं मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता भाई कि क्या होगा क्योंकि मैं खुद शोर नहीं हूँ क्योंकि पास स्कोर दिखाया जा रहा था अब मैं जब तक जब तक मैं चीज़ों को पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि यहाँ पर अभी कोई न्यूज़ दी नहीं गई है बाकी ये टी एन पी एल है भाई यार कुछ भी होता है ये दो ओवर में बा, बा, दो ओवर में कह देंगे तीस रन बना दो भाई जीत जाओ मैच को तो यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है भाई चालू हो गया नहीं भाई चालू नहीं हुआ भाई बारिश हो रही है बारिश तेज है बारिश तेज है ग्राउंड में लगता नहीं कि बारिश अब मैच दोबारा शुरू होगा यहाँ पर देखिए विल होप द रेन इज ये पर देखिए फाइव ओवर फॉर आर रिजल्ट ओके यहाँ पर कह रहे दे डिड ट्राई टू गेट टफर फॉर आर रिजल्ट ना होप द रेन इज ओहो शुड बी गेम रिज्यूम और गोइंग टू बी आर टफ आज बिकॉज वी कंज्यूम थ्रू मनी डोर्स भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं क्रिकेट बस वाले भी सही कह रहे हैं भाई मगर ये क्या कह रहे हैं पाँच ओवर एक, एक्सेप्ट होंगे ये 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 लंका प्रीमियर वाले चार बजे चार बैच भी कर देंगे भाई क्रिक बस तो पाँच ओवर बता रहा है अजय भोसले भाई मैं क्या बताऊं आपको क्रिक बस तो देखिए क्रिक बस तो आठ ओवर भी कह देगा ये टी एन पी एल है भैया यहाँ कुछ भी होता है चार सौ चौवन लाइक हो चुके हैं यार चालीस भाई और लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर चार सौ लाइक तो कम से कम पाँच सौ लाइक तो पूरे हो जाएंगे हमारे लाइका पर पैसा लगा रखा है भाई लाइका वाले खुश रहो भैया जो जिन्होंने लाइका पकड़ी हुई है वो खुश रहो अगर फैसला आएगा तो तुम्हारे हक में आएगा और मैच ड्रॉ होगा मैच अगर ड्रॉ होगा तो तब भी तुम्हारा फ़ायदा है तो फ़ायदा दोनों तरफ तो 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 से लाइका की टीम को जो सपोर्ट कर रहा है उसके तो फायदे फ़ायदे है भाई दिक्कत टेंशन तो सिर्फ चैपॉक सुपर गिलीज वाली टीम को रहेंगे अब देखते हैं क्या है यहाँ से कुछ एप्लीकेबल होगा क्योंकि देखिए ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है ऑफिशियल न्यूज जब तक नहीं आती है आपको पता है मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ यहाँ पर कब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैं कुछ कहूँगा आप कहेंगे कुछ वो चीज़ वो चीज़ नहीं हुई कुछ और हो गया तो कहेंगे यार आप आप फालतू बकवास करते हो इसलिए मैं भाई बिल्कुल अभी चुपचाप बैठूंगा क्योंकि मैच में बारिश हो रही है और बारिश बिल्कुल तेज़ है तो मैच होने के चांसेस जो है मुझे लग रहा है कि भाई बहुत ही कम है अगर कम है चांसेस तो आप देखते हैं फैसला क्या आता है मेरे को लगता है शायद आधा घंटा और चेक करेंगे सवा बारह तक चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे कि भाई अपनेडेंट करेंगे इस मैच को या फिर या फिर अपेंडेंट करेंगे इस मैच को या फिर जो है डी मेथड यूज़ करेंगे वो तो अब वो तो आप टी एन पी एल वाले बताएंगे भैया हम नहीं बताएंगे अब आ, रोहन नरसिंह जी कह रहे हैं मेरा नाम ले लो सर जी रोहन जी आपका नाम ले दिया सर टेंशन मत लीजिएगा अपेंडेंट हो जाएगा भाई अनफल यादव कह रहे हैं वो अपेंडेंट हो जाएगा भाई टी एन पी एल है या कुछ भी हो जाता है भाई अपेंडेंट कह दीजिएगा चार ओवर के अंदर फैसला भी कह दीजिएगा अंपायर जिस तरीके से ये इस क्रिकेट को चला रहे हैं ना यहाँ पर और आ, सागर भाई कह रहे हैं आर पेपर रिफ्रेंस कोड बताइए एवीआर पेपर रिफरेंस कोड की जरूरत नहीं है भाई डायरेक्ट आप एंट्री करिए सागर भाई सागर गलत भाई डायरेक्ट एंट्री करिए कोई दिक्कत नहीं है रेफरेंस रेफ्रेस कोड डालने की यहाँ पर बारिश ने आज पूरा जो है सिस्टम फेल कर दिया है यहाँ पर और मेरे हिसाब से देखिए ऑफिशियल न्यूज़ तो अभी तक कुछ भी नहीं आई है मतलब कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ ने है वो आई नहीं है यहाँ पर अभी ऑफिशियल न्यूज आती है तो सही रहेगा मुझे लग रहा है मैच होगा भाई अगर बारिश रुक जाए ग्राउंड सूख जाए तो भाई फिर ठीक है मैं तो मनाथ करूँगा फाइनल मैच अपट होगा और ड्रॉ देंगे भाई भाई अभी आपका ये एज्यूम कर रहे हैं आप लगता है चैपॉक के समर्थक हैं और यहाँ पर कई लोग जो है क्रिक बस को भी कोट कर रहे हैं कि भाई क्रिक बस को बोल रहे हैं क्रिक बस कह रहे हैं पाँच ओवर होना चाहिए मैच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो पास स्कोर वो बता रहे हैं पाँच ओवर के अंदर अंदर उनतालीस रन वो स्क्रीन पे फ्लैश भी होता जो भाई लाइव देख रहे होंगे उनको पता होगा वो स्क्रीन पर फ्लैश भी हुआ था मगर उससे पहले चार ओवर में उनतीस रन भी फ्लैश हुआ था कि चार ओम अंतरण होने चाहिए चपक सुपर गिलीज के क्या चारों में फैसला आ सकता है क्या चार में फैसला नहीं आएगा यही एक सवाल है और सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा यहाँ पर जुड़े रहिए हमारे साथ लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को यहाँ पर यहाँ पर जो है लाइव एक्शन देखिए लाइव विजुअल तो लाइव विजुअल तो बिल्कुल बंद कर दिए हैं अब लाइव विजुअल बंद हो गए हैं अब देखते हैं कब तक क्योंकि देखिए बारिश बहुत तेज थी एकदम से ना मैंने देखा है पहले शुरुआत में बूंदा बांधी थी उसके बाद एकदम से तेज होगी तभी अंपायर ने जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आ, मेरे हिसाब से अंपायर ने फिर कमर मंगा लिए सर के सर आपके आपके एक्सपीरियंस बताइए भाई देखिए महमद महताब भाई देखिए अगर फैसला देना होगा तो चार ओर में ये डीएल मेथड से फैसला दे देंगे अगर इस मैच को अबेंडेंट करना होगा तो ये अबेंडेंट हो जाएगा अगर लॉजिकल देखा जाए तो ये मैच अबेंडेंट होना चाहिए या फिर इस मैच को रिजर्व डे में रखना चाहिए कि भाई कल जो है इस मुकाबले को आगे कर सकते हैं ठीक है अगर रिजर्व डे रख सकते थे क्योंकि तो अगर लीग आपने बड़ी बनाई है कम से कम एक रिजर्व डे तो आपको रखना चाहिए टी के अंदर क्योंकि तो रिजर्व डे रहेगा तो कल आप इसको मुकाबले को दिन में या रात में शुरू कर सकते हैं दोबारा यहाँ से वो भी चीज़ होनी चाहिए थी मगर टी के अंदर वो है नहीं क्योंकि कम से कम एक रिज़र्व डे तो रखना चाहिए था यहाँ पर टी के लोगों को सोचना होगा भाई टी वालों को क्योंकि देखिए कम से कम यार व्यूअर्स अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं रात को बारह बजे जाग रहे हैं मगर एक दिन तो कम से कम रखना चाहिए था मैच रिज्यूम भाई देखते हैं भाई रिज्यूम करेंगे कि नहीं यहाँ पर मेरे को लगता तो नहीं रिज्यूम करेंगे इनके इनके लक्षण तो लग नहीं रहे गाइज ये टी एन पी एल में यहाँ अंपायर भी बैट बॉल कर सकते हैं यासिर भाई मेरे को बताया आप यहाँ पर टी एन पी एल देख के ना तो राउंड टू हेल की वीडियो याद आ गई अंपायर की याद आ गई जो राउंड टू हेल में है अब भाई अंपायर बनते हैं ना भाई मस्त वो मस्त कॉमेडी करते हैं नॉट रिजर्व डे क्योंकि ये टी एन पी एल है भाई बिल्कुल महंगा तो ये रिजर्व डे तो है ही नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ रिजर्व डे नहीं है गाइज ये टी एन पी एल है <laughs> आपका आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है भाई मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि अगर कम से कम पाँच ओवर ना हो तो मुकाबला जो है नहीं माना जाएगा मगर ध्यान रखिएगा वो पाँच ओवर वो जब भी यूज होते हैं जब बीस ओवर का पूरा मैच होता है मैच सिर्फ सत्रह ओवर का हुआ है तो हो सकता है कि शायद चार ओवर भी एप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पर कंफर्म नहीं है क्योंकि कंफर्म सिर्फ टीएनपीएल वाले ही करेंगे हम सिर्फ व्यूअर हैं हम देखेंगे कि क्या करना चाहते हैं करना क्या चाहते हैं बारिश हो रही है दूसरे ओवर में बारिश शुरू हो गई थी मैच को तीसरे ओवर में खींच दिया चौथा ओवर भी करा दिया मतलब कराने उनको पूरे पाँच ओवर थे उससे पहले पहले ही गेम को रोक देते खत्म करते अपने अपेंडेंट करते दोनों तो टीमों को ट्रॉफी देते खत्म करते बात को यहाँ पर भाई मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है कि भाई ये मैच अपेंडेंट होना चाहिए मगर उन्होंने जब पास स्कोर दिखाया है चार ओवर उनतीस रन तो हो सकता है पंद्रह रन से शायद लाइक को जिता दे भाई बाकी डिपेंड करता है अभी ऑफिशियल न्यूज जब देंगे ये तब बता देंगे आपको क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है बारिश के चलते जो है गेम रुका हुआ है आ, देखते हैं अभी क्या होगा इस मुकाबले में लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर आ, क्रिकेट लाइव हिंदी पर कॉमेंट्री गॉड ग्रेस रिज्यूम होना एंड विन लाइक भाई आ, श्रीदेवी आ, श्रीदेवी बाले जी भाई मेरे हिसाब से देखिए रिजर्व डे तो उन्होंने रखा ही नहीं है रिजर्व डे है ही नहीं टी पी के अंदर जब रिजर्व डे नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए डीएलएस मेथड एस मैथड पर डीएलएस मेथड तो मैथडर लूस मैथड होता है ये कुछ एक कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन इतनी खत, इतनी खतरनाक है कि बड़े बड़े जो एनालिसिस हैं वो इस कैलकुलेशन को समझ नहीं पाए हैं और हम क्या समझ समझा पाएंगे आपको फिर अराउंड टू हेल्प फैंस ओके स्वप्निल भाई बिल्कुल आपको याद आ गया होगा अभी उनका आईपीएल वाला वीडियो दोबारा आया था दूसरा भी आईपीएल का मैच का है वो भी अच्छा था बट पहले वाला ज्यादा बेस्ट था पहले वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लाइका का क्या चांस है भाई कैसी किस, किसी किसी कंडीशन में लाइका के चांस अच्छे हैं भाई लाइका के लाइका का जो सपोर्ट कर रहे हैं जो लाइका पे लगा कर बैठे हुए हैं वो टेंशन ना लीजिए अगर लाइका का यहाँ पर यहाँ पर अगर रिजल्ट देंगे तो लाइका जीत जाएगी और अगर क्या, क्या अगर यहाँ पे अपेंडेंट अब्न, करते हैं तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है तो लाइका वाले खुश रहिए चेपॉक वाले उम्मीद करिए कि यहाँ पर अपेंडेंट दे दें अगर फैसला दे दिया तो चेपॉक हार जाएगा फ़ाइनल अमेंडमेंट नहीं होगा भाई बिल्कुल सही बात है अनफल भाई अनफल भाई ये भी सही कह रहे हैं फाइनल अमेंडमेंट नहीं होगा तो फैसला देना पड़ेगा फिर फैसला किसके हक़ में देंगे शाहरुख खान की टीम में टीम के हक में देंगे फिर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब क्या करें भाई शिया जी जीतने चांसेस चांसेस तो बहुत कम है भाई चांसेस विपुल भाई भाई मैं शुरू से कह रहा हूँ कि चांसेज बहुत कम है चांसेज बहुत कम है चैपॉक्स सुपर गिलीज के लाइव विजुअल आ नहीं रहे लाइव विजुअल बंद हो चुके हैं यहां पर अगर फैसला देना होगा तो लाइका के हक में जाएगा अगर अबेंडेंट होना होगा मैच तो अबेंडेंट हो जाएगा तो लाइका वालों आराम से सो जाओ अगर फैसला होगा तो फैसला होगा और अगर अबेंडेंट हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है न्यूज आ गई है फाइनल ड्रॉ नहीं होता है विन होगा भाई तारीख चारिज भाई कहीं से न्यूज लेके आए हैं कौन दे रहा है इनको समझ में नहीं आया भाई यहाँ पैसा मेरा फंस गया फंसा हुआ है और सब्सक्राइब में लगे हो रिजल्ट बताओ रिजल्ट भाई मेरे से मेरे मेरे हक़ में नहीं है अगर भाई मेरा मेरे हक़ में रिजल्ट होता तो मैं ये मैच को अपेंडेंट कर देता भाई मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैच पूरा हुआ नहीं है और कहीं ना कहीं दूसरी टीम के साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि वो खेली भी नहीं और बिना खेले ही उसको हरा दिया गया है तो भाई जिसका पैसा लगा हुआ है बेचारे वो भाई उनसे दुखी है मैं लाइका वो जिन्होंने लगा रखे हैं वो खुश हो जाइए और जो छिपौक पे हैं वो थोड़ा सा प्रे करिए कि मैच अपेंडेंट कर दें अब ऑनियंस ज़्यादा है तो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं जाट का छोड़ा भाई दे रहे हैं बिल्कुल भाई भाई का भाई का जवाब दे रहे हैं बस जवाब दे दें जरा और यार भाई ये कौन मैसेज कर रहा है एक बार कोई आय आशिक मलिक भाई लगे हुए हैं यार उनके जैसे ना सबके मैसेज छूट रहे हैं यहाँ पर उनके जैसे सारे मैसेज छूट रहे हैं थोड़ा सा भाई शांत हो जाइए रुको जरा खुशरू भाई कह रहे हैं जीते के भाई खुशरू भाई <laughs> खुशरू भाई क्या कह रहे हैं भाई यार लायका जीते कह रहे हैं भाई भाई ये टी एन पी एल कुछ भी सुता है वन मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूट मैच ऑफ मैच हेड they need दे end of फोर्टी over if they lose only two दूज the rain is getting heavier the umpire call off the covers बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं ये, ये आपका क्रिक बस पर लिखा हुआ मैंने पढ़ लिया है मगर यहाँ पे क्रिक क्रिक बस जो है वो टूर्नामेंट नहीं करा रहा है टूर्नामेंट जो करा रहे हैं वो टीएनपीएल के ऑनर्स करा रहे हैं तो अब टीएनपीएल में जो बात कहेंगे वो तो क्रिक बस को ही माननी पड़ेगी वो हमें माननी पड़ेगी वो आपको ही माननी पड़ेगी भाई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए भाई देव साहू जी अमेंडमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ अमेंडेंट करना होगा तो यहाँ पर जो है यहाँ क्या कहते हैं वो तो अब अंपायर ही कर पाएंगे उसको अंपायर तो फैसला भी दे सकते हैं भाई तो लाइका वालों आराम से सो जाओ तुम्हारे तो दोनों हाथ से दिए भाई तो क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश हो रही है और मिलत लगता नहीं मैच स्टार्ट होगा फास्ट रनिंग भाई कह रहे हैं यहाँ पर डी में तो रिजल्ट को नहीं दिया है। नहीं जा सकता बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल्स फाइव आवर्स मिनिमम भाई भाई तो मुझे ही पता है ना फास्ट में रहता ये तो मुझे पता है मैं तो खुद बता रहा हूँ ये मैंने आपको बताया कि भाई पाँच ओवर तो कम से कम होने चाहिए मगर आप ध्यान रखिएगा पाँच ओवर जब होने चाहिए जब बीस ओवर का पूरा मैच होता है ये मैच ये मैच शुरू से ही सत्रह ओवर का था छोटा मैच था पहले से ही अगर मान लीजिए दस ओवर का मैच है दस ओवर का दस दस ओवर का मैच होता और आप सोच के देखिए पहली पारी में दस ओवर हुए हैं और दूसरी पारी में आ, तीन ओवर के बाद बारिश आ जाए तो क्या पाँच ओवर होंगे या फिर तीन ओवर माने जाएंगे आप बताइएगा ज़रा मुझे आप ड्रॉ होगा भाई देखते हैं भाई ड्रॉ होगा कि नहीं अब तो फैसले आने की वेट करते हैं लाइव विजुअल बंद हो चुके हैं यहाँ पर टीएनपीएल के 840 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं पाँच लाइक हो चुके हैं जिन भाई ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा न्यूज़ आ गई है फाइनल ड्रॉ नहीं होगा ठीक है बारिश रुक गया भाई बारिश कहाँ रुकी है बारिश बहुत तेज है आ है ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है आज खत्म हो रहा है चैन की चैन की टी आज खत्म हो जाएगा क्रिक बस पर भी है भाई एस पिन क्रिकेट भाई कहते रहो प्रदीप भाई ये टी एन पी एल जो है वो ओनर चलाते हैं क्रिकेट बस नहीं चलाता ये ये कुछ भी कर देंगे वीअर को ये बात समझनी पड़ेगी भाई वो कुछ भी कर देंगे अगर इनको फैसला देना होगा ये फैसला दे देंगे अगर इनको ड्रॉ करना है मैच को अपेंडेंट करना है तो अपेंडेंट कर देंगे इस मैच को क्योंकि रिजर्व डे है नहीं तो फैसला ऑन द स्पॉट आएगा बारह बजे तक नहीं हुआ तो रिजल्ट आ मिल जाएगा भाई भाई बारह बजे में टाइम कितना है रमन कुमार जी सात मिनट और है क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं है ना टाइम तो है ही नहीं है यहाँ पर टाइम तो इनके पास सही नहीं क्योंकि मैच सवा सात बजे शुरू होना था सवा सात से लेके अब बारह बजने को आ रहे हैं मतलब कम से कम लगा लीजिए चार घंटे पैंतालीस मिनट हो जाएंगे आप बार सौ बार तक और वेट कर लीजिए सवा बार तक फैसला दे, दे देंगे आराम से ये सादिक भाई कह रहे हैं भाई लाइक का बिन दिला दो भाई कहाँ से दिला दो लाइक लाइका बिन मेरे हाथ में थोड़े ना है भाई भाई बहुत जोर से बारिश हो रहा है भाई बिल्कुल किंग्स वहल भाई बहुत जोर से ही बारिश हो रहा है क्योंकि जब दो और से शुरू हुआ था तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी उसके बाद तो फिर रेंज जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी और मुझे लगता है कि शायद अब ग्राउंड में जो है जो ऑडियंस है वो भी घर चली गई होगी भाई क्योंकि क्या है बारिश तेज है भाई होगा होगा ये ड्रॉ होगा रिब्स गोस्वामी भाई या मैच होगा भाई चार ओवर में क्या हो गया भाई तो हिसाब लायका विन होगा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि चार ओवर के अंदर यहाँ पर चेपॉक सुपर गिलीज़ को उनतीस रन बनाने थे और चेपॉक सुपर गिलीज़ ने जो है सिर्फ चौदह रन बनाए हैं दो विकेट नुकसान पर अभी अंपायर डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट आएगा या फिर जो है अपेंडेंट होगा ये मुकाबला देखते हैं अभी क्या होता है बस कुछ ही देर हो जाइए अभी कुछ ही देर में शायद जो है वो न्यूज़ आती नजर आएगी भाई सी जीत गया क्योंकि जब अपेंडेंट होगा तो वो टीम जीतती है जो टेबल में टॉप पे होगी भाई अच्छा जी वाह एमिनेंट तो करवा दीजिए पहले ये बड़ा कंफ्यूजन सा बात है भाई ऐसा नहीं होता है भाई फाइनल मैच में टेबल टेबल पॉइंट के हिसाब से कोई रूल नहीं है यहाँ पर बड़ा भाई सत्रह ओवर में सत्रह ओवर में चार ओवर डी एल एस भाई डी आर एस वाई भाई ये तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ भाई लोग कह रहे हैं पांच ओवर का डी एल एस यूज किया जाता है मैं कह रहा हूँ बीस ओवर का मैच होता है तब पांच यूज किया जाता है अब ये मैच ही सत्रह ओवर का है तो डीएलएस कब यूज करोगे अब यही मैच अगर दस ओवर का मैच होता है और डीएलएस में तो यूज करना होता तो तीन में करते या पांच में करते आप तो बड़ा कन्फ्यूजिंग ये ये कन्फ्यूजिंग चीज़ है भाई इसमें दिमाग ना ही लगाइए तो बढ़िया बेटर है क्योंकि मैं खुद नहीं लगा रहा हूँ दिमाग भाई इसमें मैं वेट कर रहा हूँ कि भैया ऑफिशियल न्यूज कब देंगे कि मैच का होना क्या है जब

तो आप सब लोग जो है पे के साथ जुड़ जाइए पे एक ग्लोबल पे आईडी नेटवर्क है मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपए की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपए का है यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइसेंट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर, कर लीजिए पे के साथ पे ट्राई एंड ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है फास्ट विड्रॉल एंड फास्ट डिपोजिटि है तो खेलिए और जीतिए जीती पे पे मिनिमम बैट सिर्फ दस और मिनिमम डिपॉज जो है सिर्फ सौ की है यहाँ पर डेली कॉन्टेक्स चलते हैं जहां पर आप पचास हजार तक का इनाम जीत सकते हैं प्लस हर ट्रांजेक्शन पे आपको विड्रॉल करिए डिपॉजिट करिए आपको दो का बोनस यहाँ पर मिलेगा और

आ, टीवी पे लाइव दिखाया है कि भाई चार ओवर में उनतीस होना चाहिए थे पांच ओवर में उनतालीस रन पास स्कोर है यहां पर तो पांचवा ओवर हुआ ही नहीं तो पांचवा ओवर कैसे काउंट कर लेंगे आप यहां पर भाई साहब आपने पैसा के पर लगा है हाँ खुश हो रहा हूँ भाई देखिए एल के मैंने पहले ही बोलता है लाइका को सपोर्ट करिए आप सब लोग और भाई मैं यही कह रहा हूँ कि लाइका वालों आराम से सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है लाइका वालों के लिए लाइका के हाथ में दोनों तरह तो से तो लड्डू है अगर फैसला है तो लाइका जीतेगी और नहीं फैसला है तो मैच अपेंडेंट हो जाएगा खत्म बात यहाँ पर और काफ़ी लोग काफ़ी लोग अपना निभाग लगा रहे हैं कि यार पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भाई ये बताए पंकज सिंह भाई एप्लीकेबल कब होता है ये चीज़ टी एन पी एल कैप्ट आप ये कह रहे हैं पॉइंट्स टेबल में टॉप की टीम जाती है अगर मान लीजिए ये क्वालीफायर हो होता क्वालीफायर होता क्वालिफायर के अंदर आप मान लीजिए यहाँ पर नल्लई रॉयल किंग और लाइका का मैच होता और कहीं ना कहीं यहाँ पर बारिश आ जा जाती और मैच अब एंडेंड होता तो नल्लई आगे जाती ना कि लाइका आई सी सी से मिनिमम फाइव आर रिक्वायर्ड भाई आई सी सी कहती है ना प्रशांत भाई

चार ओवर के अंदर जो डीएल दिखाया गया था वो यूज़ नहीं किया जाएगा बता रहे हैं कह रहे हैं कि कम से कम जो है पांच ओवर होने चाहिए तो भाई पांच ओवर में उनतालीस रन चाहिए पास स्कोर जो है उनतालीस रन का है द सुपर गिल्स नीड समथिंग स्पेशल टू गेट द टोटल अगेन ओके द कोवाई के विल भी आर्गर टू बैक ऑन द फील्ड एंड गेट भाई ओवर मिलने बहुत जरूरी है आउट रिजल्ट भाई देखिए अगर दोबारा मैच शुरू हुआ तो कम से कम एक ओवर होना और ज़रूरी है तभी फैसला आएगा तो आप लाइका वालो डीएल मेथड को दो गोली और यहाँ से उम्मीद करो कि ये मैच जो है अब एक ओवर कम से कम होना चाहिए नीट भाई डी एल नी नाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं पांच ओवर चाहिए कम से कम अब डी मेथड को यूज़ करने के लिए तो लाइ अभी ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है टी के पास से तो कि भाई पांच ओवर होने चाहिए और पांच ओवर के लिए क्या पता भैया अंपायर मान जाए तभी तो हम एक और, और करार थे मैच हो गए या नहीं भाई बारिश हो रही है अब क्या बताएं यार आर एस सोशल भाई मनीष भाई कह रहे डीलर मैथड डीलर मैथड यूज नहीं करेंगे अब 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 यूज नहीं करेंगे ये कह रहे हैं यूज नहीं करेंगे भाई हम मगर ये दिक्कत है कि मैच अपेंडेंट होगा तो क्या होगा जी सही कारण है भाई अपडेट बता दो भाई मैं तो जी कोई अपडेट नहीं है बारिश हो रही है झमाझम झमझम झमझम बारिश हो रही है यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होगा और क्या हो सकता है क्योंकि ये मुकाबला बड़ा ही डाइसी सा है और कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही है इसमें ऑफिशियल न्यूज बहुत लेट आती है सत्रह ओवर के मैच में चार ओवर का डेस हो गया भाई मेरी बात होगी पंद्रह पंद्रह रन विन होगी वैलाइ का देखो भाई क्या कहते हैं अभी टी एन पे मोदी से बात करें अगर करना चाहिए भाई कर लीजिए भाई मोदी से बात कर लीजिए बोल दीजिए भाई फैसला करवा दीजिए इस मैच अच्छा। का सी एच जे का अपने ड्यू टू हायर पॉइंट ओके ओके पॉइंस टेबल की बात करें या विनिंग टोटल की बात कर रहे हैं आप बता दीजिएगा मुझे यहाँ पर एक तो टी में बारिश बारिश कर 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 दिमाग खराब हो गया है बारिश ही बारिश हो रही है यार और यहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा बैड वेदर है बारिश हो रही है और इस चक्कर में मैच जो है वो रुका हुआ है और वी लोज एन ओवर फोर मिनट्स इट्स अ सेवनटीन मिनट्स सिंस, सिंस, द रेन कम एंड तो लॉस्ट फोर आउट ओवर्स अकॉर्डिंग टू आई प्लेइंग कंडीशन ओके भाई अंकित मिश्रा जी ने बड़ा ऑफिशियल न्यूज़ दी है और तेईस बज के पचास मिनट हो चुके हैं सत्रह मिनट है। भाई आई पी एल बता रहे ना आई पी एल के हिसाब से सात सौ सात बजे मैच शुरू हुआ है सवा नौ से सत्रह ओवर कर दिए इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं है ये मैच सो जाइए भाई ये खत्म करेंगे मैच को सर मैच अटेंडेंट हुआ तो क्या होगा अटेंडेंट होगा तो कुछ नहीं होगा अटेंडेंट होता रद्द हो जाएगा या ट्रॉफी शेयर कर देंगे नहीं तो कोई भाई कह रहे हैं कि भाई जो पॉइंट टेबल में टॉप होगा उसे कब दे देंगे ऐसा होता तो नहीं भाई मैंने देखा तो नहीं ये कोई ये हो सको ये कोई बिग बैस तो है नहीं क्योंकि इंडिया वाले में पता ही आपको ट्रॉफी अगर पॉइंट टेबल वाले को ऊपर वाले को दे दिया तो ये आपस में लड़ जाएंगे यहाँ पर प्लीज़ रिपीट सर टी ऑफिशियल न्यूज़ ऑफिशियल न्यूज़ ये है कि भाई अगर डी एल मैथड को यूज़ करना है अगर डी एल मैथड को डकलस लूज मैथड को यूज़ करना है तो कम से कम पाँच ओवर होने चाहिए मिनिमम पाँच ओवर होने चाहिए तभी अब डी एल मैथड डकलस लुइस मैथड जो है एप्लीकेबल होगा अदरवाइज अदरवाइज़ यहां पर जो है अब देखना होगा क्या होता है कि कह रहे हैं भाई कम से कम टू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ द ऑफ दिस मैच एट लीस्ट फाइव ओवर नीड टू बी बोल्ड इन सेकेंड इनिंग हज़ार रुपये लगाए रखे भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे भाई और अपटेंट हो गए तो पैसे वापस मिल ही जाएंगे सबको यहाँ पर यार क्या यार ये रात भर रात काली कर दिया आज टी एन पी एल ने अपनी छः सौ चार लाइक हो चुके हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस यार ए वी आर वी ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब लोग मिनिमम बैट सिर्फ सौ रुपये की है और मिनिमम डिपॉजिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ और यहाँ पर ब्रिमिम पैट दस रुपये की है और ब्रम डिपॉजिट जो है सौ रुपये का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव चैट मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ए वी आर पे के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा क्या मैच आज खेलने जाएगा क्या भाई ये मैच मेरे को लगता नहीं अब होगा क्योंकि बारिश हो चुकी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले लेने थी इन्होंने जब शुरू हुआ जब मैच शुरू किया था तो दो घंटे लिए थे ग्राउंड को सुखाने के लिए अगर यहाँ से दो घंटे और ले लिए ना ग्राउंड को सुखाने के लिए तो रात के तीन बजे मैच खत्म होगा तीन या चार बजे करीब जय हो योगी जी बाबा बिल्कुल भाई जय हो भाई पंकज इज राइट पंकज इज राइट ओके भाई पंकज भाई कहाँ है पंकज भाई का मैसेज छूट गया यार चोर है बी चौधरी भाई जुड़ गया चोरे सी एच जी को आज जिता देंगे भाई आ, जो भी बैठ लगी है उसका क्या होगा भाई भाई वाले में तो फिर अगर अबेंडेंट मैच अपेंडेंट हो गया तो पैसे सारे वापस आ जाएंगे आपके कब चाहे वैसे से जीत जाए मैच में रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि देखिए अगर रिजल्ट नहीं आता है तो पैसे आपके सारे वापस हो जाते हैं किसी भी मार्केट में हो आप फिर भाई बाजें लाइ लिखा है भाई यदि मैच अटेंड होगा तो हाइर पॉइंट वाला टेबल भी जीत जाएगा भाई जितने दीजिए चपाओ जीत जाएगा फिर और क्या करेंगे भाई क्रिकबाज वाले ये भैया बता रहा हूँ मैं में ये टी एन फीएल वाले कुछ भी कर देते हैं सुपर ओवर भाई सुपर ओवर के लिए आपको ग्राउंड में आना तो पड़ेगा ग्राउंड में आते एक और और करा लेते पांचवा ओवर देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर और काफ़ी हद तक का मुकाबला जो है बंद हो चुका है यहाँ से अब मुझे लगता नहीं कि ये मुकाबला दोबारा हमें शुरू होते हुए दिखेगा और यहाँ से लग नहीं रहा कब तक वेटिंग करने का मैच अच्छा है भाई शुरू कर करने के लिए भाई देखिए साढ़े बारह सवा बारह तक ये वेट करेंगे उसके बाद जो है ये कर देंगे वापस ये वापस कर देंगे कह देंगे भैया गोवा जाओ जाके सो जाओ कोई फ़ायदा नहीं है तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अब मुकाबला जो है लगता नहीं है लाइव कहाँ देख रहे हो भाई संतोष कुमार भाई लाइव विजुअल सब जगह बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लाइव विजुअल जो है बंद हो गए हैं और क्या विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ एग्जैक्टली द विनर एक्जैक्टली टी एन पी एल थ्रू भाई देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि टी में वो खुद फैसला बताएंगे भाई कौन जीतेगा ठीक है यहाँ पर विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ एग्जैक्टली द विनर विल बी डिसाइडेड इन टी थ्रू तो यहाँ पर ये आईपीएल की न्यूज़ दे रहे हैं कि आईपीएल अगर होता तो आईपीएल में ऐसा करते अब टीएनपीएल में कैसा करेंगे वो देखना होगा क्योंकि इसका कोई रूल तो बनाया होगा आ, टी एन पी एल ने उनका रूल क्या कहता है वो देखिएगा ज़रा क्योंकि आप पढ़ते आधी बात मत पढ़ा करिए पूरी बात पढ़ा करिए उसने लिखा हुआ है उसने लुका हुआ है कि भाई सत्रह मिनट से चार ओवर लूज़ हो रहे हैं या आई पी एल बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आई पी एल प्लेइंग कंडीशन जैसे आई को कॉपी कर रहे हैं उस तरीके से बताया है इन्होंने कहा है कि अगर आई में ऐसा होता तो छेपॉक सुपर गलीज जो है पॉइंट्स टेबल पर हो चुकी है क्या करें सी एस हायर फिनिश एल के ठीक है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अब इंटरेस्टिंग देखना होगा कि भाई टी में क्या होता है आईपीएल के हिसाब से तो आपने बता दिया कि भाई आईपीएल के हिसाब से यह मुकाबला अगर होगा क्योंकि ये आई पी एल नहीं भाई ये टी है भाई खत्म है सी एस जी में न द्रॉफ़ी भाई प्रदीप भाई आपने न्यूज़ फिर से नहीं पढ़ी स्क्रीन पर दोबारा जाइए जाके पढ़ के आइए उसने उसने लिखा क्या है उनने कहा भाई आई में ऐसा होता है आप देखिए टी में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी भाई और ट्रॉफी जीतने का मैच अपनडेंड कर देंगे तो मैच तो खत्म हो जाएगा ट्रॉफी जिता दीजिए जिसको जिताना है वो तो वही बात है भाई अंधेर नगरी चौपट राजा बस वही वाली कहानी है तो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है यार ये न्यूज़ जो है बताना होगा क्योंकि यार बारिश के चलते जो है पूरा पूरा ये फाइनल जो है धुल गया है आ, ऐसा कुछ नहीं है भाई ये मैच अपेंडेंट होगा भैया मैच अपेंडेंट कर देंगे ट्रॉफी किसको देंगे शेयरिंग ट्रॉफी ट्रॉफी जो है वो शेयर की जाएगी या फिर चेपॉक्स सुपर गिलीज को देंगे वो तो अब टी के ऑफिशियली बताएंगे यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यहाँ पर तो द रिकवर किंग विल बी अगर टू गेट बैक द द फील्ड ऑन कैट दील्ड ऑनटम ओवर आधे दो ओवर भी करवा देंगे ना तो ये ये दो ओवर के बाद डीएल में यूज हो जाएगा तो दोनों टीमों के लिए देखिए दोनों टीम आर्गू कर सकती है इसमें अब देखते हैं कौन सी टीम आर्गू जीतती है यहां पर और बारिश तो देखिए हो रही है बारिश अभी रुकी नहीं है बारिश अभी रुकी नहीं है छह लाइक हो चुके हैं पंद्रह भाई और लाइक कर दीजिएगा आईपीएल खेलने की स्थिति में देखिए भाई भाई ने हिंदी में लिख के लाए हैं राधा कृष्ण भाई कह रहे हैं आईपीएल खेलने की स्थिति के, के अनुसार यदि फाइनल में परिणाम संभव नहीं है तो लीग चरण के बेहतर करने वाली टीम को विजेता घोषित कर देंगे तो इस मामले में सी एस जी एल के के से बेहतर खड़ा है इसके आगे का राधा कृष्ण भाई ने नहीं लिखा है कि अब देखिए टी एन पी एल में कैसे डिसाइड करते हैं ये या लिखा हुआ है क्रिक के ऊपर कि टी एन पी एल में कैसे डिसाइड करेंगे वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर वो आगे की बात आपने नहीं लिखी राधा कृष्ण भाई पहले आगे की बात तो लिख दीजिए क्योंकि आगे लिखा की, का रूल है ये का रूल नहीं है नहीं तो हर चार मिनट में एक एक ओवर खत्म हो रहा है और आप लगा सकते हैं आप कितने ओवर बचे हैं क्योंकि चार ओवर हो चुके हैं ग्यारह ओवर होने और मेरे हिसाब से अगर 15-20 मिनट में और मैच नहीं शुरू होता है तो शायद अब आप कुछ रिजल्ट या फिर एबेंडेंट की रिल्यूज़ मिलेगी और यहाँ पर आप सब लोगों देखिए आधी बात मत पढ़ा करिए पूरी बात पढ़ के आया कराएगी क्योंकि ये जो रूल बता रहे हैं ये रूल जो है आई में लागू होता है टी के अलग रूल हैं आई पी के अलग रूल हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखिए ये टी एन पी एल में कहीं भी कह दे कि भाई चार ओवर में हम डी एल में तो यूज़ कर लेंगे तो वही तो रूल है तो अब ट्रॉफी खुद रख ले गला घपलाई गए डकोटा भाई कह रहे घपला ली गए यार भैया कौन था एक ओवर में तीन चार विकेट लिया उसका मेहनत पानी पानी हो गया रमन कुमार जी वो थे प्रदीप संदीप वॉरियर संदीप वॉरियर ने जो है विकेट छटकाए थे तीन विकेट छटकाए थे और असाई किशोर ने दो विकेट लिए थे मोहिंदर नाथ जी का मैसेज ले लिया महेंद्र नाथ भाई कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार महेंद्र भाई कैसे टाइम के कितने कितने लास्ट है भाई साढ़े बारह तक समझ लीजिए भाई ये साढ़े बारह तक लास्ट होगा इनका क्योंकि यार ये मुकाबला यार बड़ा ही मैं क्या करूँ यार क्या करूँ पता ख़त्म है ये मैच खत्म है कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर ये मुकाबला जो है ख़त्म ही है आप सोच लीजिएगा पैसा वापस आ गया कि नहीं भाई प्लीज अमित भाई पैसा वापस आ जाएगा अगर मैच अबेंडेंट हो जाएगा तो पैसा सारा वापस आ जाएगा टीएनपे का कोई रूल है है नहीं सिर्फ फुद्दू टूर्नामेंट है बीच <laughs> बाद भाई इनकी लीग जो है अपने हिंदी में बताओ कोई जीते विष्णु कुमार भाई हिंदी में बता रहे हैं कि यहाँ पर पाँच ओवर पूरे होने चाहिए तभी आपके डकलस लुइस मैथड यूज होगा डी यूज होगा अदरवाइज अगर ये मुकाबला पांच ओवर पूरे नहीं हुआ तो सोच सकता है शायद अबेंडेंट हो जाए अब ट्रॉफी देखने वाले बता कि ट्रॉफी किसको देंगे यहाँ पर मुझे एक बात कहनी है भागेश्वर जी वाला जी कह दीजिए भाई आप और स्टेटस किंग करें बारिश तेज हो गया क्या भाई बारिश तो तेजी है भाई शुरू से तेज़ हो रही है अंपायर घसीट घसीट के जो है इन्होंने चार ओवर करवाए हैं आपको राशि बता नहीं भाई कुछ बिल्कुल भैया कोई बात नहीं स्टाइल हो भाई आ, टी एन ट्रॉफी हमारे गाँव को आएगा भाई अरे उल्लास भाई फिर तो हम भी देखने आएंगे उसको बारिश की थम गई क्या भाई कुछ थम ही नहीं है बारिश हो रही है यार ये सुबह से बारिश हो रही है इस पिच पर वो तो बीच में दो तीन घंटे जो है वो रोक गई खेल लिया गया एक भाई कह रहे हैं सुपर ओवर करवा दीजिए सर सुपर ओवर कैसे करा दे यार सुपर ओवर करने के लिए भी क्या कह कहते हैं मैदान में, में तो आना पड़ेगा और मैदान पूरा गीला पड़ा है हाँ कैलाश शर्मा जी कह रहे हैं भाई संजू संजू सैमसन कब आएगा भाई संजू सैमसन जो है वो कब इंडियन टीम में खेलते नजर तो आएंगे आपको हम हैं भाई बाहर पानी बहुत तेज़ हो रहा है ओह पानी बहुत तेज़ हो रहा है हम ख हम खुद घर जा रहे हैं शो को हर भाई कह रहे हैं हम खुद घर जा रहे हैं भाई <laughs> बारिश रुक गई अब मैदान सुखाया जा रहा है भाई बिल्कुल सही बात है सुखा दीजिए भाई पूरा सुखा दीजिए मैदान और एक और करवा दीजिए फिर देखिए डी सिस्टम आएगा मैच में भाई भाई डी सिस्टम तो ऑन ही पड़ा हुआ है अगर एक ओवर हो जाता तो फैसला हो जाता कि लाइका जो है ट्रॉफी ले जाएगी मगर वो बारिश जो है एक ओवर और थोड़ा सा और रुक जाती ना तो ये फैसला हो जाता है यहाँ पर बाकी अभी देखते हैं क्या होता है यार अभी ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है ऑफिशियल न्यूज़ के बिना मैं कुछ कहूँगा नहीं मैच अमेंडेंट हो गया चार ओवर में रिजल्ट नहीं होगा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं विनीत भाई मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि अगर चार ओवर में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो है तो अपडेंट कर दीजिए यार इन्होंने बताया क्या गलती करी है? कि टी के फाइनल मैच में भी इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा नहीं रखा हमेशा हर लीगों में ये होता है कि आपका एक फाइनल मुकाबला फाइनल मुकाबले के लिए एक दिन आप एक्स्ट्रा रखते हैं जिससे अगर बारिश बारिश आ जाए या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन हो जहाँ पर आप गेम को दोबारा शुरू कर सकते हैं ये टी इतनी बड़ी लीग बन गई इतने सीजन कर लिए इनको पता है कि टी तमिलनाडु प्रीमियर लीग में जो ये स्टार्ट हुआ है इस सीजन में यहाँ पर जो है बारिश आ ही रही है तो उनको कम से कम एक रिजर्व डे तो रखना चाहिए था कब के कब का हेड और लेग अलग करो और दो टीमों को दे दो भाई आ, बात खत्म सही बात है सफेद भाई बात तो सही कह रहे हैं यहाँ पर कहीं कही ना कहीं क्या है कि यार टी इतनी अब मैं क्या बोलूँ यार बता इस चीज़ है यही बोलना नहीं चाहिए क्योंकि यार इतनी बड़ी लीग बनाए रखी है आप लाइव दिखा रहे हैं सारे व्यूअर फॉलो भी कर रहे हैं मगर तब भी तब भी आप जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिजर्व डे नहीं रह सकते क्योंकि अगर अगर रिजर्व डे होता तो आज शायद बारिश का मौसम है, है तो आप कल कल इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे कि क्या पता कल दो घंटे का और टाइम मिल जाए तो ये मैच का फैसला ही आ जाता मैच नहीं स्टार्ट हुआ तो अगर तो सी एच जी मन हो जाएगा भाई सी एस जी देखिए मैच में नहीं जीत पाएगा सी एच जी फाइनल नहीं जीत पाएगा भाई जीतने का लॉजिक ही नहीं बनता उनका ट्रॉफी चाहे जैसे दे सकते हैं मगर तो जीतने का रिजल्ट नहीं बनता है ऑफिशियल द ग्राउंड मैच मैचेंट सी एस जी डिक्लेयर ओके चलिए भाई, भाई ने भाई ने भाई ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया भाई भाई तो खुद ही मतलब तो कुछ लोग तो ऐसे ऐसा लिख देंगे जैसे भाई साहब ऑफिशियली न्यूज़ यही बना के दे रहे हो सबको भाई सेट का टारगेट चार ओवर उन्तीस रन ओवर द सेकंड बोर्ड स्कोरबोर्ड द रन के भाई देखिए स्कोर बोर्ड तो था वो तो चार ओवर में उनतीस रन दिखाई देते डी एस मैथड लाइव में दिखा रहे कि भाई डी एल मेथड जो है वो चार ओवर के अंदर उनतीस रन होना चाहिए मगर यार ये चार ओवर में का मतलब समझ में नहीं आया मुझे अब हम पाँच ओवर बता रहे हैं अब देखो पाँच ओवर में हो जाएगा या फैसला ये क्या देते हैं कि यहाँ से मुझे तीन साढ़े बारह बजे तक तो लास्ट देखेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके बाद जो है खत्म कर देंगे मैच को कि जाओ भैया सो जाओ अब इन्हें कोई फ़ायदा वायदा है नहीं यार खेले जा रहे हैं खेले जा रहे हैं थका दिया इन्होंने भाई अपडेट बताइए कुछ भाई बड़े कुछ अपडेट नहीं है शुभम कुमार भाई कोई भी अपडेट नहीं है लाइव विजुअल आ नहीं रही है बारिश का अनुमान है और बारिश हो रही है क्योंकि बारिश हो रही है बारिश रुकती तो तुरंत अपडेट अपडेट आ जाएगा तुरंत अपडेट आ, आ जाएगा बारिश रुकेगी तो इस बीच आप सब लोग लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को यहाँ पर और चार ओवर में से चौदह रन बनाए हैं दो विकेट नुकसान पर और वैसे भी यहाँ पर मुकाबला जो है अब लग रहा है कि खत्म हो जाएगा देखते हैं खत्म होता कि नहीं टी एन ट्रॉफी ट्रॉफी का क्या करेंगे सर मैच का देखिए अरे मैच को अपेंडेंड करो ट्रॉफी को शेयर करो खत्म करो बात को इसे बंद करो ये बहुत मजाक हो गया है यहाँ पर ट्विटर में लाइका का लाइका में विन कह दिया भाई ट्विटर पे लाइका को विन कह दिया भाई किसने कह दिया ट्विटर पर भाई ट्विटर पे टी एन पिल ने वाई लाइका को विन कह दिया वाह जी वाह ट्विटर हैंडल तो हम खोल के बैठे हुए हैं कहाँ कहाँ इसको ट्विटर ने कह दिया होगा भाई यहाँ पर लास्ट जो अपडेट आई है वो रेन की है ये यहाँ पर रेन आ गई है देखते हैं अभी क्या होगा इस मुकाबले में लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को यहाँ पर और भाई लोग बैटिंग क्या होगा कुछ नहीं होगा सर जी वापस पैसे मिल जाएंगे अगर मैच अपेंडेंट होता है सारे पैसे वापस मिल जाएंगे आपको और देखते हैं अभी क्योंकि पाँच स्कोर तो दिखा रहे हैं पाँच ओवर तो होनी चाहिए पाँच ओवर करा ही लेते यार भाई मैंने पचास हज़ार लगाए हैं सी पर अगर भाई मैच अपेंडेंट होंगे तो पैसे वापस ही मिल जाएंगे आपको अगर पैसे वापस मिल जाएंगे फिर आपको कट ऑफ टाइम बारह पच्चीस से भाई कट ऑफ टाइम बारह पच्चीस से तो भाई ख़त्म करिए फिर ग्यारह मिनट और वेट कर लीजिए फैसला दे देंगे ट्विटर में लाइक का बिन कह दिया है भाई लाइक लाइका बिन कह दिया इनको कुमार भाई कह रहे हैं ट्विटर पर ट्विटर पर फिर ट्विटर ही खेल लेंगे आप ट्विटर पे ही खेल लेंगे देखते हैं क्या होगा अभी इस मुकाबले में लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़ रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर सात सौ बारह लाइक हो चुके हैं यार आप सब लोग लाइक भी करते रहिए बारह सो लोग हमें देख रहे हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और आप सब लोग जो है एवीआर पे पर ज्वाइन कर लीजिएगा पे पर मिनिमम बैट सिर्फ दस रुपए की है जो है सिर्फ सौ रुपये का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव मैंने पिन कर दिया है लिंक को क्लिक करिए ज्वाइन करिए पे के साथ खेलिए और जीतिए यहाँ पर ढेरों इनाम यहाँ पर डेली कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं जहाँ पर आप पचास हजार तक का इनाम जीत सकते हैं प्लस हर विड्रॉल और डिपॉजिट पर आपको दो परसेंट का बोनस मिलेगा यहाँ पर ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है एवीआर वे पे दुनिया के किसी भी कोने से आप एवीआर वी पे ज्वाइन कर सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं ढेरों इनाम तो प्रेडिट करिए एवीआर पे के साथ क्रिकेट फुटबॉल टेनिस बहुत सारे अन्य स्पोर्ट्स गेम्स है कसनो गेम्स है तो गेम ही गेम है भाई एवीआर वी पे, पे खेलिए और जीतिए अच्छी बात यह कि ट्राई एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है फास्ट विड्रॉल फास्ट डिपोजिट है ट्वेंटी फोर सेवन लाइफ सपोर्ट भी है और अच्छी बात एक और बात इसमें अच्छी है कि मिनिमम बेट सिर्फ दस रुपये है और मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में

लाइका कैसे विन हो सकती है ये बताइएगा जरा आप सब लोग भाई मेरा पैसा लाइका पे लगा है और सी पे कुछ जिता दीजिए तो मैं हार मर जाऊंगा भाई सी एस जीत नहीं जीतेगी भाई मैच एबेंडेंट सी एस जी जीत नहीं सकती इस मैच को जीत जीत ये मैच कोई नहीं जीतेगा यार चलिए एबेंडेंट हो गया ये मुकाबला और ज्वाइंट विनर घोषित कर दिया गया है यहाँ पर टी का ये मुकाबला जो है अबेंडेंट हो गया है और यहाँ पर यहां पर जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया है दोनों टीमों को तो बता देगी लाइका और शेपॉक सुपर किंग जो है 2000 टीएनपीएल 2022 एन पी की जो है जॉइंट विनर है तो यहां पर किसी का किसी एक टीम के पास ट्रॉफी नहीं जा रही है दोनों टीमों को शेयर करनी होगी ये ट्रॉफी टी एन पी एल दो हज़ार बाईस की तो धन्यवाद आप सब लोगों को जुड़ने का मैच का सूरत हाल ये था कि पहले मैच में बारिश का खलल हुआ सत्रह सत्रह ओवर का ये मैच हुआ लाइक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सत्रह ओवर में एक सौ अड़तीस रन बनाए नौ विकेट नुकसान पर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेबा सुपर गिल्स सुपर गिलीज जो है वो चार ओवर में चौदह रन बनाकर दो विकेट नुकसान पर जो है यहाँ पर थी उसके बाद बारिश जो है मैच में दोबारा आई और गेम जो है वो रुक गया तो मैच को अबेंडेंट कर दिया गया है और दोनों टीमों को जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया है तो यहां पर न्यूज आ चुकी है मैच अबेंडेंट हो गया है और दोनों टीम जो है वो ज्वाइंट विनर हो गई है एक टीम नहीं जीती है दोनों टीम जो है वो जीती है यहाँ पर तो यहाँ पर टूर्नामेंट जो है ये मैच रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को ज्वाइंट विनर घोषित कर दिया गया तो यहाँ पर सी एस के भी सी एस जी भी कप जीत गई और लाइका भी जो है कप जीत गई है तो यहां पर बो टीम ओवन कप दोनों को दे दिया है भाई बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप ज्वाइंट विनर घोषित कर दिया गया है तो सभी भाइयों के आप लेते हैं विदा आप सबसे क्योंकि यहाँ पर टी एन पी एल हमारा समाप्त हुआ मगर आप सबको एक बात कहना चाहूंगा कि यह टी एन पी एल की जो लीग थी बहुत ही ज़बरदस्त ये लीग थी हमारे लिए और आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इसमें और कम से कम पूरे 32 मैच हमने लगातार यहाँ पर कमेंट्री लाते रहे मैं हूँ या फिर शशांक भाई हैं आपके लिए कमेंट्री लाते रहे आप सब लोगों ने भी जो है बहुत सपोर्ट किया तो थैंक यू आप सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए क्रिकेट लाइव हिंदी पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर लाइव शर्ट में मैंने पिन कर दिया है और ए पे का तो ए पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर ए पे जो है ज़बरदस्त वेबसाइट है तो थैंक यू आप सभी भाइयों का आप सब लोगों ने टी एन पी एल में फुल सपोर्ट दिखाया है इसीलिए टी एन पी एल में हमारा चैनल जो है वो नंबर वन पे चल रहा था थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस आप सब लोगों का धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो लोग नए जुड़े हैं और स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करिएगा और यहाँ से अब सभी भाइयों से जो है विदा लेंगे विदा लेंगे यहाँ पर आप सभी लोगों से यहाँ पर और यहाँ पर जॉइंट विनर जो है वो घोषित कर दिया गया है और दोनों टीमों को और यहाँ पर यहाँ पर काफ़ी हद तक ये मुकाबला होना भी नहीं था तो यहाँ पर ट्विटर ने लाइक ऑफ विन कर भाई कोई अमित कुमार भाई ये न्यूज़ छोड़ दीजिए अब ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है और यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ यही है कि मैच अबेंडेंट हो गया है दोनों टीमें जो हैं वो विनर हैं 2022 के सीजन की तो कोई फैसला नहीं आया है पैसा रिफंड होगा क्या भाई बिल्कुल भाई मैच के जितने पैसे हैं सबके रिफंड हो जाएंगे अब यहाँ पर जॉइंट विनर्स हो गए यार बिल्कुल चलो चलो कर लो भाई खेल कर लो भाई खेल कर दिया भाई चलिए सभी भाई को गुड नाइट शब्बा खैर जय हिंद जय भारत यहाँ से दस मिनट का ब्रेक लेंगे उसके बाद स्ट्रीम करेंगे क्लोज धन्यवाद आप सब लोगों को सपोर्ट करने का टी एन पी एल पर आप सो ने बहुत सपोर्ट किया है तभी क्रिकेट लाइव हिंदी जो है वो रैंक वन पे था टी एन पी एल के अंदर थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इसी तरह की सपोर्ट करते रहिए आप सब लोग अभी सभी भाइयों को विदा गुड नाइट शब्बा खैर कल मिलते हैं आपसे इंडिया वर्सेज इंडीज़ के मुकाबले में थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस गुड नाइट शब्बा खैर जय हिंद जय भारत